सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी मैं आपका दोस्त संकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद हो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो साथियों सभी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे बहुत अच्छे आराधना वर्मा है शीनू यदवंशी हैं वर्षा पंकुड़ी हैं विकास कुमार हैं शिवा शर्मा हैं शिवानी धामा गुज्जर हैं तनु गेमिंग हैं मेहका सिंह हैं बहुत अच्छे आंचल तिवारी है जागृति मिश्रा है अनामिका मिश्रा है बहुत बढ़िया तो एक बार सोनम देवी है अतीस बहुत बढ़िया जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों जीएस अपने आप में किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान रखती है आप सभी जानते हैं कि बिना जीएस के सिलेक्शन लेना बड़ा कठिन सा है तो बेहरे बच्चों इसी संदर्भ में आपकी जीएस बूस्टर सीरीज चलाई गई है जिसके अंतर्गत कई सारी मैराथन क्लास हो चुकी हैं आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी गुरुजी इकोनॉमिक्स पढ़ा दो मैं बोला भैया इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे देखो ये मैराथन क्लास के माध्यम से आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराऊंगा आधे चैप्टर आज कंप्लीट कराऊंगा आधे चैप्टर नेक्स्ट संडे आपकी दूसरी मैराथन क्लास होगी उसमें कंप्लीट कराए जाएंगे तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे मुकुल चौधरी हैं चलो भाई एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर कर देंगे फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन ये क्लास बच्चों दिल्ली पुलिस में आपसे बात करूं एसएससी जीडी करूं यूपी पैट कहूं आपसे वनडे एग्जाम यूपी पुलिस कहूं ये किसी भी एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए सफिशियंट होगी सभी टॉपिक्स पे डिस्कस किया जाएगा हां सारी पढ़ाना सारी पढ़ाएंगे बेटा लेकिन होगी दो पार्ट में आधे चैप्टर आज पढ़ाऊंगा आधे चैप्टर आपकी अगली क्लास में कराऊंगा ठीक है ना चलो मुरलीधर जी भी हैं, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और प्यारे बच्चों यहां आप देखोगे तो जैसे प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास आपकी विपिन सर ले चुके हैं मैं इंडियन ज्योग्राफी की ले चुका हूं लेकिन इसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है तो दो तीन घंटे की एक क्लास इसमें और लगेगी इसका पार्ट टू कर देंगे इंडियन ज्योग्राफी का ठीक है मध्यकालीन भारत हो गई पॉलिटी वन हो गई ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा रिमेनिंग है और बच्चों आधुनिक भारत हो गई पॉलिटी का सेकंड आस गार्गी मैम ने सुबह कराया था ठीक है जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कराया जाएगा आज आ आपकी इंडियन इकोनॉमी की बेटा फर्स्ट क्लास है यानी कि फर्स्ट पार्ट होगा तो आज हम इंडियन इकोनॉमी करेंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया देखो आपस में बातचीत नहीं करेंगे चीजों को समझेंगे हाँ बिल्कुल बेटा सीजीएल के लिए भी है ठीक है ना तो सीजीएल के भी जो आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ शामिल होंगे और आपको एक लेबल भी मैं लेके चलूंगा ठीक है ना ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सभी चीजें आपकी एकदम प्यार पूर्वक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करूं यहां आपसे तो आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे एक तो बेटा प्यारे बच्चों मैं आपका यहां पर बेसिक इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करूंगा यानी कि बच्चों बेसिक्स को डिस्कस करूंगा अब अगर मैं आपसे बेसिक की बात करूं तो बेसिक के अंदर क्या क्या आता है जैसे कि आपका बच्चों इकोनॉमिक्स क्या है तो भैया इकोनॉमिक्स क्या है ये बात कहूंगी ठीक है साथ के साथ बच्चे इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है यहां पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के प्रकार टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं यह वाली बात डिस्कस करूंगा साथ के साथ प्यारे बच्चों यहां पर आज का टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो गया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी घबराना नहीं ये सभी बातें मैं हिंदी में ही बताऊंगा आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो ये तीन टॉपिक तो बेसिक हो गए आपके इसके बाद प्यारे बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा नेशनल इनकम राष्ट्रीय नेशनल इनकम एक तो इनकम और एक बेटा नेशनल इनकम हो जाएगा यहां प्यारे बच्चों एक टॉपिक आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति और एक टॉपिक बेटा यहां पर मनी एंड बैंकिंग हो जाएगा मनी मतलब मुद्रा और बेटा बैंकिंग मतलब बैंक मनी एंड बैंकिंग और यही मनी एंड बैंकिंग के बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी बहुत प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉनिट्री मॉनिट्री पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के विषय में भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे ठीक है अगर समय रहेगा चीजें आगे बढ़ेंगी आनंद आएगा तो बाकी की चीजों को भी डिस्कस करेंगे बेटा आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देख लेना बनाना सारे क्वेश्चन इससे ही मिल जाएंगे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा वो सभी टॉपिक मैं आपके क्लियर कराऊंगा ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया गजब एकदम चलो हाँ ग्रीक से लिया गया है देखो बालक कितने होशियार है हमारे पहले से ही बता देते हैं ग्रीक से लिया है लेकिन क्या लिया है ग्रीक से ये बात नहीं बताएंगे ठीक है चलो बेटा आगे बात करूं तो यही अगर समा समय बचा बिटा तो इसमें और आपका पॉवर्टी यानी कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट भी शामिल कर लेंगे तो ये हो गया चलो इतना ही देख लें पहले कि कितना हम कवर कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक्स ये बड़े बड़े हैं और दूसरी क्लास भी लगभग पांच घंटे की आएगी तो पाँच घंटे की आज की क्लास पांच घंटे की दूसरी क्लास दोनों मिला के टोटल दस घंटे में आपकी इकोनॉमी में खत्म करा दूंगा तो प्यारे बच्चों बात करूं मैं यहां आपसे इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स आप जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या है जल्दी से बताएं इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स के विषय में इकोनॉमिक्स बेटा एक सब्जेक्ट है एक विषय है एक क्या है बेटा सब्जेक्ट है अरे इतनी बात तो जानते ही हो सारे के सारे बच्चे सब्जेक्ट जानते हैं ना विषय जैसे कि आप क्या पढ़ते हो इतिहास पढ़ते हो आप भूगोल पढ़ते हो जैसे आप बेटा इतिहास भूगोल और भी दुनिया भर के आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी एक विषय है इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में बेटा अर्थशास्त्र कह देते हैं क्या बोल देते हैं अर्थशास्त्र कहा जाता है अर्थशास्त्र अब देखो ये जो अर्थशास्त्र शब्द आया है ये चाणक्य के, के ग्रंथ से निकला है ठीक है ना किसके ग्रंथ से बेटा चाणक्य के, के ग्रंथ से बहुत बढ़िया अब देखो यहां समझना है अर्थशास्त्र जो हिंदी का शब्द है ये तो बेटा इंग्लिश का वर्ड है इंग्लिश का ये इंग्लिश का है ये बेटा आपका हिंदी का वर्ड है ये हिंदी का वर्ड है अब ये हिंदी वाला जो अर्थशास्त्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है ठीक है कौन कौन से दो शब्द हैं एक है बेटा आपका अर्थ और एक है बेटा शास्त्र एक शास्त्र और शस्त्र में अंतर समझना है शास्त्र बेटा अर्थ का मतलब होता है धन धन मतलब पैसा मतलब मनी और बेटा शास्त्र का मतलब होता है किसी चीज के विषय में अध्ययन करना स्टडी करना तो बेसिकली आप कह सकते हो कि धन के विषय में अध्ययन ही अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन धन के विषय में अध्ययन ही प्यारे बच्चों ठीक है ना भाई बहुत बढ़िया एक क्या गा रहे हैं ये गाना ये कह रहे हैं कि आपने क्लास एक में पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन नहीं आया लेकिन पूछूं हूं बता पूछूं था भारत का पर्यावाची मैं ही है अरे प्रशांत भाई ये कौन सी भाषा है मेरी समझ में नहीं आ रही है आपकी कहना क्या चाह रहे हो थोड़ा शांति से और प्रेम पूर्वक कहिएगा तो समझ में आएगा ठीक है ना भाई अब अगर मैं बात करूं बेटा ये जो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र इसका मतलब है लेकिन इसका संबंध कोई भी बेटा यानी कि इकोनोमिक्स से पैसे से नहीं था तो चाणक्य द्वारा लिखित जो ग्रंथ है ये ग्रंथ किसने लिखा है बेटा चाणक्य ने तो पेपर में कई बार किताब के बारे में भी पूछ लिया जाता है चाणक्य द्वारा लिखित है चाणक्य ने लिखा है आपका अर्थशास्त्र और इसका संबंध किससे है पॉलिटिक्स से संबंध किससे है चाणक्य द्वारा लिखित ग्रंथ किससे संबंधित है तो बेटा ये राजनीति से संबंधित है किससे संबंधित है बच्चों राजनीति पॉलिटिक्स से राजा का शासन कैसा होना चाहिए राजा को कैसा होना चाहिए राजा को कैसे राजनीति करनी चाहिए ये सभी चीजों से जुड़ा हुआ था इसका संबंध कोई भी इकोनॉमिक्स से बेटा नहीं था ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी हल्की सी अब देखो यहां समझो ये जो आपका ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स अंग्रेजी का ये कहां से निकल के आया है ये एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से निकला है ग्रीक बोले तो बेटा यूनानी भाषा के शब्द से निकला है यूनानी और वो यूनानी भाषा का शब्द क्या था ओकोनोमिया क्या नाम था बेटा ओकोनोमिया से निकला है ओकोनोमिया ओकोनोमिया से निकला है ओकोनोमिया से कौन निकला है प्यारे बच्चों इकोनोमिक्स शब्द निकला है ओकोनोमिया से बात क्लियर है बेटा ये जो ओकोनोमिया शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का तो इसका मतलब क्या है ओकोनोमिया का अर्थ ओकोनोमिया का अर्थ बनता है मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का प्रबंधन क्या बनता है बेटा संसाधनों का संसाधनों का प्रबंधन संसाधनों का प्रबंधन देखो भाई हमारी बात ध्यान से समझनी है जो हम आपसे कह रहे हैं यानी कि बेटा चाहे कह लो गृह प्रबंधन हाउस होल्ड मैनेजमेंट चाहे कह लो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का प्रबंधन देखो हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है ये बोर्ड मेरे लिए रिसोर्स का काम कर रहा है मैं आपका टीचर जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए एक रिसोर्स हूं एक संसाधन हूँ बात समझ में आ रही है थोड़ी सी नहीं आ रही है तो कहने का मतलब बेटा जो इकोनॉमिक्स वर्ड निकल के आया है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड है ओकोनोमिया जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का प्रबंधन करना आप कैसे मैनेज करोगे क्योंकि आपके पास जो संसाधन है आपके देश के पास जो संसाधन है आपके घर के पास जो संसाधन है वो लिमिटेड संसाधन है लिमिटेड का मतलब सीमित और हमारी इच्छाएं हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र हमें ये बात बताता है प्यारे बच्चों कि आप ये क्या है समस्या क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया बेटा प्रशांत अगर तुझे लग रहा है बेटा हमारी क्लास से नहीं आ रहा है तो बेटा पगला गया है फिर तू क्यों पढ़ रहा है एक बात बता आनंद ले जीवन के आनंद जहां तुझे लगे बेटा कि यहां से आता है वहां से पढ़ ले कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना इसमें चलो बहुत बढ़िया साइंस की क्लास में अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा जल्दी आपके सामने एक हफ्ते के अंदर मैं देखूंगा कोशिश करूंगा पूरी की साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाए लेकिन अब अगर दोबारा से कमेंट कॉपी पेस्ट किया आपने तो बेटा बहुत ही कूटूंगा ये बात ध्यान रखना है ठीक है दीपू 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 प्यार से समझ जा दीपू बहुत काटूंगा नहीं तो बेटा बहुत पिटाई लगाऊंगा चलो हाँ पीडीएफ मिल जाएगा मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही सारी पीडीएफ मैं एप्लीकेशन पे भी डलवा दूंगा बात क्लियर तो यहां चीजों को ध्यान से देखो और चीजों को समझने का प्रयास करो बात क्लियर है आप जो भी बच्चे हो सिर्फ वो रहो जो पढ़ने वाले हैं जो फालतू के हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिहार पुलिस के लिए भी ले सकते हैं बेटा सेम सभी का रिविजन कराएगी ये क्लास ठीक है ना बच्चों बात क्लियर है अब देखो आगे की चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया अब देखो आगे चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करना है मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं तो रिसोर्सेज कैसे होते हैं बेटा रिसोर्सेस कैसे होते हैं रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड लिमिटेड का मतलब जानते हैं ना मान लो बेटा घर में मूंगफली आई पापा लाए मूंगफली ठीक है आप हो घर में आठ दस लोग लेकिन बेटा मूंगफली है आधा किलो ठीक है पापा है आधा किलो मूंगफली है सब कह रहे हैं मैं इतनी सारी लूंगा इतनी सारी पापा कहते हैं मैं दूंगा अपने हिसाब से लो एक एक मुट्ठी मिलेंगी सभी को मूंगफली इसका मतलब पापा ने क्या किया मैनेजमेंट किया किसका मूंगफलियों का कि भाई सबे मिल जाए सबकी इच्छाएं सेटिस्फाई हो जाए ऐसा ना हो कि किसी के लिए कम रहे और किसी के लिए ज्यादा रहें बात समझ में आ रही है तो ये बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को आपको समझना है क्योंकि बेटा ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही पेड क्लासेस में भी नहीं मिलता है तो इसलिए चीजों की वैल्यू को समझो और चीजों को याद रखें ठीक है चलो बहुत बढ़िया और यादव जी थोड़ा शांति रखें रिसोर्सेज हमारे पास ये रिसोर्सेज किसे बोलते हैं बेटा संसाधनों को देखो हमारे पास जो बेटा संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं सीमित होते हैं सीमित जानते ना आप लिमिटेड संसाधन होते हैं सीमित होते हैं तो बेटा हमारे पास संसाधन कैसे हैं सीमित हैं सीमित यानी कि लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वॉन्ट्स हैं वॉन्ट्स वॉन्ट्स कैसी हैं बेटा अनलिमिटेड 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 ठीक है ना भाई हमारी जो वॉन्ट्स हैं बेटा वो कैसी हैं? अनलिमिटेड यानी कि हमारी इच्छा जो है इच्छा हमारी इच्छा बेटा क्या है असीमित है अनलिमिटेड है असीमित तो हमारी इच्छाएं असीमित हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं बात क्लियर है बहुत बढ़िया गजब एकदम हाँ बहुत बढ़िया बेटा अगर एक बात बताओ अगर नहीं पढ़ना हो आपको तो बेटा काहे आप बार बार ऐसा देखो मेरी बात समझो ध्यान से करंट अफेयर्स भी चल जाएगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपके सामने टीचर सेलेक्ट हो गए हैं बहुत जल्दी आपके सामने मैं लॉन्च करने वाला हूं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ठीक है अभी जो क्लास चल रही है अंकित यादव बेटा पहले करंट ही पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा पहले करंटी पढ़ेगा आज है? चलो, चलो बच्चों बात क्लियर है आगे बात थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली क्या है अब बेटा किसी को मुक्ति चाहिए आप में से तो बता देना अब मैं मुक्ति भी दे दूंगा जो भी डिस्टर्ब करेगा क्लास को अब इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करो मॉक टेस्ट बेटा इस शनिवार से चालू होंगे का और जो भी डाउट हो लास्ट में पूछेगा ये डाउट नहीं बेटा पढ़ने की क्लास है और आप सभी फालतू की चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि अभी काम की नहीं है अब बेटा देखो ध्यान से समझना है अर्थशास्त्र कुछ समस्याओं का हल करता है तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है तो जल्दी से बताएंगे एक बार अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कितनी हैं? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कितनी हैं? जिन्हें कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो बेटा अर्थशास्त्र की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है केंद्रीय समस्याएं जो अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं कही जाती हैं चलो भाई बहुत बढ़िया अब देखो यहां ध्यान से समझना है जो मैं आपसे बता रहा हूं प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां अर्थशास्त्र की तीन मुख्य समस्याएं हैं कितनी है आंसर करके बताना है बातचीत नहीं करनी है मैं आपको बार बार कह रहा हूं बेटा बातचीत मत करिएगा चलो बहुत बढ़िया अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां आपसे जो ध्यान देने वाली बात है कि अर्थशास्त्र में तीन समस्याएं पैदा होती हैं और ये समस्याएं पैदा होने का कारण क्या है समस्याएं पैदा होने का कारण क्या है बेटा बात कर लेना आराम से हाँ बहुत बढ़िया चलो भाई अब अगर मैं बात करूं यहां बेटा कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है अर्थशास्त्र अर्थ की ठीक है ना बच्चों बात समझ में आ रही है तो देखो समस्याएं पैदा क्या होती हैं देखो भाई अर्थ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो पहली समस्या पैदा होती है कि उत्पादन क्या करना है जिसे कहा जाता है बेटा वॉट टू प्रोड्यूस क्या बोलते हैं वॉट टू प्रोड्यूस पहली समस्या वॉट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पादन करें क्या उत्पादन करें क्या प्रोडक्शन करना है बेटा ये पहली समस्या है अर्थशास्त्र की ठीक है ना पहली समस्या क्या है प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पादन करें ब्रेड बनाएं आईफोन बनाएं अब देखो आपके पास मान लो बेटा 10 बीघा खेत है 10 बीघा खेत आप उसमें सारी फसल तो नहीं बो सकते गेहूं भी बो दो मक्का भी बो दो गन्ना भी बो दो दाल भी बो दो तो आपको पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या उत्पादन करना है जिसे कहा जाता है वॉट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन करें आगे बात करूं प्यारे बच्चों दूसरी समस्या क्या है अर्थशास्त्र की दूसरी समस्या क्या है दूसरी समस्या होती है प्यारे बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस? कौन सी होती है हाउ टू प्रोड्यूस ये पेपर में पूछी जाती है हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि बेटा कैसे उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें बेटा खेती करनी है मान लो आपको या कोई सामान बनाना है वो उत्पादन करें कैसे यानी कि हम मशीन से उत्पादन करें या फिर हम लेबर को लगाएं अगर मशीन से उत्पादन करते हैं तो लोगों का रोजगार छिन जाता है यदि हम लेबर से काम कराते हैं तो वस्तुएं महंगी बनती हैं मेरी बात समझ रहे हो तो यह भी एक समस्या है तो पहला पहला कैसे उत्पादन करें दूसरी समस्या मतलब पहले तो क्या उत्पादन करें फिर कैसे उत्पादन करें और तीसरी समस्या बेटा किसके लिए उत्पादन करें गरीब आदमी के लिए करें अमीर आदमी के लिए करें किसके लिए करें ये तीसरी समस्या है तो तीसरी समस्या को बोलते हैं फोर हुम टू प्रोड्यूस क्या बोलते हैं बेटा फोर हुम टू प्रोड्यूस फोर हुम टू प्रोड्यूस ये क्या है तीसरी समस्या किसके लिए उत्पादन करें किसके लिए किसके लिए उत्पादन करें ठीक है ना भाई तो ये तीन समस्याएं हैं अर्थशास्त्र की अब पेपर में आपसे क्या पूछता है अर्थशास्त्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं तो आपका आंसर आएगा पहली समस्या क्या उत्पादन करें दूसरी समस्या कैसे उत्पादन करें तीसरी समस्या किसके लिए उत्पादन करें बात समझ में आ रहा है तो इकोनॉमिक्स में हाँ बेटा सीजीएल के लिए भी है आप निश्चिंत रहे सारी चीजें कवर होंगी तो बेटा अर्थशास्त्र की तीनों समस्याएं आपकी समझ में आई मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र क्या है तो बेटा अर्थशास्त्र निकला है आपका ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के ओकोनोमिया से जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और प्यारे बच्चे हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं तो हमारी अनलिमिटेड इच्छाओं को लिमिटेड संसाधनों से किस प्रकार से सेक्रीफाइज किया जाए संतुष्ट किया जाए यही बात बताता है अर्थशास्त्र बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया अब आगे बात करें प्यारे बच्चों यहां आपसे जो ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान देने वाली बात प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे आती है ये कि प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से किसे जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स का पप्पा किसे कहा जाता है तो बेटा इकोनॉमिक्स के पापा कहे जाते हैं एडम स्मिथ भाई साहब कौन कहे जाते हैं बेटा एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है एडम स्मिथ एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे आप सभी जानते हैं स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट इन्होंने लेजी स्फेर का सिद्धांत दिया ए छेप का सिद्धांत प्यारे बच्चों इनकी 1700 कब आई थी इनकी बुक बताओ मुझे कब पब्लिश हुई थी ठीक है ना इनकी किताब का नाम बताना एडम स्मिथ की तो बच्चों सत्रह में इनकी एक बुक आई थी एक किताब आई थी इनकी किताब का नाम क्या था वेल्थ ऑफ नेशंस ठीक है ना क्या था बेटा वेल्थ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस वेल्थ ऑफ नेशंस ठीक है ना भाई वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी किताब है राज्यों की संपदा ठीक है ना तो पूरी किताब का नाम तो बहुत लंबा है एन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस लेकिन बेटा सिंपल सी ध्यान रखनी है आपसे वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है नेशन तक ही दो तो, नेशन छोड़ो तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की किताब है बहुत बढ़िया चलो भाई हाँ बेटा चीन होगा तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में ठीक है ना कई बार इनमें डिस्प्यूटेड एरियाज को लेके विवाद रहता है लेकिन चीन का तीसरा नंबर बिल्कुल ठीक है पीडीएफ मिल जाएगा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा वो पीडीएफ मिल जाएगा चीजों को समझने का काम करना है मैं अगर आपको समझा रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो चीजों पर ध्यान देना है ठीक है ना चलो बच्चों अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है एडम स्मिथ भाई साहब को एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब है जिसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है ठीक है ना भाई तो ये बात ध्यान रखनी है और इन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की परिभाषा परिभाषा कई बार पूछ लेता है अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी तो इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और पेपर में ये बात पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह कथन किसका है तो बताएं मुझे किसका है अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है धन का विज्ञान है इकोनॉमिक्स ठीक है ना भाई तो ये वाली बात भी आपसे पेपर में पूछ लेगा बहुत बढ़िया तो बेटा क्या होगा अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है धन का विज्ञान है तो ये बात ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ये कथन किसका था इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स इज द साइंस इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ये किसका कथन था ये एडम स्मिथ भाई साहब का था ठीक है बच्चों बात क्लियर यहां तक सभी बच्चों की अगर क्लियर हो तो एक बार मुझे थम्सअप करके बताएं जल्दी से बहुत बढ़िया एक बार सभी बच्चे थम्सअप करेंगे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसकी परिभाषा थी ठीक है तो बताना है आपको एडम स्मिथ की आगे बात करूं प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो मामला आता है वो आता है प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है तो यहां लिखेंगे इकोनॉमिक्स एक साइड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और प्यारे बच्चों एक साइड लिखोगे आप इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दोनों में क्या अंतर होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है देखो भाई इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं बेटा अर्थशास्त्र कहा जाता है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ठीक है बच्चों और इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था यानी कि किसी चीज की व्यवस्था करना व्यवस्था ऐसा नहीं है कि रोटी पानी की व्यवस्था कर दो आप तो बेटा इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स एक विषय है एक सब्जेक्ट है क्या है एक सब्जेक्ट है एक विषय है जबकि अर्थव्यवस्था क्या है अर्थव्यवस्था अब देखो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल फॉर्म तो बेटा प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल 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 जानते हैं ना अच्छा एक बात बताओ आप आपको साइंस पढ़ी होगी आप सभी बच्चों ने ठीक है ना जब आप साइंस पढ़ते थे स्कूल के अंदर तो आपको टीचर क्या बताता था न्यूटन की गति का नियम ठीक है ना या फिर और भी बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट आपने क्लास के अंदर पढ़े होंगे थ्योरी के रूप में लेकिन बेटा प्रयोग कहां करना है आपको उनका प्रयोग कहां कराता था प्रयोगशाला के अंदर कहां लेके जाते थे लैब में लेके जाते थे बात समझ रहे हैं ना तो प्यारे बच्चों जब ये अर्थशास्त्र के अंदर क्या दिए गए हैं अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल तो दिए गए हैं सिद्धांत बोले तो आप कह लो कि कुछ रूल दिए गए हैं कुछ नियम दिए गए हैं और जब इन नियमों को जो अर्थशास्त्र के अंदर लिखे गए हैं इन नियमों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू करते हैं भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ज्योग्रोफिकल रीजन जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में ज्योग्रोफिकल रीजन में भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है अप्लाई किया जाता है लागू करते हैं लागू करते हैं तो वो क्या बन जाती है बेटा अर्थव्यवस्था कहलाती है अर्थव्यवस्था कहलाती है अर्थव्यवस्था कहते हैं तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब अर्थशास्त्र के नियम किसी देश में कोई देश क्या है एक ज्योग्राफिकल रीजन है बेटा यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र है आपका गांव आपका देश आपका राज्य अब अगर मैंने मानो ज्योग्राफी के नियम यानी कि ज्योग्राफी नहीं इकोनॉमिक्स के नियम में ये लिखा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम नेशनल नेशनल इनकम कैसे निकालें यह में दिया गया है बेटा यह अर्थशास्त्र में दिया गया है थ्योरी है तो अर्थशास्त्र क्या है अर्थशास्त्र एक थ्योरी सब्जेक्ट है क्या है बेटा थ्योरी सब्जेक्ट है थ्योरी लेकिन इस थ्योरी का प्रैक्टिकल कहां होता है अर्थव्यवस्था के अंदर होता है ठीक है ना भाई तो जब अर्थशास्त्र के नियम कहीं लगते हैं तो बेटा वो अर्थव्यवस्था बन जाती है सिंपल सी बात है अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां आपसे तो अर्थशास्त्र जब लगता है कहीं तो अर्थव्यवस्था बनती है एग्जाम्पल के तौर पे अर्थशास्त्र के ये नियम हमने अगर बेटा भारत में लगा दिए भारत में तो क्या बन जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था जब अर्थशास्त्र के सिद्धांत किसी देश में लगते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है मान लो ये अर्थशास्त्र के नियम मैंने रूस में लगा दिए तो बन जाएगी रूस की अर्थव्यवस्था अगर चाइना में लगा दिए तो चाइनीज इकोनॉमी चीन की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था तो जहां भी ये नियम लगते हैं वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है ये बात आपके समझ में आई हो तो एक बार हम सब करेंगे जल्दी से बहुत बढ़िया गजब एकदम आपस में ऐसे ही बातचीत करते रहे जीवन का उद्धार जरूर होगा हाँ बिल्कुल भाई बेटा बिहार एसएससी का भी संभव नहीं है बैच लाना इसलिए चीजों को समझने पे थोड़ा सा ज्यादा टारगेट करें और बातचीत करने पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तो काम बेहतर चलेगा हाँ बूस्टर सीरीज की क्लास हाँ बिल्कुल आर ओ आर ओ के लिए बेटा अभी नहीं कह सकता मैं आर ओ आर ओ के लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें जरूर कुछ ना कुछ मैं करूंगा जरूर आपके लिए ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो यहां तक बातें समझ में आई हैं कि जब अर्थशास्त्र के नियम किसी देश में लगते हैं तो वो अर्थव्यवस्था बन जाती है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी दी गई है और इस थ्योरी का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वह अर्थव्यवस्था होती है बात क्लियर हो गई अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहां बात करते हैं बेटा अर्थशास्त्र की शाखाएं ब्रांचेस बोल दो आप या फिर अर्थशास्त्र के प्रकार भी कह सकते हैं आप अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के प्रकार अर्थशास्त्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप कह सकते हो तो बेटा एक हमारे रेगनर फ्रिस्क भाई साहब थे क्या नाम है इनका रेगनर फ्रिस्क इन्होंने अर्थशास्त्र की दो टांग तोड़ दी ठीक है ना क्या नाम है इनका रैगनर फ्रिस्क रैगनर फ्रिस्क रैगनर फ्रिस्क ने बेटा अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांट दिया अब आप जानते हैं दोनों शाखाओं का नाम क्या होगा दोनों शाखाओं में बेटा एक जो शाखा आती है वो आती है प्यारे बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आती है बेटा माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है माइक्रो और एक आती है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया किसने किया था रैगनर फ्रिस्क ने बात क्लियर है चलो भाई अब अगर मैं बात करूं माइक्रो माइक्रो को बोलते हैं प्यारे बच्चों आपका अर्थशास्त्र। व्यस्टि समझते हैं छोटा वाला व्यस्टि अर्थशास्त्र व्यस्टि अर्थशास्त्र व्यस्टि का मतलब होता है जो छोटा हो सूक्ष्म हो ठीक है व्यस्टि व्यस्टि को आप समझो किसी व्यक्ति से जोड़ के समझो व्यक्ति व्यक्ति मतलब जो अकेले की बात करता हो अकेले पन में रहता हो और मैक्रो को कहा जाता है समष्टि बेटा समष्टि अर्थशास्त्र बात समझ में आ रही है समस्टि का मतलब होता है बड़ा यहां समष्टि का मतलब आप समाज से जोड़ सकते हो और व्यक्ति अकेला रहता है और समाज में सभी लोग आते हैं कहते हैं ना समाज क्या कहेगा ठीक है समष्टि मतलब समाज और मतलब व्यक्ति सिंपल सी बात जो व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक कंपनी के बारे में अध्ययन करना हो तो छोटे लेवल की आपने देखा होगा ना आपके फोन में माइक्रो माइक्रो सिम कार्ड डलता है है का मतलब क्या होता है? छोटा वाला छोटा वाला सिम कार्ड पास समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों व्यस्टिंग अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं बेटा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल किसी एक चीज के विषय में अध्ययन करते हैं तो बेटा यह किसके विषय में अध्ययन कराता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ठीक है ना भाई किसी इंडिविजुअल के विषय में स्टडी करनी हो, तो कहां करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बेटा व्यक्तिगत अध्ययन व्यक्तिगत का मतलब है किसी एक के विषय में व्यक्तिगत अध्ययन करना है किसी चीज का व्यक्तिगत अध्ययन करना है इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करनी है तो कहां करेंगे व्यस्टि के अंदर माइक्रो के अंदर किसी एक कंपनी के विषय में मान लो मैं रिलायंस जियो की बात करूं एक बार अकेली कंपनी है रिलायंस बेटा मैं आइडिया की बात करूं अकेली कंपनी है आइडिया की सिम के प्राइस uh, बढ़ रहे हैं अकेली कंपनी के विषय में बात कर रहे हैं अब मैं बात करूं कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है राष्ट्रीय आय देश के नागरिकों की आय होती है जो कि पूरे देश की आय होती है बात क्लियर है हाँ बेटा पेट के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहेगी पेट का लगभग पूरा सिलेबस इसमें लगभग लगभग दोनों क्लासेस में कवर हो जाएगा बात क्लियर तो बेटा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल किसी एक के विषय में अध्ययन करना व्यस्टि के अंतर्गत आता है अगर मैं बात करूं बेटा यहां स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बड़े लेवल पर समाज का अध्ययन करते हैं तो बेटा यहां लिखोगे स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहां करते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहां किया जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों की मैक्रो के अंदर समस्ती के अंदर पूरे पूरे कंप्लीट का अध्ययन करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसका ऑब्जेक्ट मैक्रो वाले का इसका उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्ट क्या है रोजगार का निर्धारण करना तो इसे बच्चों क्या कहा जाता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम आय और रोजगार का सिद्धांत यह लोगों की आय के विषय में बात करता है रोजगार के विषय में बात करता है मैक्रो तो इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम तो बेटा इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं इसे बच्चों थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के नाम से भी जानते हैं तो आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र की किस शाखा को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं तो बेटा मैक्रो को तो इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है क्या बोलते हैं इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं रोजगार का सिद्धांत तो आय और रोजगार का सिद्धांत किसे कहा जाता है मैक्रो को बेटा बड़े वाले को अच्छा छोटे वाले को इसे बेटा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं छोटे वाले को ये मांग बढ़ाता है मांग के विषय में बताता है तो इसे क्या बोलते हैं पेरे बच्चों थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है मांग व आपूर्ति आप का सिद्धांत किससे संबंधित है तो आपका आंसर आएगा छोटे वाले से यह मांग को डिटरमाइन करता है व्यक्तिगत स्तर पे अध्ययन करते हैं इसके अंदर तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो आपका आंसर आएगा माइक्रो इसे प्राइस थ्योरी कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है छोटे वाले को दूसरे नाम से भी जानते हैं इसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है यानी कि इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी प्यारे बच्चों जानते हैं क्या बोलते हैं कीमत सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है तो चाहे आपसे प्राइस थ्योरी पूछे चाहे आपसे मांग और आपूर्ति का सिद्धांत पूछे ये किससे जुड़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो से कौन जुड़ा हुआ है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं अच्छा देखो यहां अगर आपसे पूछे कि इसके पापा कौन हैं इसके यानी कि बड़े वाले के पापा कौन हैं इसके फादर किसे कहा जाता है इसके फादर किसे कहा जाता है बेटा जॉन मिनार्ड कीन्स जे एम कीन्स जे एम कीन्स को पेपर में पूछा गया है जे एम कीन्स को किसके नाम से जानते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं बहुत बढ़िया तो ध्यान रखिएगा जे एम कीन्स की एक किताब भी है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं पेपर में पूछ लेता है बेटा जे एम किन्स जॉन मिनार्ड किंस जे एम किन्स जे एम किन्स की एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट क्या नाम है किताब का द जनरल थ्योरी द जनरल द जनरल थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लॉयमेंट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड मनी द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी किताब है तो आंसर आएगा जोन मिनार्ड किन्स बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत गजब बहुत गजब अब अगर मैं बात करूं एक कह रहे हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एल्फ्रेड नोबेल बुक ऑफ प्रिंसिपल ये कौन सी भाषा लिखी है दोस्त आई डोंट नो बेटा जो माइक्रो है माइक्रो के पापा वैसे तो एडम स्मिथ हैं, लेकिन प्यारे बच्चों एसएससी ने एक एग्जाम एक में पूछा तो वहां एल्फ्रेड मार्शल को माना है वैसे वास्तव में इसके पापा जो कहे जाते हैं माइक्रो वाले के आप गूगल भी करोगे तो आपको एडम स्मिथ दिखेगा एडम स्मिथ दिखेगा कि एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का पापा कहा जाता है लेकिन प्यारे बच्चों एसएससी के एक एग्जाम एक में एल्फ्रेड एल्फ्रेड मार्शल को किसे माना गया बेटा एल्फ्रेड मार्शल को इसका पापा माना गया है एल्फ्रेड मार्शल एल्फ्रेड मार्शल एल्फ्रेड मार्शल को माना गया है मेरी बात समझ रहे हो हाँ बहुत बढ़िया द वेल्थ ऑफ नेशन क्या है वेल्थ ऑफ नेशन बेटा किताब है राज्यों की संपदा ठीक है किताब किसने लिखी है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया सागर शर्मा कह रहे हैं सर ऐप पर बेटा ये करवा रहा हूं मैं अभी जो एक दो दिन का समय लग जाएगा हो जाएंगे सारे ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखो मंत्र अभी लगेगा आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखें चलो भाई बहुत बढ़िया हाँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा एडम एल्फ्रेड मार्शल की किताब है ठीक है ना तो एल्फ्रेड मार्शल ने भी किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तो अगर लिखना चाहो यही तो छोटे में लिख देना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी किताब है तो आपका आंसर क्या आएगा एल्फ्रेड मार्शल एल्फ्रेड मार्शल की किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन जे एम किंग्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बात क्लियर है तो यहां तक बताएं यहां तक बात क्लियर हो गई है हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है हमने बेटा ये पढ़ा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं फिर मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र का मतलब क्या है हिंदी वाला अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है कौटिल्य जिन्हें कहते हैं जिसका संबंध पॉलिटिक्स से है राजनीति से है इंग्लिश वाला ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से निकला है इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं सीमित होते हैं बेटा सीमित संसाधनों को हम कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि सभी की असीमित इच्छाएं पूरी हो सकें फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं तीन हैं क्या उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें किसके लिए उत्पादन करें आगे बात करूं प्यारे बच्चों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है किसे प्यारे बच्चों एडम स्मिथ को इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है इनकी किताब आई सत्रह में वेल्थ ऑफ नेशन फिर बात की हमने कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है फिर बात की अर्थशास्त्र की दो टांगे हैं माइक्रो और मैक्रो डिवाइड करने का काम किया रेगनर फ्रिस्क ने बात सारी की माइक्रो और मैक्रो का अंतर आपको पता चला कि जब पूरे देश की बात करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था की अध्ययन करते हैं तो मैक्रो में करते हैं माइक्रो के अंदर किसी एक कंपनी किसी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है इसे कीमत सिद्धांत या फिर बच्चों मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कैसे हैं इसे बच्चों आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहते हैं मैक्रो वाले को बड़े वाले को बात क्लियर हो रही है हाँ दिल्ली हाँ मैं मैथ और रीजनिंग का बेटा मैं करूंगा प्रबंध उसमें ठीक है ना तो थोड़ा पेशेंस रखें पहले जीएस कंप्लीट करें जीएस पचास नंबर का है आगे जो भी बन पाएगा मुझसे मैं पक्का कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करूं हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा एक दिन में सारा कुछ करवा दूं मैं आपके लिए ऐसा चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है थोड़ा समय दो आप मुझे अभी धीरे धीरे करके सारी चीजों की व्यवस्था करी जाएंगी तो थोड़ा पेशेंस जरूरी है हाँ, टेस्ट बेटा सैटरडे से मिलेगा आने वाले सैटरडे से ठीक है चलो बात करें प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि भैया अर्थव्यवस्था में कहा क्या बन रहा है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है तो क्षेत्रक भी बोल देते हैं क्षेत्र भी बोल देते हैं तो इसे बोला जाता है बेटा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्टर्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं बेटा तीन क्षेत्र होते हैं तीन कितने होते हैं तीन मुख्य रूप से तीन ही है लेकिन कुछ नए अर्थशास्त्री दो क्षेत्र और बढ़ा दिए हैं हमारी जान को थोड़ा सा और कलेस कर दिए तो पांच कर दिए लेकिन मुख्य रूप से आपके तीन ही क्षेत्र होते हैं नंबर पहला क्षेत्र बेटा फर्स्ट नंबर जिसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या कहा जाता है बेटा प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जानते हैं प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या बोलते हैं बेटा प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों को शामिल करते हैं इसीलिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं यानी कि बेटा इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी सामान बनता है बेटा वो बनता है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ठीक है ना भाई तो आपसे पेपर में पूछे कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किस क्षेत्र में होता है प्राथमिक क्षेत्र में तो यहां लिखोगे इसके अंतर्गत किसके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है समान बनता है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है नेचुरल प्रोसेस से होता है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है तो बच्चों प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो उत्पादन होता है ठीक है ना वो कहां होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर होता है अब प्राकृतिक चीजें क्या है जैसे कि हवा जैसे मिट्टी जैसे कि खनिज जैसे कि पेड़ पौधे जैसे कि मुर्गी जैसे कि भैंस सब चीजें प्राकृतिक हैं ठीक है ना भाई चलो भाई बहुत बढ़िया अब देखो यहां ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो चीजें बनेंगी वो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होंगी ठीक है ना अब देखो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये जो है बेटा हमारे देश में लगभग इक्यावन परसेंट रोजगार देता है रोजगार मतलब काम देता है रोजगार तो हमारे देश के लोगों को ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से रोजगार लेते हैं इक्यावन परसेंट रोजगार देता है इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था की रीड कहा जाता है क्या बोलते हैं बेटा? अर्थव्यवस्था की रीड कहते हैं। अर्थव्यवस्था की रीड, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है बात क्लियर क्योंकि बेटा, ज्यादा रोजगार देता है मोर देन फिफ्टी वन परसेंट रोजगार यहीं से मिलता है दूसरी बात बच्चों इससे जीडीपी में जो पैसा आता है केवल सत्रह परसेंट पैसा इससे जीडीपी में आता है जीडीपी में जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद पढ़ाऊंगा जीडीपी में जो योगदान देता है जीडीपी में जो योगदान देता है वो बहुत कम देता है यानी कि बहुत कम पैसे का सामान यहां बनता है मान लो हमारे देश की जीडीपी सौ है तो सौ में से सत्रह रुपए यहां से आते हैं ठीक है ना तो जीडीपी में योगदान इसका सबसे कम है तो पेपर में पूछे हमारी जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है आंसर क्या आएगा प्राइमरी सेक्टर का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं क्या क्या उदाहरण है किन किन चीजों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फॉरेस्ट हो गए आपके वन अब पेड़ पौधे बेटा सूर्य के प्रकाश से मिट्टी से हवा से अपने आप उगाते हैं तो वन किस में आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में फॉरेस्ट हाँ बेटा पेट के लिए भी ले सकते हैं ये आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले लो मैं सभी टॉपिक्स आपके इसमें कराऊंगा ठीक है ना वन हो गए बेटा जैसे कि मैं बात करूं आपसे कृषि एग्रीकल्चर अभी पीछे बताया प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा कोई भी फसल बो रहे हैं हम जैसे कि बच्चों आपका पशुपालन हम पशुपालन करते हैं एनिमल हजबेंड्री किसके अंदर आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन हो रहा है जैसे कि बच्चों मुर्गी पालन बेटा मुर्गी भी क्या है प्राकृतिक है मुर्गी पालन अंडे बेचते हो अंडा प्राकृतिक है बात समझ में आ रहा है मुर्गी पालन कबूतर पालन कुछ भी ले लो आप यहां खनिज खनिज मतलब बेटा मिनरल्स आपके खनिज जमीन से निकलते हैं प्राकृतिक प्रकृति इन्हें बनाती है ठीक है तो ये सभी चीजें बेटा वन हो कृषि हो पशुपालन हो मुर्गी पालन हो खनिज हो ये सभी प्यारे बच्चों ये सभी कहां बनते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं बात क्लियर है हाँ लोहा भी होगा बेटा लोहा भी होगा जितने भी खनिज हैं मिनरल्स हैं चाहे वो हीरा हो चाहे वो यूरेनियम हो चाहे वो चांदी हो चाहे वो सोना हो वो चाहे बाबू हो बाबू नहीं होगा बेटा बाबू बाबू नहीं होगा इसमें चलो बात क्लियर तो बात समझ में आ गई बेटा तो एग्रीकल्चर को किसमें शामिल किया गया है प्राइमरी सेक्टर में अब देखो एक बात है हमें प्यारे बच्चों प्राइमरी सेक्टर से क्या मिलता है रॉ मटेरियल मिलता है कच्चा माल मिलता है तो बच्चों कच्चा माल कच्चे माल को क्या कहते हैं रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र से ठीक है ना तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राइमरी सेक्टर पी मतलब प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल कच्चा माल अभी बताऊंगा कैसा कच्चा माल कच्चा माल प्राप्त होता है कच्चा माल प्राप्त होता है इस कच्चे माल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है बात क्लियर है तो प्राइमरी सेक्टर में कैसी चीजें शामिल होती हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पादित हो रही हैं चलो भाई बहुत बढ़िया मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है अब बेटा तुम्हारा मन नहीं लग रहा बेचारी वो शादी भी ना करे तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा मन तो वैसे भी नहीं लगता है तो उस बेचारी का तो लग जान दे कम से कम है बेटा फिर भी तुम्हारा मन पहले भी पढ़ाई में कहाँ लग गया जब वो थी अब जब नहीं है तब भी नहीं लग रहा है तो फिर अंतर ही क्या आया है जीवन में जीवन तो एक जैसा है बहुत बढ़िया ऐसे ही प्रोजेक्टों पर आप काम करते रहो जीवन में ऐसे ही मन विचलित रहेगा फिर जीवन में अंत में बुढ़ापे में फिर तुम्हारा मन विचलित होगा एक बार तो बेटा मन है विचलित हो जाता है आगे बात करूं बच्चों सेकेंडरी सेक्टर नंबर दूसरा द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इसे बोलते हैं पहले बच्चों द्वितीय क्षेत्र दूसरा वाला क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र देखो भाई दूसरे वाले क्षेत्र का काम क्या है इसका काम है कच्चा माल लाओ और नया सामान बनाओ और उसे महंगा करके बेचो यानी कि प्यारे बच्चों कच्चे माल का उपयोग करके एक फिनिश्ड गुड बनाता है फिनिश्ड का मतलब अच्छी क्वालिटी की वस्तु बना देता है जो कि महंगी बिकती है सिंपल सी बात है तो यह फिनिश्ड गुड बनाता है इसे प्यारे बच्चों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है क्या बोलते हैं से? इसे इसे बेटा मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं कभी सुना है मैन्युफैक्चरिंग के विषय में मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है विनिर्माण वी विनिर्माण वी क्षेत्र विनिर्माण का मतलब नया सामान बनाने वाला क्षेत्र जो कच्चा माल यूज करके बढ़िया माल बना दे उसे विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है इसे बेटा औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है इसे क्या बोलते हैं कई बार उद्योग धंधे औद्योगिक क्षेत्र तो बेटा इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि इसमें उद्योग धंधों को शामिल किया जाता है सीधी सी बात यह है। समझ में भी आ रही है कुछ बात या फिर ऊपर से जा रही है सारी नया सामान कहाँ बनेगा द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल कहाँ से आएगा प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल कैसे बनेगा प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ क्या बनेगा नया सामान बन जाएगा ठीक है गुरुजी बात क्लियर है चलो भाई टेंथ में कुछ कुछ पढ़े हैं हाँ सारी चीजें याद आ जाएंगी बहुत बढ़िया अब देखो यहां ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा एक बात बताओ अगर मैं बात करूं यहां आपसे जैसे कि सुगर केन है गन्ना है गन्ना गन्ना कहां उगता है नेचुरल प्रोसेस से प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर ठीक है अब गन्ने को किसी फैक्ट्री के अंदर लेके आए आप ठीक है ना भाई कहां लेके आए फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री द्वारा इसे क्या बना दिया गया नया सामान बना दिया गया क्या बना नया महंगी चीज गन्ना बिकता है दो रुपए का चीनी बिकती है चालीस रुपया किलो चीनी बन गई सुगर बन गई तो ये जो चीनी बनाई वो किसने बनाई फैक्ट्री ने फैक्ट्री किस में आएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई वस्तु का निर्माण किसने किया इस फैक्ट्री ने तो जितने भी उद्योग होते हैं वो सभी द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं जैसे कि मैं बात करूं आपसे कपास कपास क्या है कच्चा बदाम सॉरी कच्चा माल बेटा ठीक है और यहां इसे कहां लेके आए फैक्ट्री के अंदर इससे क्या बना बेटा इससे बने कपड़े कपड़ा क्या है नया वस्तु नई वस्तु कहां बनी फैक्ट्री में तो भैया ये फैक्ट्री जो नया सामान बना रही है अब कपड़ा फिनिश्ड गुड है बहुत बढ़िया बेटा कॉलर जॉब मैं आपको आगे बताऊंगा अभी चीजों को समझो पहले चलो भाई बहुत बढ़िया तो बात हंस जाते हो आप मेरी बात बेटा कई बार इधर चीजों को समझने पर ध्यान देना है अब देखो एक बात बताओ मैंने आपसे बताया कि लोहा लोहा कहां से निकला खनिज है प्राइमरी सेक्टर से लोहो एस को फैक्ट्री में लाके क्या बना दी गई इससे बेटा कार में भी तो लोहा यूज होता है कार बन गई जी कार अब कार क्या है नई वस्तु महंगी वस्तु कहां बनी द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में अब देखो विनिर्माण क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र जो है ये बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है लगभग लगभग कितना 29% नाइन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करता है 29 परसेंट लेकिन यह पूछा नहीं जाता है तो इसका लिखने का कोई अर्थ नहीं बनता है साथ के साथ बेटा जितने भी निर्माण कार्य होते हैं निर्माण कार्य निर्माण समझते हो ना निर्माण निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं कंस्ट्रक्शन वो किस में आते हैं द्वितीय क्षेत्र में ठीक है ना अगर किसी का निर्माण सड़क बन रही है किसमें आएगी द्वितीय क्षेत्र में कोई अस्पताल बन रहा है किसमें आएगा द्वितीय क्षेत्र में अगर किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है हवाई अड्डा बन रहा है तो वो किसमें आएगा सेकेंडरी सेक्टर में बात क्लियर है हैं हैं बात क्लियर है ना भाई सब इसी में आते हैं हाँ कंस्ट्रक्शन भी बेटा इसी में आएगा कंस्ट्रक्शन भी किसमें आता है निर्माण काम कोई भी साथ के साथ प्यारे बच्चों गैस गैस जल जल का मतलब पानी तथा विद्युत आपूर्ति विद्युत आपूर्ति अब बेटा एक बात बताओ अब आपको गुरुजी प्राकृतिक चीजों से अब समान बनना चाहिए ना भाई अगर पानी पाइपलाइन से आपके घर तक पहुंच रहा है तो द्वितीय क्षेत्र में गैस पाइपलाइन से घर तक पहुंच रही है द्वितीय क्षेत्र में आएगा विद्युत तारों के माध्यम से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं तो दूसरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के में क्या आता है उद्योग धंधों को शामिल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के काम को शामिल किया जाता है गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इसमें इंक्लूड किया जाता है ठीक है ना भाई तो 20 परसेंट लगभग ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इतना ही काफी है इसके विषय में आगे बात करें नेक्स्ट बेटा टर्शियरी सेक्टर तीसरा वाला टर्शियरी सेक्टर क्या बोलते हैं बेटा टर्शियरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर को हिंदी में कहा जाता है तृतीय क्षेत्र तृतीय का मतलब तीसरे नंबर का तृतीय क्षेत्र क्या बोलते हैं पहले बच्चों तृतीय क्षेत्र इसे कहा जाता है बात क्लियर है तृतीय क्षेत्र का काम क्या होता है बेटा ये है एकदम बहु की तरह बहु जानते हैं ना सास बहु वाला बहु बात क्लियर बेटा सास बहु वाला बहु तो तृतीय क्षेत्र क्या करता है तृतीय क्षेत्र भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है योगदान देता है इसका काम क्या होता है यह कहता है भैया मैं दूंगा तुम्हें सेवा इसका काम क्या होना है बेटा सेवा देना होता है सेवा जानते हैं जिसे किया जाता है तो इसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर क्या बोलते हैं बेटा सर्विस सेक्टर के नाम से इसे जानते हैं तीसरे वाले सेक्टर को सर्विस सर्विस इसका काम है देना जैसे कि आपने सुना होगा ना कि अगर घर में बहु सास के पैर दबा दे अरे मेरी बहु बड़ी सेवा करती है चाय बना के पिला दे अरे मेरी बहु बड़ी सेवा करती है लेकिन अगर बेटा ना करे काम मेरी बहु सेवा नहीं करती है तो बात समझ में आ रहा है ना सास बहू का सीरियल भी आपने देखा होगा घर में जो आधी राड होती हैं ये सीरियलों की देन है तो जो भी सीरियल देखता हो सीरियल देखना बंद कर दे ठीक है ना भाई तो कहने का मतलब क्या है बेटा जैसे कि सर्विसेज जो होते हैं ना सेवाएं सेवाओं को बेटा फील किया जाता है जैसे डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने आपका हाथ पकड़ा पांच सौ रुपया उतार लिया आपसे पहले ही उसने बाहर काउंटर पे ये क्या है डॉक्टर साहब की फीस डॉक्टर आप कोई केले थोड़ी बेच रहे हैं डॉक्टर साहब आपको चेक कर रहे हैं समस्या क्या है सर्विस दे रहे हैं अपनी ठीक है ना भाई बात क्लियर है हाँ बहुत बढ़िया अब देखो यहां बात ध्यान से समझनी है बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे जो ध्यान से आपको समझना है तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है ठीक है ना तो बच्चों चौवन परसेंट पैसा चौवन परसेंट जी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है फिफ्टी फोर परसेंट जो कि सबसे ज्यादा है तो बेटा हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है टर्शियरी सेक्टर से तो सर्वाधिक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक योगदान हमारी जीडीपी के अंदर किस क्षेत्र का है सेवा क्षेत्र का योगदान है सेवा क्षेत्र का काम क्या है अपनी सेवा देना ये कह रहा है भाई मैं सेवा दे के ही तो मैं काम चला लूंगा ठीक है अब एक बात बताओ छोटी सी हाँ जिसकी भी गलती हो सास की हो बहू की हो हम गलती निकालने को नहीं आए हमारा काम है सेवा देना ठीक है मैं भी आपको सेवा ही दे रहा हूँ अब बेटा सिंपल सी बात क्या है देखो सेवा में गड़बड़ आती कहाँ है सेवा वहां गलत हो जाती है यानी कि आप देख रहे हो ना आप बात कर रहे हो ठीक है आप बात कर रहे हो हेलो बाबू थाना थालिया अब बेटा बाबू से बात हो रही है उधर थाने की पता चल गई सौ किलोमीटर दूर आपने क्या करवाया फोन में रिचार्ज करवाया बाबू की जानकारी मिल गई ये क्या है ये सर्विस है बेटा आपने देखा होगा ना एयरटेल जियो जितने भी कंपनी है क्या देती हैं? सर्विस देती हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं क्या दे रहा हूं आपको मैं कोई सामान थोड़ी ना बेच रहा हूं मैं सर्विस दे रहा हूं एजुकेशन आप फील करते हो भाई आपकी समझ में बातें आई हैं ये क्या है सर्विस डॉक्टर क्या देता है सर्विस ठीक है आप किसी बस में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह उतर गए जाकर बस थोड़ी खरीद ली आपने बीस रुपया दिए किसके बस की सर्विस बस ने आपको उठा के उधर छोड़ दिया ठीक है तो ये सारी चीजें होती है हाँ बहुत बढ़िया तो कहने का मतलब क्या है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सर्विस सेक्टर के जैसे कि प्यारे बच्चों आपका परिवहन एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं परिवहन किस में आता है परिवहन परिवहन बोले तो ट्रांसपोर्ट समझ जाओगे ना एक जगह से जैसे कि होटल अब होटल में आप रुके कहीं बाहर घूमने गए होटल खरीद थोड़ी लिया आपने पांच सौ हजार दो हजार जितने का भी रूम लिया आप रात को ठहरे तो बेटा होटल ने अपना सर्विस चार्ज लिया चलो भाई बीस रुपया नहीं दो रुपया कोई दिक्कत नहीं है आप जितने भी दिए होंगे ठीक है ना भाई एक होता है प्यारे बच्चों आपका ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि बच्चों व्यापार करना तो वाणिज्य और व्यापार वाणिज्य एवं व्यापार ट्रेड एंड कॉमर्स वाणिज्य तथा व्यापार अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं कोई ट्रेड कर रहे हैं तो यह भी क्या है यह आपका एक सर्विस सेक्टर का काम है जैसे कि बैंक आपके बेटा बैंक बैंक क्या करते हैं बैंक भी सर्विस देते हैं आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं बीमा इंश्योरेंस क्या है एक सर्विस है परिवहन क्या है एक सर्विस है मैं बात करूं आपसे शिक्षा क्या है यानी कि एक सर्विस है मैं बात करूं आपसे स्वास्थ्य यानी कि डॉक्टर आपकी हेल्थ चेक कर रहा है क्या है एक सर्विस है बात समझ में आ रही है तो जिसमें भी आपको कोई समान ना मिले केवल महसूस हो आपको वो सभी चीजें सर्विस के एग्जाम्पल हैं सेवाओं के उदाहरण हैं तो बच्चों यही आपसे पेपर में पूछा जाता है और आपको फिर ये बताना पड़ता है तो ध्यान रखना है मनोरंजन भी क्या है मनोरंजन एंटरटेनमेंट जिसे बोलते हैं आप मनोरंजन भी एक सर्विस है मनोरंजन ठीक है ना आप मनोरंजन करते हो मूवी देख मूवी देखने जाते हो बेटा या फिर टाटा स्काई आपने लगवाई होगी घर में वो क्या है एंटरटेनमेंट का साधन है डिस टीवी लगवाई तो बेटा जो चैनल देख रहे हो आप उनके पैसे पे कर रहे हो मंथली पैसे जाते हैं ना आप बातचीत करते हो तो सर्विस प्रोवाइडर है वो बात समझ में आ रहा है तो ध्यान रखना है बहुत बढ़िया यहां तक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट भी इसी के अंदर आएगा बच्चों एक बार बताएंगे तीसरे क्षेत्र के सभी एग्जाम्पल सभी चीजें समझ में आ गई हमारी जीडीबी में सबसे ज्यादा पैसा किसान से आता है क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लोगों को अपनी सर्विस देता है और आनंद लेता है सबसे ज्यादा पैसा इधर इच ही है चलो बहुत बढ़िया अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को चलो भाई अब अगर मैं बात करूं यहां से आगे तो अर्थव्यवस्था का एक चौथा क्षेत्र भी बनके तैयार हुआ जिसे कहा जाता है क्वार्टरनरी सेक्टर क्वार्टरनरी सेक्टर क्वार्टरनरी सेक्टर जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों चतुर्थ क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र देखो चौथे क्षेत्र के अंदर ऐसी चीजों को शामिल किया गया जो दिमाग से जुड़ी हुई थी ठीक है ना ज्ञान वाली बातें जिन्हें ज्यादा दिमाग लगना पड़ता था तो इसका नाम ज्ञान क्षेत्र यानी कि नॉलेज सेक्टर रख दिया गया नॉलेज सेक्टर नॉलेज सेक्टर का मतलब ज्ञान का क्षेत्र जहां दिमाग के काम होते हैं अच्छा एक बात बताओ बेटा मैं आपसे कहूं आपको एक एप्लीकेशन बनाना है आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है ठीक है आप नहीं कर पाओगे अगर आप नहीं जानते हो इसके लिए दिमाग की जरूरत है नॉलेज की जरूरत है स्किल्स की जरूरत है ठीक है तो बेटा जितने भी वैज्ञानिक होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या लगाते हैं दिमाग लगाते हैं अब एक मजदूर है मैं उससे कहूं बेटा दस ईट ले जा वो दस ईंट कमर पर रखेगा ले जाएगा उसने फिजिकली मेहनत की क्वार्टरनरी सेक्टर को चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं इसमें ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो बुद्धि से चलती हैं बुद्धि से मेरी बात समझ रहे हो ना नोट्स बेटा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा टारगेट विद अंकित का वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा ठीक है ना पीडीएफ मिल जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज इट इज तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर एक तो आईटी सेक्टर आता है आईटी सेक्टर तो पेपर में पूछता है ये आईटी आईटी सेक्टर IT सेक्टर किसके अंतर्गत आता है तो आपका आंसर आएगा चौथे क्षेत्र के अंदर अब आईटी वाले क्या होते हैं आईटी होते हैं बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या बोला जाता है बेटा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ठीक है भाई बात समझ में आ रही है इनका काम क्या दिमाग लगाना एप्लीकेशन बनाना ये बनाना वो बनाना तो बच्चों इसे हिंदी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी कहा जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं तो सूचना और प्रौद्योगिकी किसमें आता है चौथे क्षेत्र में एक बेटा नया सेक्टर जुड़ा है जिसे बोलते हैं आरडी आरडी को कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटा रिसर्च कौन करते हैं वैज्ञानिक लोग ठीक है ना भाई तो अनुसंधान एवं विकास को जो वैज्ञानिक लोग हैं हमारे जिनका काम क्या है अनुसंधान करना और विकास करना अनुसंधान तथा विकास अनुसंधान तथा विकास जिसे कहते हैं आर डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आई टी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया हां बिल्कुल आई टी सेक्टर बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके एग्जाम्पल है चौथे क्षेत्र के इतनी चीज ध्यान रखनी है पेपर में कई बार प्रश्न बना है हालांकि एक पांचवा क्षेत्र भी है जिसे क्वीनरी सेक्टर कहा जाता है फिफ्थ नंबर क्या बोलते हैं बेटा? क्वीनरी सेक्टर क्वीनरी सेक्टर का मतलब होता है पंचम क्षेत्र पांचवा क्षेत्र पंचम क्षेत्र बेटा जो अर्थव्यवस्था के टॉप के डिसीजन लेता है टॉप के ठीक है ना तो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े डिसीजन लेने वाला क्षेत्र है उच्च निर्णय अर्थव्यवस्था के उच्च निर्णय जिसका प्रभाव पूरे देश पर होता है अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के उच्च निर्णय लेने का काम उच्च निर्णय ठीक है ना इसके अंदर बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे सरकार आती है सरकार आती है इसमें सरकार के अधिकारी आते हैं इसमें इसके अंदर मेरे बच्चों बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी सीओ आते हैं इसके अंदर बेटा मीडिया आता है आपका मीडिया ठीक है ना भाई मीडिया आता है इसके अंदर विश्वविद्यालय आते हैं विश्वविद्यालय तो इन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है ठीक है ना यूनिवर्सिटीज वगैरह को तो यह चीज क्या है इनके निर्णय पूरे देश को प्रभावित करते हैं देश के टॉप लेवल के डिसीजंस लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी, सीईओ मीडिया सरकार विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल होते हैं ठीक है ना भाई बात क्लियर हो रही है यहां तक अगर आपने ये पांचों क्षेत्रों को समझा हो तो मुझे एक बार बताएं अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं दो बढ़ा दिए अभी ठीक है ना वैसे पेपर में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कितने हैं तो वो तीन ही है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं यहां से कच्चा माल मिलता है इसके अंदर जो भी सामान बनता है वो प्राकृतिक मेथड के द्वारा बनता है इसके अंदर सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है पैसा सबसे कम है इसके अंदर वन कृषि पशुपालन मुर्गी पालन खनिज वनिज सभी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना भाई आगे बात करें सेकंड नंबर सेकेंडरी सेक्टर जिसमें नया सामान बनता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं तो सभी प्रकार की इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री वैक्ट्री क्या है सब बेटा इंडस्ट्री है आपकी सभी प्रकार की इंडस्ट्री इसके अंदर शामिल होती हैं सभी आपके कंस्ट्रक्शन काम बाकी गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर है सबसे ज्यादा देश के अंदर पैसा बेटा यानी कि आपका जी में यहीं से आता है इसमें परिवहन होटल बैंक वाणिज्य व्यापार बीमा शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन इसके सभी एग्जाम्पल हैं क्वार्टरनरी चौथे क्षेत्र को ज्ञान का भंडार कहा जाता है दिमाग वाले लोगों को रखा गया है यानी कि आईटी एंड आरडी यानी कि आईटी बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और आरडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों इसी के अंदर आते हैं आगे बात करें क्वीनरी सेक्टर जिसे पंचम क्षेत्र कहते हैं अर्थव्यवस्था के उच्च निर्णय टॉप लेवल के डिसीजन लेता है इसमें सरकार एमडीसी मीडिया विश्वविद्यालय ये सभी चीजें इसके अंदर आते हैं ठीक है ना भाई एक कह रहे हैं प्यारे बच्चों सर स्कूल थर्ड में आएगा स्कूल नहीं बेटा ये विश्वविद्यालय है, है यूनिवर्सिटीज हैं बात समझ में आ रहा है ना वो मैंने वहां एजुकेशन बताया आपको शिक्षा मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरी बात समझ रहे हैं मैं स्कूल नहीं हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं किस में आ रहा हूं टर्शियरी सेक्टर में लेकिन यूनिवर्सिटीज का विशेष स्थान रखा गया है पांचवे सेक्टर के अंदर मेरी बात समझ में आ रही है जरूरी नहीं है कि स्कूल ही पढ़ाता है पढ़ाते तो और भी हैं मैं भी पढ़ा रहा हूं तो शिक्षा कंप्लीट आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है बात समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताएं एक बार थम्सअप करेंगे क्लियर है क्लियर है क्लियर है सभी बच्चों का ठीक है ना अगर कोई भी बच्चा मुझे एक भी फालतू की बातें देखो एक लिमिट होती है मर्यादा होती है मर्यादा के बाहर जाओगे तो आपके माँ बाप के संस्कार यहां कमेंट में दिखाई देंगे और आप कितने संस्कारी हैं और आपके माँ बाप ने क्या सिखाया है तो इसलिए कभी भी कहीं भी कोई बात बोलते हो तो सोच समझ के बोला करिएगा बाकी आपका इंतजाम मेरे पास है जो भी एक आध उड़ती हुई चिड़िया इधर टपकती है उसका मैं इंतजाम तुरंत कर दूंगा आप निश्चिंत रहिएगा तो इधर आगे चीजों को समझने की कोशिश करनी है हाँ 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 बेटा यूपी पुलिस के लिए शुरू करेंगे कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करें प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर आता है आपका जिसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखो बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं जनरली वैसे तो नंबर एक बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के आधार पर नियंत्रण के नियंत्रण के आधार पर यानी कि आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितनी होती हैं तीन प्रकार की हैं। तीन प्रकार की तो नियंत्रण के आधार पर बेटा अर्थव्यवस्थाओं के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं, बेटा तीन प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ठीक है ना भाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आखिर कंट्रोल कौन भाई साहब कर रहे हैं अब देखो कंट्रोल जो होता है ना वो दो लोगों का होता है या तो प्यारे बच्चों आपके देश के अंदर जैसे मम्मी की चलेगी या पापा की तो एक तो होता है बेटा सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक आप मुझे बताएं सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर क्या बोलते हैं बच्चों पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्यारे बच्चों निजी क्षेत्र निजी का मतलब प्राइवेट लोग निजी क्षेत्र यानी कि या तो सरकार कंट्रोल करेगी या फिर बेटा आपका प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र कंट्रोल करेगा जैसे ये माँ ले लो मम्मी ले लो मदर ये मदर है जे फादर है जे कौन है फादर है सरकार हालांकि मम्मी फादर होती है मतलब मम्मी ही सरकार होती है तो सार्वजनिक क्षेत्र को बेसिकली सरकार कहते हैं तो या तो घर में मम्मी की चलेगी या पापा की चलेगी कई बार घर के छोटे छोटे डिसीजन जैसे सब्जी में क्या बनना है ये पापा तय कर लेते हैं लेकिन बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि बच्चों कहाँ प्रॉपर्टी लेनी है क्या काम करना है किसे पैसा उधार देना है घर खरीदना है नहीं खरीदना है मम्मी तय कर लेती है तो मम्मी का, का काम अलग लेवल का होता है मम्मी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है घर में ठीक है ना कोई नहीं टिकता है पापा नहीं टिकते मम्मी के सामने चलो बताएं आगे बात करूं प्यारे बच्चों तो नंबर एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी को बिड्डा क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटल का मतलब पैसा पैसा जो पैसा पैसा करती है और पैसे पे ही मरती है वो कैपिटलिस्ट है इसे प्यारे बच्चों मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है इसे क्या बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है इसे बेटा बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं क्या बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था इसे बेटा वैसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं लिबरल इकोनॉमी उदार है नरम है ज्यादा सख्त नियम नहीं है इसमें अब देखो बच्चों ध्यान रखना है ये जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है कॉन्सेप्ट ठीक है ना इसका विचार किसने दिया है तो इसका विचार दिया है चचा एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित होकर ये पैदा हुई है और एडम स्मिथ का एक विचार है जिसे कहा जाता है लेजीज फेयर का सिद्धांत क्या बोलते हैं लेज़ीज़ लेज़ीज़ फ़ेयर फ़ेयर का सिद्धांत अहस्तक्षेप का मतलब आप कहते हो ना कई बार तुम मेरे बीच में हस्तक्षेप मत कर तो यहां भी बेटा हस्तक्षेप नहीं करती सरकार अहस्तक्षेप का सिद्धांत बोला जाता है तो आपसे पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित है यह लेजीज फेयर के सिद्धांत पर आधारित है हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है तो ये बात आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है ये -जेड होगा, फ़ेयर, ठीक है ना ल, ए, डबल, ल, ए, आई होगा एल ई जेड ठीक है ना ठीक कर लेंगे एल ए आई डबल एस ई जेड ई जेड तो जेड है इधर लेजी फेयर ठीक है ना फेयर लेस्तक्षेप का सिद्धांत जिसे कहा जाता है अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों किसने दिया एडम स्मिथ ने कहते हैं कि भाई सरकार तेरा काम हस्तक्षेप करना नहीं है तेरा काम है सिर्फ टैक्स से मतलब रख तो इसका उद्देश्य क्या है इस अर्थव्यवस्था का क्यों क्यों ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई बच्चे इनका उद्देश्य था लाभ कमाना अधिकतम लाभ कमाना ज्यादा से ज्यादा पैसा आए सरकार के पास लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए अधिकतम लाभ कमाना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना यानी कि इन्हें क्या चाहिए पैसा चाहिए, चाहिए, यानी कि प्रॉफिट पूंजीवाद वालों को केवल पैसा चाहिए इन्हें गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है ना मतलब गरीब आदमी मर रहा है मरने दो इनका काम है सिर्फ पैसा पैसा हो उत्पादन भी उसी चीज का करेंगे जिसमें लाभ होगा गरीब आदमी के बारे में ये नहीं सोचती है सिर्फ उद्देश्य है मोटिव है पैसा कमाना अच्छा जी बेटा अब देखो उद्देश्य आपको पता चल गया क्या है आपको वैसे भी पता चल गया लेकिन यहां उत्पादन के साधन कौन के कंट्रोल में होंगे ठीक है ना भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाई उत्पादन के साधनों पर क्या बनना है किसके लिए बनना है कैसे बनना है उत्पादन के साधन कहे जाते हैं बेटा उत्पादन के साधन जिन्हें बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन पर नियंत्रण किसका होगा ठीक है ना भाई उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होगा यानी कि कौन कंट्रोल करेगा इस देश के संसाधनों को तो बेटा कौन कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर मैंने आपको बताया मम्मी कंट्रोल कर रही है प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है यानी कि निजी क्षेत्र कंट्रोल करता है निजी क्षेत्र सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है अलॉन मस्क अपनी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि बच्चे स्पेशिक्स के थ्रू लोगों को स्पेस में लेके जा रहे हैं ठीक है ना भाई चलो भाई एक बच्चा कह रहा है कि दिल्ली पुलिस में कितने प्रश्न बनते हैं दिल्ली पुलिस में बेटा दस प्रश्न तक भी बने हैं और चार पांच छह प्रश्न तो हर पेपर में पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में केवल और केवल इकोनॉमिक्स से तो आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना आके पेपर में प्रश्न आएगा कबूतर उड़ जाएगा इसीलिए चीजों को समझने का प्रयास करें ठीक है ना भाई बात क्लियर हो रहा है तो बेटा जो देश में समान बन रहा है वो कौन कौन उत्पादन के जो साधन है पूंजीवादी देशों में किसके हाथ में होते हैं तो बेटा किसके हाथ में होते हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं निजी क्षेत्र के हाथ में बेटा अब देखो ध्यान से समझो इसके एग्जाम्पल भी बता दो गुरु जी एग्जाम्पल क्या है जैसे कि मैं बात करूं आपसे अमेरिका सबसे अच्छा उदाहरण है इसका तो अमेरिका कैसा देश है पूंजीवादी देश है कनाडा कैसा देश है पूंजीवादी देश है ना तो कोई देश पूर्ण रूप से पूंजीवादी हो सकता है ना पूर्ण रूप से समाजवादी हो सकता है ठीक है ना अमेरिका में भी कुछ चीजों पर सरकार का कंट्रोल होता है लेकिन कंट्रोल बहुत कम होता है सिंपल सी बात यह है तो बात समझ में आ रहा है तो बेटा ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं अच्छा एक बात यहां पर मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों यहां वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं प्राइजेज हैं वो कैसे तय होते हैं तो बेटा कीमत निर्धारण कैसे होता है प्राइज कैसे तय होता है किसी चीज की कीमत कितनी होगी कीमत निर्धारण कीमत निर्धारण यानी कि मान लो कोई चीज बनी है वो कितने की बिकेगी ये कौन डि डिसाइड करता है सरकार निजी क्षेत्र तो बेटा कीमत निर्धारण का काम होता है प्राइज मैकेनिज्म का किसका होता है प्राइज प्राइस प्राइज को बोलते हैं बेटा मूल्य तंत्र क्या बोलते हैं मूल्य तंत्र या कीमत तंत्र भी कह देते हैं इसे क्या बोल देते हैं कीमत तंत्र और कीमत तंत्र किस पर आधारित होता है मांग और आपूर्ति पर किस पर बेटा डिमांड और सप्लाई पर ठीक है ना भाई यानी कि बेटा इन देशों के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत तय होती है यानी कि सरकार कोई इंटरफेयर कीमत तय करने में भी नहीं करती है अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं और ये लोग वही बनाना पसंद करते हैं जिसकी डिमांड होती है उन चीजों को नहीं बताने जिनकी डिमांड कम होती है बात क्लियर है तो बताएं जल्दी से क्या होगा सही आंसर सही आंसर क्या मतलब सही समझ में आ गया है ना तो यहां पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत किससे तय होती है यानी कि जिसे कीमत निर्धारण बोला जाता है वो प्राइज मैकेनिज्म यानी कि कीमत तंत्र या मूल्य तंत्र पर होती है यानी कि बेटा बाजार कीमत निर्धारित करता है बाजार में भी कौन मांग आपूर्ति के आधार पर कीमत डिसाइड होती है ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ फायदे भी हैं यहाँ कुछ नुकसान भी है यहाँ आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो कोई समस्या नहीं है यहां अपना काम करो अपनी कंपनी चलाओ कोई दिक्कत नहीं यहां तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो अपनी संपत्ति होगी आपकी कहा पूंजीवादी देश में आप रहते हो तो प्यारे बच्चों अपनी संपत्ति होगी साथ के साथ आपके पास कंज्यूमर के पास उपभोक्ता के पास क्या होगा संप्रभुता होगी यहां उपभोक्ता कंज्यूमर ही प्रभु होता है यानी कि जो उपभोक्ता चाहेगा लोग जो उत्पादन करते हैं जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो सामान बनाएंगे सिंपल सी बात ये है ठीक है ना भाई चलो भाई बहुत बढ़िया हाँ अंकित यदवंशी कह रहे हैं हैंड रिटन बेटा मैं मैं एक काम ना करूं मैं घर आ जाऊं आपकी कॉपी में आप जैसे कहो कि गुरुजी ऐसा लिखो अर्थव्यवस्था मैं ऐसे लिख दूं आप कहो गुरुजी रेड पेन से लिखो अब मैं ऐसे भी लिख हैं फिर आप कहो गुरु जी याद भी आप कर लो फिर याद भी मैं कर लूँ फिर आप कहो बेटा मुझसे गुरु जी नौकरी भी आप ही देख लो मैं ही लगा लूँ फिर आप कहो गुरु जी भी अब आप ही रख लो तो कैसा अच्छा रहेगा ना चलो भाई देखो इनकी पीडीएफ जो मिलेगी वो बोर्ड पीडीएफ मिलेगी मैंने आपको पहले ही बोला था अब इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं तो थोड़ा सा तो तुम चीज़ों को मैनेज करके चलोगे इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे चलो भाई जे एमकिंस यहाँ खिसक खिसक के इधर आ गए हमारे पास चलो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर पहुंचा देते हैं जे एम किन्स भाई साहब को चलो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलो यहां तक मामला क्लियर है यहां तक मामला क्लियर हो गया होगा आपका जेएम किन्स की किताब यहाँ अर्थशास्त्र के प्रकार के बाद में बताई थी चलो भाई बहुत बढ़िया यहां तक क्लियर है पूंजीवादी क्लियर हो गई सभी की पैसा वैसा का मामला है एक होती है प्यारे बच्चे नंबर दो स्टेट इकोनॉमी दूसरी वाली कौन सी होती है बेटा स्टेट इकोनॉमी स्टेट इकोनॉमी स्टेट इकोनॉमी को बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था अब जब यहां राज्य का नाम आ जाए राज्य क्या होता है सरकार राज्य अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था देखो राज्य वाली के भी ना दो टांग है ऐसा मान लो आप ठीक है ना इसके दो पैर हैं एक तो होती है इसकी समाजवादी सोशलिस्ट आपने सुना होगा और एक होती है साम्यवादी कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट तो बेटा इसकी दो टांग है एक समाजवादी समाजवादी और एक होती है प्यारे बच्चों साम्यवादी साम्यवादी ठीक है ना अब अगर मैं बात करूं आपसे देखो ध्यान से समझो ये बहन बहन है दोनों समाजवादी और साम्यवादी बहन बहन एक जैसी दिखती हैं दोनों अलग कुछ नहीं है इनमें अलग क्या है एक ज्यादा सख्त होती है एक थोड़ी सी मुलायम है ठीक है ना मान लो जैसे आपकी मम्मी है और आपकी मौसी है मम्मी आपकी थोड़ी सी थोड़ी सी कैसी है सख्त है लेकिन मौसी आपकी थोड़ी सी उदार है प्रेम पूर्वक बात करती है चलो भाई बहुत बढ़िया यहां तक बात क्लियर हुई आपके या नहीं जल्दी से बताएंगे चलो बेटा बहुत बढ़िया यहां तक आपके सभी बातें समझ में आई होंगी अब देखो ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा ये जो मामला है कौन सा वाला स्टेट इकोनॉमी का और ये समाजवादी और साम्यवादी ये बहन बहन है दोनों इसी की इसी ये एक ही है सब कुछ मामला देखो भाई अब मैं यहां इनकी कुछ विशेषताएं बता दूंगा तो नंबर एक इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्सेप्ट का मतलब जो इसका विचार आया है निकल के विचार किसने दिया है विचार किसके विचारों से जन्मी है तो बेटा एक जर्मन फिलोसफर थे जर्मन जर्मन दार्शनिक जिनका नाम था कार्ल मार्क्स ठीक है ना भाई कार्ल मार्क्स तो जर्मन फिलोसफर मार्क्स के विचारों से इसकी उत्पत्ति हुई है यह पूंजीवाद के विरोध में आई है पूंजीवाद के विरोध में पूंजीवाद में गरीब आदमी का ध्यान नहीं रखा गया पैसे वाले पैसे वाले होते गए पूंजीवाद के विरोध में इसका जन्म हुआ ठीक है ना भाई पूंजीवाद का विरोध में आई समाजवादी जर्मन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित है इन्होंने इसका विचार दिया था इनकी एक बुक भी है बेटा जिसका नाम है दास कैपिटल तो पेपर में पूछा गया है दास कैपिटल किसकी किताब है जर्मन कार्ल मार्क्स की किताब है समझ में आ गई अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां आपसे दूसरा पॉइंट क्या बनता है इनका उद्देश्य क्या होता है किन का उद्देश्य समाजवादी वालों का राज्य वालों का इनका उद्देश्य क्या है लोगों का कल्याण करना पब्लिक वेलफेयर करना क्या करना बेटा लोगों का कल्याण करना लोगों का कल्याण करना जनता का वेलफेयर करना ठीक है ना तो लोगों का कल्याण करना किसका उद्देश्य है यानी कि पहले बच्चों समाजवादी का साम्यवादी का स्टेट इकोनॉमी का ये चाहते हैं कि जो देश के पास रिसोर्सेज हैं उन पर पूरे देश के जनता का समान अधिकार रहे लोगों के बीच समानता हो इक्वेलिटी हो ऐसा ना कि एक के पास बहुत पैसा एक बहुत गरीब आदमी बड़ी दिक्कत है ठीक है अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों देखो समाजवादी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो माना जाता है वो रशिया माना जाता है रूस माना जाता है रूस तो रूस कैसी अर्थव्यवस्था है समाजवादी प्यारे बच्चों साम्यवादी का एग्जाम्पल चाइना है चीन है अब देखो चीन में भी क्या है चलती तो सरकार की है यहां भी किसकी चलती है चलती सरकार की भी है यहां की सरकार नरम होती है समाजवादी साम्यवादी डिक्टेटरशिप यानी कि भैया यहां तानाशाही देखने को मिलती है सरकार कबूतर बना देती है जैसा सरकार चाहती है वैसा करती है तो बेटा डिक्टेटरशिप दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हैं भाई स्पेशली दिल्ली पुलिस और एस एस और यूपी पुलिस ये सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल काम की है ठीक है ना बेटा बात क्लियर हो रही है उद्देश्य क्या है पब्लिक वेलफेयर लोगों का कल्याण करना इसका उद्देश्य है साथ के साथ और भी बताओ गुरुजी और भी पूछ लो गुरुजी तो बेटा उद्देश्य आपके समझ में आ गया फिर है बेटा कि इसमें नियंत्रण कौन करता है नियंत्रण जो उत्पादन होना है किस चीज का उत्पादन होना है तो बच्चों उत्पादन पर किसका नियंत्रण है कंट्रोल किसका है मैंने आपको बताया था या तो मम्मी कंट्रोल करेंगी या पापा तो इधर बेटा पापा का कंट्रोल है यानी कि बच्चों यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का कंट्रोल होता है सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर यानी कि देश में क्या बनना है किसके लिए कैसे कैसे बनना है सब कुछ सरकार डिसाइड करती है और बेटा यहां आप ना कोई निजी संपत्ति रख सकते हैं सब कुछ किसका है सरकार का है आप किराएदार हैं देश के आपके घर की जो जमीन है वो भी सरकार की है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं होता है कीमतें कौन तय करती है सरकार की एक सेंट्रल एजेंसी द्वारा ही कीमतों का निर्धारण होता है यहां सरकार जो चाहेगी वो उत्पादित होगा गरीब जनता का ध्यान रखा जाएगा समानता की बात की जाएंगी और देश में समानता की भी बात होगी यानी कि सभी रिसोर्सेज का एलोकेशन जो हो बंटवारा जो हो वो समान रूप से हो तो यहां तक बात समझ में आई है कि भैया किसके विचारों से निकली है एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं इसकी दो टांगे हैं ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है ठीक तो है तो भैया एग्जाम्पल हो गया है समाज का कल्याण करने के लिए पैदा हुई है और बेटा यहां पर जो मूल्य नियंत्रण किया जाता है कीमत निर्धारण कीमत प्राइस कौन तय करता है कीमत नियंत्रण तो बेटा कीमत अपनी मर्जी से नहीं रख सकता यहां कोई कीमत नियंत्रण सरकार करती है सरकार ठीक है ना सरकार की एक सेंट्रल एजेंसी होती है वही कीमत वगैरह तय करती है और कीमतों को रेगुलेट करती है नियंत्रित करती है बात क्लियर है बेटा चलो बहुत बढ़िया यहां तक बात क्लियर हो तो एक बार मुझे करके बताएं अब तीसरी वाली अर्थव्यवस्था के ऊपर चलते हैं तीसरी वाली तीसरी वाली तीसरी वाली, वाली बेटा पैदा हुई जब दूसरी उन्नीस की महामंदी आई उसके बाद एक नई अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया जिसका नाम था मिक्सड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी वाली बिड्डा जो मिक्सर है मिश्रित है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जन्मी है वो जेएम कीन्स के द्वारा जन्मी है तो इसका कॉन्सेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है जे एम जॉन मिनार्ड कीन्स ठीक -मिनार है तो ना जे एम जिनकी किताब का नाम क्या है जिनकी किताब का नाम है द पॉवर्टी नहीं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी आगे बात करूं प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां क्या देखने को मिलता है मिश्रित का मतलब जिसमें दोनों के गुण हो दोनों के गुण पूंजीवादी के भी समाजवादी के तो यहां क्या पाया जाता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व निजी तथा निजी का मतलब प्राइवेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र का निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक मतलब सरकार निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है बिड्डा सह अस्तित्व तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर तो यानी कि बच्चों यहां क्या है को एग्जिस्टेंस है यानी कि साथ, साथ मिलके काम करेंगे दोनों चीजें एक साथ पाई जाएंगी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर तो बात समझ में आ रही है थोड़ी सी जो मैं आपसे बता रहा हूं यहां सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों साथ साथ पाए जाते हैं अब देखो यहां थोड़ी सी चीजों पर बात कर लेनी है ठीक है ना यहां अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि बच्चों इनका उद्देश्य क्या है उद्देश्य उद्देश्य में आप लिखोगे कि इनके बौद्ध उद्देश्य हैं दोनों उद्देश्य हैं बौद्ध बौद्ध का मतलब बेटा दोनों दोनों कैसे यहां बेटा सरकार जो होती है सरकार यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र वो क्या करती है जनता का कल्याण करती है कल्याण वेलफेयर करती है अब बेटा भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या कर रही है वेलफेयर गरीबों को सस्ते रेट पर अनाज देना ठीक है ना कहीं बाढ़ आ गई है तो रेस्क्यू करवाना ये सभी चीजें और बेटा यहां पर जो निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट सेक्टर होता है निजी क्षेत्र जो होता है निजी क्षेत्र क्या करता है अब अंबानी जी क्या चाहेंगे अंबानी जी चाहेंगे उन्हें लाभ हो तो इनके दोनों ही कॉन्सेप्ट भैया पैसा कमाएगा प्राइवेट सेक्टर और फायदा पहुंचाएगा जनता का कल्याण करेगा सरकारी क्षेत्र बात समझ में आ रही है तो दोनों उद्देश्य हैं इनके मिश्रित वालों के साथ में साथ बेटा उद्देश्य पता चल गया है अब बेटा यहां पर कंट्रोल किसका होता है कंट्रोल जल्दी से बताएंगे कंट्रोल 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 किस पर उत्पादन पर कंट्रोल जल्दी से बताएं उत्पादन पर उत्पादन पर कंट्रोल किसका होता है तो बेटा उत्पादन पर कंट्रोल होता है बहुत दोनों का। चीजों को बांटा हुआ है ये कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनमें उत्पादन प्राइवेट सेक्टर करेगा कौन करेगा बेटा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उत्पादन करेगा कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनमें पब्लिक सेक्टर उत्पादन करेगा पब्लिक सेक्टर और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पीपीपी मॉडल यानी कि बच्चों आपने सुना होगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर भी भारत में काम हो रहा है यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर भी काम करती हैं तो बेटा यहां पर कुछ चीजों का उत्पादन कौन करता है सरकार करती है कुछ चीजें सरकार के कंट्रोल में कुछ चीजें निजी क्षेत्र के कंट्रोल में जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं मनीष कश्यप जी मेरे भाई मैं कसम खाऊं यहां पे दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हैं अरे भैया दिल्ली पुलिस के लिए है तो उसके लिए लेनी है बात समझ में आ रही है जल्दी से बताएंगे, समझ में आ गई क्लियर है आप मुझे बताओ गुरुजी इसका एग्जाम्पल दे दो इसका एग्जाम्पल भारत है और एशिया के अधिकांश देश इसका उदाहरण है हमें अपने भारत से ही लेना देना है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है मिश्रित है भारत में जियो भी काम करता है बी भी काम करता है बेटा तो इसमें दोनों लोग मिल काम कर रहे हैं ठीक है ना तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे की सभी की समझ में आया है नहीं आया है क्या मामला है बहुत बढ़िया एकदम गजब चलो बच्चों खतरनाक एकदम क्लियर सर कितने बजे तक चलेगी बेटा जब तक ईश्वर की इच्छा है ईश्वर की इच्छा ईश्वर की इच्छा तक चलेगी आप कब तक चाहते हैं बता देना तब तक चला देंगे कोई दिक्कत नहीं है चलो बहुत बढ़िया सभी बच्चों के समझ में बातें आ रही हैं हाँ बहुत बढ़िया हाँ बेटा सागर बेटा अभी कर रहा हूं मैं क्लास बाद में लूंगा पहले बेटा तेरे पास मैं नोट्स भेजूंगा टेंशन नहीं लेनी है टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल सर इकोनॉमिक्स कमजोर है बेटा इकोनॉमिक्स कमजोर है तो इसे मजबूत करो ठीक है ना मजबूर मत बनो तो जब मजबूत करोगे तो ये मजबूत होगी तो बेटा हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सबसे पहले हमने 20 पेज अब तक भरे हैं तो बेटा हमने देखो ये वाला बेसिक वाला मामला है ना ये पूरा क्लियर कर लिया है हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है हमने आपको बताया कि इकोनॉमी क्या होती है हमने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है इकोनॉमी है भारत की अर्थव्यवस्था है हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं हमने अब आपको बताया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मुख्य रूप से तीन होते हैं लेकिन प्यारे बच्चों अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार नियंत्रण के आधार पर अब बात करते हैं अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार बेटा आपके किसके आधार पर विदेशी संबंध यानी कि बेटा आपके संबंधों के आधार पर संबंधों के आधार पर संबंधों के आधार पर, पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं जैसे कि आपका अपने पड़ोस में कैसा संबंध है आप अपनी चाची जी के घर गए आपने बोला चाची जी मम्मी ने आटा मांगा है अगर बेटा चाची जी आटा लेके आई तो संबंध अच्छे हैं चाची जी की चप्पल उधर से आई तो संबंध खराब है मेरी बात समझ लो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि अगर आप अपने पड़ोस में जा रहे हैं कोई सामान ले रहे हैं तो बेटा मिल रहा है प्रेम पूर्वक तो इसका मतलब संबंध बढ़िया चल रहे हैं तुम्हारे ठीक है तो बेटा यहां संबंधों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू टाइप्स की इकोनॉमी हो जाती है आपकी एक तो हो जाती है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं खुली हुई अर्थव्यवस्था खुली जहां लेन देन हो रहा है खुली यानी कि ओपन और एक हो जाती है प्यारे बच्चों आपकी क्लोज यानी कि बंद जहां लेन देन नहीं हो रहा चप्पल आ रही है बंद मतलब बच्चों क्लोज ठीक है तो भैया दो प्रकार की हो गई बेटा ओपन एंड क्लोज अब देखो ओपन में क्या होता है बेटा ओपन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट का मतलब सामान मंगवाना बेचना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जहां हो तो वो ओपन है खुली हुई है सामान आयात निर्यात जहां हो रहा है क्या हो रहा है बेटा आयात तथा निर्यात जहां पर चल रहा है आनंद आ रहा है और बेटा जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो लेन देन बंद हो सारा मामला चाची देख के चिढ़ जाती हो आयात निर्यात ना होता हो आयात निर्यात ठीक है ना हालांकि ऐसा कोई भी देश नहीं है प्रेजेंट में जो किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात ना करता हो सभी देश प्यारे बच्चों एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है तो बात क्लियर तो सभी देशों की कैसी है प्रेजेंट में सभी कंट्रीज की सभी देशों की खुली अर्थव्यवस्था है सभी देशों की कैसी है बेटा? सभी देशों की खुली अर्थव्यवस्था है ठीक है ना भाई चलो बहुत बढ़िया एक होती है बेटा, डेवलपमेंट के बेसिस पे कोई देश ऐसा है जिसके यहां डेवलपमेंट विकास हो चुका है वो विकसित देश होते हैं जहां विकास चल रहा है वो विकासशील देश होते हैं जिनमें विकास बहुत थोड़ा हुआ है उन्हें लीस्ट डेवलप कंट्रीज कहते हैं सिंपल सी बात यह है तो उसे समझिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्लास होगी आज नहीं होगी टैक्स पढ़ाऊंगा अगले संडे में ठीक है ना दो क्लासेस में ही मतलब दो दिन की क्लासेस में ही चीजें कंप्लीट करा दूंगा आप निश्चिंत रहिएगा अब डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं और आपके पेपर्स में बहुत पूछा जाता है जिसका नाम है बेटा नेशनल इनकम क्या बोलते हैं बेटा नेशनल इनकम सुना है कभी एक तो इनकम और ऊपर से प्यारे बच्चों दिनकम तो नेशनल इनकम को बोलते हैं राष्ट्रीय आय क्या कहा जाता है राष्ट्रीय आय कहते हैं नेशनल इनकम को अगर राष्ट्रीय आय कभी भी समझ में नहीं आया हो तो आज समझ में आ जाएगा चलो भाई बहुत बढ़िया अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय को तो राष्ट्रीय आय का इतिहास राष्ट्र राष्ट्र मतलब देश और आय मतलब राष्ट्र के लोगों की आय देश के नागरिकों की आय को ही क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आय ये तो सरल भाषा हो गई देश के नागरिकों की आय देश के नागरिकों की नागरिकों की आय तो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो चाहे भारत में पैसा कमाएं या भारत के बाहर कमाएं कमा तो पैसा रहेना बेटा उनकी इनकम को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं तो देश के लोगों की इनकम देश के नागरिकों की इनकम देश के सिटीजन्स की इनकम भैया देखो अगर मैं बात करूं यहां आपसे राष्ट्रीय आय को पहली बार जो कैलकुलेट किया था फर्स्ट टाइम तो भारत की राष्ट्रीय आय को फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट किया था तो आंसर आएगा दादू भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने ये पेपर में कई बार प्रश्न बना है दादा भाई नौरोजी द्वारा कैलकुलेट किया गया कब किया गया आंसर आएगा अठारह सौ में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था इनकी एक किताब आई थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें इन्होंने इस, इस विषय में बताया था कि अंग्रेज कैसे भारत से धंधे को पैसे को रिसोर्सेस को लूट रहे हैं तो पेपर में पूछे द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है तो आपका आंसर क्या आएगा दादा भाई नोरजी की किताब है बेटा और इन्होंने यहीं पर भारत की प्रति व्यक्ति आय को बीस रुपए बताया था पीसीआई मतलब प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी बताई थी बीस रुपए हर आदमी औसत कमाता है पूरे साल में बात समझ में आ रहा है और प्यारे बच्चों अगर मैं यही बात करूं आपसे कि साइंटिफिक मेथड द्वारा वैज्ञानिक विधि के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय को किसने मापा वैज्ञानिक विधि द्वारा वैज्ञानिक विधि से किसने मापा था तो बच्चों वी के आर वी आरवी आर वी आरवी राव द्वारा पहली बार 1931-32 में 1931-32 में नेशनल इनकम को वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया गया साइंटिफिक मेथड से और इन्होंने बासठ रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी पीसीआई कितनी बताई थी बेटा बासठ रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना कब हुई यही लिखे दे रहा हूं राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी नेशनल इनकम कमेटी राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई नेशनल इनकम कमेटी कब गठित की गई तो बेटा आंसर आएगा 1949, फोर्टी में जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जिसके अध्यक्ष थे बच्चों कौन पीसी सी पीसी पी प्रशांत चंद्र महालनोविस पीसी महाल सी को भारतीय लेखा परीक्षा का भारतीय लेखा का जनक भी कहा जाता है तो बच्चों इन्हें फादर ऑफ इंडियन अकाउंटेंसी भी कहा जाता है ध्यान रखना है तो यहां तक बात क्लियर है पीसी मोबिस कौन थे बेटा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों उन्नीस उनचास में 1949 में बहुत बढ़िया तो बात क्लियर सभी प्यारे बच्चों की एक बार बताएंगे मुझे कमेंट करके अब देखो एक चीज तुम्हें थोड़ी सी समझनी है बच्चों राष्ट्रीय आय मापने की तीन विधियां होती है मेथड होते हैं ठीक है ना तीन मेथड हैं, तीन मेथड हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां तीन विधियां। तो पेपर में पूछेगा यहां से प्रश्न बहुत राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां मापने की विधियां कितनी है विधियां बोले तो मैथड्स कितने हैं तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा तीन है अब तीन कौन कौन से मेथड हैं? यह भी देख लेना एक बार एक होता है बेटा नंबर वन आपका नंबर वन जिसे बोलते हैं इनकम मेथड। क्या बोलते हैं इनकम मेथड? जिसे कहा जाता है आय विधि आय विधि यानी कि लोगों को कंपनियों से जो पैसा मिलता है सैलरी मिलती है वेज़ेस मिलती है, वो उनकी आय है उसे जोड़ के इनकम मेथड के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि कितनी आय हुई है दूसरा बिटा होता है सेकंड नंबर एक्सपेंडिचर मेथड सेकंड सेकंड होता है एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है ना जिसे क्या कहा जाता है बेटा वे के नाम से जानते हैं लोगों ने कितना पैसा खर्च किया बेटा वो वह विधि द्वारा हम राष्ट्रीय निकाल सकते हैं और तीसरी वाली सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है थर्ड वाली थर्ड वाली ज्यादा इंपोर्टेंट है इसे कहा जाता है प्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्शन मेथड को क्या कहा जाता है बेटा उत्पाद विधि उत्पाद विधि कितना उत्पादन हुआ है देश के अंदर इस आधार पर भी पता लगाते हैं ठीक है ना उत्पादन विधि को हम एक और नाम से जानते हैं उत्पादन कौन करते हैं उद्योग धंधे करते हैं उद्योगों के द्वारा उत्पादन होता है देश में कितना सामान बना तो इसे औद्योगिक उत्पाद विधि भी कहते हैं क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड औद्योगिक उत्पाद विधि उद्योगों से कितना उत्पादन हुआ इसे औद्योगिक उत्पाद विधि के नाम से भी जानते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड बी से बेटा कहा जाता है बात क्लियर है लड़कियां ज्यादा बात कर रही हैं बेटा लड़कियां हैं क्या कर सकते हैं इनका काम ही ये है बेचारी लाली करो बात करो लाली लाली यही बातें तो पूछी जाएंगी आपसे घर में क्या बना है क्या चीज है? है पढ़ो बेटा तो बेटा इसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड कहा जाता है इसमें हमारी जो इंडस्ट्री है देश की उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है इस बारे में बात करते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूं तो इसे एक नाम से और जानते हैं इसे जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धन भी इसे कहा जाता है तो पेपर में जीवीए का फॉर्म कई बार पूछा गया है इसे क्या बोलते हैं बेटा इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड के नाम से भी जानते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धन हिंदी में कहते हैं ठीक है ना तीन मेथड हैं सकल मूल्य वर्धन ठीक है ना भाई सकल मूल्य वर्धन के नाम से भी इसे जानते हैं वैसे बेसिकली ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है आपका किसका प्रोडक्शन मेथड का कि कितना उत्पादन हुआ है अब बेटा जीडीपी आप जानते हो सुनी ही अगर आपको नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो आपको कई सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है कई सारी चीजों को आपको जानना पड़ता है राष्ट्रीय निकालने के लिए अच्छा गुरु जी जी भाई साहब जैसे कि आपने कभी सुना है नंबर एक जीडीपी की बात करते हैं आप जीडीपी, आपने कभी सुना होगा एनडीपी लेकिन आपने सुना भी होगा तो फिर भी कंफ्यूज रहा होगा आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एक होता है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक होता है nnp नेट नेशनल प्रोडक्ट एक होता है प्यारे बच्चों आपका ये चौथा हो गया पांचवा प्रति व्यक्ति आय पीसीआई तो ये चीजें थोड़ी-थोड़ी हमें आज समझनी है और मैं आपको इनके विषय में बताऊंगा ठीक है ना बच्चों चलो भाई तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए सारी चीजें चाहिए देखो nnp को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है ये वाली जो nnp है एनएनपी तक जाना पड़ेगा तभी राष्ट्रीय निकलेगी तो इसीलिए हम पहले एक तरफ से चलते हैं एक साइड से नंबर एक बात करते हैं प्यारे बच्चों हम जीडीपी जीडीपी का मुझे पूरा नाम बताओ पेपर में कई बार पूछ लेता है जीडीपी क्या होता है बहुत बढ़िया पांडे ए के सेवन बेटा नाम इतने खतरनाक तुम लाते कहां से हो क्यों भाई कहां से लाते हो ये नाम सारे एकदम कति खलीफा हो जाते हो वेट जस्ट वन सेकेंड चलो बच्चों बात क्लियर है अब बेटा देखो जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है जीडीपी का नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंग्रेजी में लेकिन अगर अंग्रेजी में समझ लिया आपने तो हिंदी में अपने आप हो जाएगा क्लियर इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद अच्छा एक बात बताओ आपने कभी सुना है जीडीपी गिर गई है है बताओ सुना है कभी जीडीपी गिर गई एक बात बताओ भाई जीडीपी कोई ऐसे कोई कोई मतलब सैंडल पैर के चल रही थी गिर पड़ी जीडीपी जीडीपी कैसे गिर सकती है जीडीपी कोई बेटा ऐसा थोड़ी ना है वो कच्ची सड़क पे चल रही थी गिर पड़ी है हैं कैसे गिर सकती है जीडीपी बताएं जीडीपी गिरने का मतलब होता है उत्पादन गिर गया तो बेटा इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद का मतलब वही उत्पादन और कहीं भी जो उत्पाद होता है वो दो चीजों का होता है किसी भी देश में या तो किसी वस्तु का उत्पादन होगा या किसी बेटा सेवा का उत्पादन होगा सेवा समान में ठीक है ना समान वस्तु और सेवाएं दो ही चीजें बनती हैं घरेलू का मतलब होता है बेटा देश की सीमा में देश की सीमा के अंदर विदेश में नहीं देश की सीमा में देश की सीमा में ठीक है ना और देखो ये जो मतलब है ना सकल सकल से मतलब अपनी सकल से नहीं है यहां इकोनॉमिक्स में सकल का मतलब होता है कुल मनी वैल्यू कुल मौद्रिक मूल्य पैसे में कीमत कुल मौद्रिक मूल्य क्या होता है बेटा कुल मौद्रिक मूल्य मौद्रिक मूल्य का मतलब मनी वैल्यू पैसे में कीमत कितनी है तो कुल मौद्रिक मूल्य बात क्लियर चलो बहुत बढ़िया अब देखो यहां समझो एक होता है बेटा हमारा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर सुना है कभी तो हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है जिसमें सरकार अपना लेखा जोखा करती है हिसाब किताब लगाती है वित्तीय वर्ष तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है बेटा एक अप्रैल से लेके इकतीस मार्च तक कब तक होता है एक अप्रैल से लेके इकतीस मार्च का जो समय है वो भारत का वित्तीय वर्ष है यानी कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है अगर मैं प्यारे बच्चों यहां आपसे बात करूं कि एक देश के अंदर एक देश के अंदर ये कह रहे ना घरेलू घर के अंदर एक देश के अंदर एक साल में जितना भी सामान बना वस्तु और सेवाएं बनी उनकी मनी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है तो यहां मैं परिभाषा अगर लिखूं तो यहां ऊपर से ही क्लियर होगी एक वित्तीय वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर में एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा में किसी देश की सीमा में किसी देश की सीमा में उत्पादित उत्पादित का मतलब पैदा होने वाली बनने वाली उत्पादित वस्तु एवं उत्पादित वस्तु कैसी भी अंतिम वस्तु जो फाइनल बाजार में बिकी हो उत्पादित अंतिम वस्तु एवं अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या बच्चों मौद्रिक मूल्य मौद्रिक मूल्य क्या होता है जीडीपी होता है जीडीपी तो जीडीपी क्या है जीडीपी एक साल में एक देश की सीमा के अंदर बनने वाला समान है बात समझ रहा है दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हैं नहीं बेटा दिल्ली पुलिस के लिए तो ये नजला कर देगी जुखाम कर देगी खांसी हो जाएगी दिक्कत पैदा हो जाएगी वॉमिटिंग आएंगी कई सारी दिक्कतें बेटा दिल्ली पुलिस को कतई नहीं ले सकते मने दिल्ली पुलिस के लिए तो हाँ बिल्कुल मत लियो बेटा अगर ले भी ली हो तो वॉमिटिंग करके बाहर निकाल दे चलो बात क्लियर हो गई है बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा फिर इससे बेहतर कहीं आएगा भी नहीं मैंने आपको बताया कि बेटा मान लो ये हमारा भारत है अपना इंडिया है हमारे देश की सीमा में एक साल में मान लेते हैं कि केवल दस पेन बने हैं एक पेन की कीमत दस रुपया है एक पेन दस रुपया का है कितने रुपए का है दस रुपए का है एक पेन तो हमारे देश की जीडीपी कितनी हो गई दस गुना दस सौ रुपया हो गई बेटा तो हमारे देश की सीमा में एक साल में जितना भी सामान बनता है उसके पैसे की कीमत क्या है वही चीज बेटा जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है अच्छा कई बार आप सुनते हो जीडीपी गिर गई जीडीपी गिर गई अब आपको नहीं पता कि जीडीपी गिरी है नीचे आई है और कई बार आप सुनते हो जीडीपी बढ़ गई आप खुश हो जाते हो पता आपको कुछ नहीं है लेकिन मन है मन जैसे ही कोई चीज गिरती है आप तुरंत ओ भाई जीडीपी गिर गई ऐसे टेंशन में आ जाते हो जीडीपी गिरने का मतलब क्या है बेटा जीडीपी गिरने का मतलब है कि उत्पादन कम हुआ है कम सामान बना है ठीक है ना भाई जीडीपी गिरने का मतलब डाउन होने का मतलब होता है सीधा सा कि देश के अंदर उत्पादन जो हुआ है वो कम हुआ है जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश के अंदर उत्पादन बढ़ा है अब आप कहो गुरु जी हमें क्या फायदा उत्पादन बढ़ने घटने से बेटा एक बात बताओ जब देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा नौकरी बढ़ेंगी नौकरी नौकरी जानते हैं ना नौकरी नौकरी का मतलब समझ हो ना आपको भी नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी तो क्या होगा ब्याह होगा ब्याह होगा क्या होगा बालक बच्चे होंगे फिर क्या होगा खुशहाली खुशहाली आएगी देश की जनता और बढ़ेगी ठीक है ना पैसा ही पैसा होगा पैसा ही पैसा अगर उत्पादन बेटा हाँ, नौकरी कम होगी बेटा मैंने उल्टा लिख दिया है अगर उत्पादन कम होगा नौकरी कम होगी दिक्कत परेशानी होगी पैसा नहीं होगा प्यारे बच्चों अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा नौकरी नौकरी होगी नौकरी मिलेगी लोगों को नौकरी मिलेगी ब्याह होगा पैसा होगा बालक बच्चे होंगे खुशियां होंगी जीवन में ठीक है ना भाई खुशहाली नहीं जिंदगी बर्बाद होगी प्रज्ञा बता रही है तो इसका मतलब बेटा फिर तो जीडीपी गिरनी चाहिए गिरने से जीडीपी खुशहाली आती है हम सच्चाई बता रहे हैं वो मजाक मान रही है गुड़िया अरे नहीं बेटा उत्पादन बढ़ता है नौकरी मिलती है नौकरी मिलती है तो बेटा फिर फिर बहुत सारी चीजें मिलती है ठीक है ना ऐसे करके समझना है बाकी आप जैसा समझो चलो बहुत बढ़िया अब एक चीज और समझना है बेटा जीडीपी दो तरीके की होती है दो तरीके की जीडीपी दो तरीके की होती है जीडीपी एक होती है बेटा सच्ची जो अपनी बात कहती है वो बता देती है ठीक है और एक होती है जीडीपी बेटा झूठी मक्कार मक्कार झूठी जीडीपी जो वादा कर देती है मुकर जाती है ठीक है ना तो एक होती है नॉमिनल जी नॉमिनल को कहते हैं नाम मात्र की जीडीपी नाम मात्र की जीडीपी और एक होती है प्यारे बच्चों रियल जीडीपी रियल रियल जीडीपी जी रियल का मतलब सच्ची वास्तविक जीडीपी वास्तविक वास्तविक कौन सी है जो सच बता रही है हमें सच्चाई से अवगत करा रही है वो सच्ची है नॉमिनल कैसी है जो केवल धोखे में रख रही है वास्तव में नहीं बता रही कि मामला क्या है मेरी बात समझ रहे हो हाँ बिल्कुल ये सच्ची है झूठी है बेटा एक बात बताऊं मैं आपको जीडीपी क्या है कितना सामान बना यह जीडीपी है देश के अंदर अगर सामान की कीमत हम प्रेजेंट रेट पे निकालें वर्तमान दर पर जब जीडीपी की गणना जीडीपी की कैलकुलेशन जीडीपी की गणना जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर करते हैं करंट प्राइस पे करते हैं वर्तमान मूल्य पर करते हैं तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्यारे बच्चों नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र की और बेटा अगर जीडीपी की गणना पुराने रेट पर करते हैं आधार वर्ष मान के करते हैं बेस ईयर, पुराने रेटों से ठीक है ना जीडीपी को कैलकुलेट जब जीडीपी की कैलकुलेशन जी की गणना आधार वर्ष मान के करते हैं आधार वर्ष पर करते हैं तो उसे कहते हैं सच्ची जीडीपी ये सच्चाई बताती है अभी बताऊंगा मैं आपको आधार वर्ष क्या माना जाता है भारत में राष्ट्रीय आय जीडीपी निकालने के लिए 2011-12 को अभी तक बेस ईयर माना जाता है प्रेजेंट में और ये प्रेजेंट के रेट पर होती है मेरी बात समझ रहे हो अब देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको ध्यान से समझना है मान लो एक राइटोमीटर पेन था बेटा राइटोमीटर 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 पेन है बेटा दो अभी प्रेजेंट में मान लो बीस रुपए का है बीस रुपए का एक पेन है बीस रुपए का पर पेन अभी प्रेजेंट में बीस रुपए का एक पेन मान लो हमारे देश में बेटा दस पेन बने दस पेन बने दो हजार तेईस में ठीक है तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई दस पेन में बीस की गुणा करोगे दो सौ रुपया जीडीपी हो गई दो सौ दो सो लेकिन 200 ये कब के आधार पे है अब के आधार पर करंट रेट 20 है इसका तो ये हो गई नॉमिनल जीडीपी हमारी मेरी बात समझ रहे हो अब एक बात बताओ अगर मैं बात करूं 2015 की 2015 में इस पेन का प्राइस कितना था दस रुपए था दस रुपए ठीक है और मान लो प्यारे बच्चों अगर मैं पुराने रेट से निकालू तो दस की गुणा करूंगा मैं इसमें क्योंकि दस पेन ही बने हैं और रेट पुराने वाले ले लिया मैंने दो हजार ग्यारह बारह के ठीक है ना तो ये कितनी हो गई सौ रुपये जी डी पी सौ रुपये हुई कहने का मतलब पुराने रेट जो नए रेट होते हैं ना नए रेट में महंगाई भी शामिल होती है इन्फ्लेशन भी शामिल होता है तो कई बार गड़बड़ हो जाती है हमें सच्चाई पता नहीं चलती तो बच्चे नॉमिनल जीडीपी के अंदर मुद्रा स्फीति निहित होती है शामिल होती है इसमें महंगाई शामिल होती है महंगाई शामिल होती है ठीक है ना भाई ध्यान रखिएगा इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है समझ में आ गया अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नॉमिनल वाली वो होती है बेटा जो प्रेजेंट रेट पर कैलकुलेट की जाती है रियल वाली वो होती है जो पुराने रेट पर कैलकुलेट की जाती है बात क्लियर भाई सो गए क्या सो गए कमेंट नहीं आ रहे हैं तुम्हारे मेरे पास तक ये सोने वाली बीमारी पहले कहते हो गुरु जी इकोनॉमिक्स पढ़नी है फिर जब पढ़ाते हैं तो गायब हो जाते हैं लेकिन बेटा पढ़नी तो पड़ेगी क्योंकि दोनों एग्जाम्स में पूछी जाती है अब नहीं पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे पढ़ना आपको ये कभी पढ़ लेना मैं आपकी कराए दे रहा हूं ठीक है चलो सोए नहीं है जग रहे हैं चलो बहुत अच्छे और क्लास को लाइक वाइक भी जो भी करते हो करते रहा करो बीच बीच में इसके साथ छेड़छाड़ चलो बहुत बढ़िया एक होता है प्यारे बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर ठीक है जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर पेपर में पूछा जाता है ठीक है जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं ठीक है ठीके? ये जीडीपी पर महंगाई को बताता है क्या बताता है कितनी महंगाई बढ़ी है जीडीपी पर महंगाई को बताता है जीडीपी डिफ्लेटर हिंदी में इसका नाम क्या है कोई भी बच्चा बताए मुझे दो तीन बार पूछा गया है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला इसका फॉर्मूला परसेंटेज के फॉर्मूले के जैसा होता है सिंपल सिंपल ठीक है तो पूछेगा पेपर में जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन नॉमिनल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेशक नॉमिनल आपको डी जीडीपी एक कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है बेटा थोड़ी सी समझ होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैं समझा सकता हूं हर चीज ठीक है ना भाई तो बच्चों नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी ठीक है इन टू वन हंड्रेड ये बात ध्यान रखनी है और यही फॉर्मूला पेपर में कई बार पूछा गया है कि जी डिफ्लेटर का सूत्र बता दीजिए ठीक है ना तो ये किसका अनुपात होता है बेटा नॉमिनल जीडीपी से रियल जी का अनुपात होता है ऐसे निकालते हैं ठीक है ना भाई बहुत बढ़िया उम्मीद है यहां तक आपने चीजों को अच्छे तरीके से समझा होगा गुरु जी आप नहा के आए हो आज अच्छा वाह बेटा वाह डेली हम बिना नहे है आते हैं तो तुम्हें एक बात बताओ तुम्हें सूंघना होता है मुझे या पढ़ना होता है ललित जी जवाब दीजिएगा मेरी बात का तो बेटा आपने जी को समझ लिया है अब अगर मैं बात करूं आपसे दूसरा नंबर आता है जिसे बोलते हैं एनडीपी 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 का पूरा नाम पूछे आपसे तो इसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक डोमेस्टिक का मतलब आप जानते हैं ना घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है ठीक है ना भाई नेट का मतलब होता है बेटा शुद्ध शुद्ध या फिर इसे हम निवल कह सकते हैं डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू घर के अंदर देश की सीमा में प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद तो इसका पूरा नाम क्या हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब देखो ध्यान से समझना है अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों उत्पादन वस्तु और सेवाओं का होता है लेकिन हम अंतिम वस्तु जो बाजार में बिकी है उन्हें यूज करते हैं घरेलू का मतलब देश की सीमा में चाहे वो देश का नागरिक कर रहा है या विदेशी कोई दिक्कत नहीं देश की सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए पाकिस्तान वालियों को नहीं जोड़ेंगे देश की सीमा में और शुद्ध या निवल का मतलब होता है बेटा डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन बोले तो मूल्य ह्रास बात समझ मार है कभी मूल्य ह्रास के बारे में सुना है इसे घिसावट भी कह देते हैं बेटा तो डेप्रीशिएशन तो अंग्रेजी में शुद्ध का मतलब कोई चीज शुद्ध कब होगी जब उसको घिसावट को घटा देंगे तो डेप्रीशियन डेप्रीशियशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मूल्य कहते हैं मूल्य इसे बेटा कई बार घिसावट भी कहा जाता है घिसावट और हमेशा मूल्य में कमी होती है इसीलिए हमेशा डेप्रीशिएशन को माइनस किया जाता है बात समझ मारिये घिसावट को हमेशा क्या किया जाता है माइनस किया जाता है तो घिसवट हो गया है तो इसे घिसावट कर देना ठीक कर देना घिसावट तो घिसावट को हमेशा क्या करते हैं बच्चों घटाते हैं तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनता है सूत्र क्या बनता है एनडीपी का एनडीपी का सूत्र बनता है जब देश की जी निकाल लेते हैं तो जीडीपी में से घिसावट को घटाने पर एनडीपी यानी कि शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है तो एनडीपी का फॉर्मूला बनता है बेटा तो एनडीपी बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिकेशन क्या बनता है में आ रही है नहीं आ रही है क्या बनता है बेटा डेप्रीशियशन याद रखिएगा ये वाली बात ठीक है आप इसे लिखो मैं आता हूं जस्ट वन सेकेंड ठीक है ना बच्चों बात क्लियर हो रही है हाँ बहुत बढ़िया अब देखो यहां ध्यान से समझना है ये डेप्रीशिएशन क्या है तो बेटा डेप्रीशिएशन हमेशा घटता है डेप्रीशिएशन को बोलते हैं मूल्य ह्रास मूल्य ह्रास को बेटा कई बार हम क्या कह देते हैं घिसावट अब पेपर में प्रश्न कैसे आता है पेपर में प्रश्न पूछता है कि शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से किसे घटाया जाता है डेशन को घटाते हैं अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझो मान लो बेटा मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया मोबाइल फोन खरीदा मोबाइल फोन खरीदा मान लो मैंने बीस हजार का मैंने ये बच्चों एक साल चला लिया एक साल मैंने यूज किया मैं इसे एक साल बाद बेचना चाह रहा हूं आप क्या इसे बीस हजार में मैं बेच नहीं रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान से समझो तो क्या आप इसे बीस हजार में खरीदोगे नहीं खरीदोगे आप कहो गुरु दस हजार ले लो वही बहुत है ठीक है ना आप नहीं खरीदोगे इसका मतलब बेटा जब मैं सब कुछ इस क्लास में करा रहा हूं तो सफिसियंट है आप निश्चिंत रहें एक एक बात मैं आपको बता के चलूंगा ठीक है ना तो प्यारे बच्चों बाकी के मान लो मैंने बीस हजार का फोन खरीदा था मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको बीस हजार का फोन लिया आज मैं एक साल बाद उसे बेच रहा हूं ये दस हजार का बिक रहा है बीच में दस हजार रुपए गायब हो गए कहां चले गए मैंने कुछ सामान ऐसा थोड़ी ना डिस्प्ले चोरी कर ली मैंने इसकी कुछ नहीं की है 200 सौ में दे दो अरे 200 ही क्यों देने आप ऐसे ही ले लो फिर है 200 देके भी ईमान कहे डगाना है तो बात समझ में आ रही है ना भाई चलो बहुत बढ़िया बहुत गजब एकदम जबरदस्त आपका तो दस हजार रुपए का डेप्रीशिएशन दस हजार रुपए की इसकी घिसावट हो गई है तो जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं देश के अंदर उनमें डेप्रीशिएशन होता है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसे डिसाइड करते हैं कि कितना डेप्रीशिएशन होना है सिंपल सी बात है तो आपने घिसावट को समझ लिया और यहां आपने एनडीपी को समझ लिया एनडीपी के बाद बेटा नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट नंबर दो जो आता है नंबर तीन आएगा वो आ है जीएनपी जीएनपी को भी समझें जे है जीएनपी जीएनपी को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक है ना ग्रॉस का मतलब क्या होता है पेरे बच्चों सकल नेशनल का मतलब क्या होता है राष्ट्रीय और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा उत्पाद ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मैंने आपको बताया उत्पादन वस्तु और सेवाओं का फाइनल अंतिम वस्तु है जो बिक रही है मार्केट में राष्ट्रीय को अभी समझेंगे और शकल का मतलब मैंने आपको बताया था कुल पैसे में कीमत टोटल मनी वैल्यू कुल मौद्रिक मूल्य कुल मौद्रिक मूल्य समझ में आ रही है और बेटा राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है यह चीज नहीं है अब अगर आप देखोगे ना जीडीपी में और GNP में P सेम है G सेम है बदला क्या है D, यानी कि घर की जगह विदेश आ गया है राष्ट्र आ गया है सिंपल सी बात ये है तो बेटा ये राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि इसे बोलते हैं शुद्ध विदेशी आय यानी कि विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को ही यहां राष्ट्रीय माना जाता है तो बच्चों इसका मतलब क्या है इसका मतलब है शुद्ध विदेशी आय शुद्ध विदेशी आय यानी कि जब भी आय की बात आए तो आय हमेशा प्लस की जाती है यह बात ध्यान रखना है आय को हमेशा जोड़ते हैं बात समझ में आ रही है इनकम को हमेशा बेटा क्या करते है? हैं जोड़ते हैं यह बात आपको ध्यान रखना है चलो भाई ये एस एस में कितने नंबर की बिडा ऐसा कोई तीन सौ नंबर की दोस्त एक बात बताओ यार जी में बीस प्रश्न आते हैं उसमें पूरी जीएस आती है फिक्स नहीं है दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? दो से तीन ही होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे दिल्ली पुलिस की बात करूं तो पांच से छह प्रश्न की आती है बात क्लियर और कुछ बताऊं ठीक है भाई बहुत बढ़िया गजब एकदम अब देखो बिडा इसे बोलते हैं शुद्ध विदेशी आय अब देखो यहां ध्यान से समझना है आपने नाम सुना होगा कई बार कि भारत में बेटा बहुत सारे विदेशी लोग काम करते हैं ठीक है करते हैं नहीं करते हैं आपने नेपाली पेपाली चाइना पाइना के लोग देखे होंगे वो भारत में रह रहे हैं लेकिन काम धंधा चला रहे हैं अपना पैसा कहाँ लेके जाएंगे अपने देश लेके जाएंगे अच्छा भारत के भी तो बहुत सारे लोग दूसरे देशों में रहते हैं वो पैसा कमा के भारत लेके आते हैं तो प्यारे बच्चों यहां अगर मैं बात करूं ये क्या मामला है बाहर जाना फिर घर आना बाहर जाना फिर बाहर आना यही तो पैसा है अब जो बाहर पैसा जाता है वो पैसा है माइनस का पैसा वो घटाना पड़ेगा हमें जो विदेशी कमा के ले जा रहे हैं और जो भारत आ रहा है पैसा उसे बेटा भारत की आय में जोड़ना पड़ेगा तो एक्स का मतलब क्या है एक्स एक्स का मतलब बेटा वो वाला एक्स नहीं एक्स का मतलब है विदेश से प्राप्त आय जो विदेश से भारत की इनकम हो रही है तो एक्स क्या है विदेश से प्राप्त आय विदेश से प्राप्त आय और जो भारत को विदेश से प्राप्त हो रही है आय उसे क्या करेंगे जोड़ देंगे जो भारत के लोग कमा के ला रहे हैं और बेटा जो माइनस हो रही है आय वो क्या है एम विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय जो विदेशी भारत से कमा के ले जा रहे हैं विदेशियों द्वारा विदेशियों द्वारा भारत से भारत से अर्जित आय भारत से अर्जित आय ठीक है ना भाई बात समझ में आ रही है तो एक तो है विदेश से प्राप्त आय बेटा अगर मान लो देखो भारत आने वाली इनकम यदि एक्स आपका सौ रुपए है और बाहर जाने वाली इनकम एम आपकी पचास रुपए है तो आप क्या करोगे सौ को जोड़ोगे और पचास को घटा दोगे क्योंकि पचास जा रही है तो आप पचास के फायदे में रहे अरे रहे या नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अगर मान लो बेटा बाहर से आने वाली एक्स की वैल्यू सौ है सौ रुपए की इनकम आई लेकिन जाने वाली अगर आपकी एक सौ बीस है तो आपने प्लस सौ करा प्लस क्योंकि एक्स तो जोड़ा जाता है और बच्चे आपके एम को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे एक सौ बीस इसका मतलब माइनस बीस बीस रुपया का नुकसान हुआ आपको विदेशी आय में बात क्लियर हो रही है हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत गजब बहुत गजब यहां तक समझ रहे हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं तो बेटा अब अगर इन दोनों को बैलेंस किया जाए तो उसे कहते हैं शुद्ध विदेशी आय तो ये बीस रुपए क्या है आपकी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये पचास रुपए क्या है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेश से अर्जित शुद्ध आय ये होती है तो अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे हमें अगर जी से जीएनपी प्राप्त करना है तो जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है जीएनपी बराबर होता है जी प्लस फॉरेन इनकम विदेशी आय यानी कि विदेश से जो हमें आय प्राप्त हो रही है उसे जोड़ दो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो यानी कि जी बराबर जी प्लस एक्स प्लस एक्स कौन है जो विदेश से कमा के लेके आ रहे हैं माइनस एम कौन है जो भारत से लेके जा रहे हैं तो आप कैसे भी लिख दो लेकिन बेटा फॉरेन इनकम को जोड़ा जाता है अब आपसे पेपर में पूछे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में किसे जोड़ा जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा विदेश से प्राप्त इनकम को जोड़ा जाता है यह बात ध्यान रखनी है प्रेम कह रहे हैं आज जीडी की क्लासेस नहीं है अरे भैया आज संडे है संडे में तो आप कम से कम और चीजें रिवाइज कर लिया करो बच्चों बिल्कुल पीयूष जी लब्बू लब्बू बहुत सारा चलो ठीक है ना बात क्लियर हो तो एक बार सभी बच्चे थम्सअप करके बताएंगे थम्सअप करेंगे घबराएंगे नई चीजों को समझेंगे और बेटा पेपर में प्रश्न यहीं से आता है फिर आप घबराते हो अरे घबराना नहीं है ना भाई काहे घबराना है मैं आपको बताने को तैयार हूं एक एक बात इतनी चीजें ही पेपर में आती हैं और नेक्स्ट आता है बेटा आपका जहां हमें पहुंचना था चौथा नंबर जिसे क्या कहते हैं एन एन पी कहते हैं जे गुरु जी एन एन पी क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है क्या होता है बेटा नेट मतलब शुद्ध नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट का मतलब शुद्ध या फिर बेटा निवल नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और बच्चों प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद ठीक है ना भाई शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अब उत्पादन जो होता है बेटा वो वस्तु और सेवाओं का होता है राष्ट्रीय का मतलब अभी आपको मैं आपको बता चुका हूं विदेशी आय फॉरेन इनकम और फॉरेन इनकम हमेशा जुड़ी जाती है और बेटा मैं पीछे बता चुका हूं शुद्ध जहां आए शुद्ध का मतलब घिसावट डेप्रीशिएशन डेप्रिशिएशन और घिसावट हमेशा क्या की जाती है मूल्य हमेशा घटाया जाता है तो मूल्यह्रास मूल्यह्रास बोले तो ये माइनस होगा बात समझ में आ रही है थोड़ी सी या नहीं आ रही है आ रही है नहीं आ रही है हां माइनस होगा बेटा अब देखो यहां ध्यान से थोड़ी सी बातों को समझना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा यहां ध्यान से यह समझना है आपको कि राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट डेप्रीशिएशन फॉरेन इनकम आपने समझा कि अगर आप जीडीपी से यानी कि एनएनपी निकालना चाहते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो क्या करना है जीडीपी के अंदर मैंने आपको बताया फॉरेन इनकम जोड़ी जाएगी विदेशी आय को जोड़ दो ठीक है डेप्रीशिएशन को डी फोर डेप्रीशिएशन को घटा दो ये निकल गया एन एनपी आपका बात क्लियर हुई या नहीं हुई है जल्दी से बताएं तो बच्चों जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू एन एनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बहुत बढ़िया गजब एकदम तो बेटा सकल घरेलू उत्पाद क्या है एक देश की सीमा में बनने वाला सामान उसमें विदेश से प्राप्त आय को शामिल कर लेते हैं और घिसावट को घटा देते हैं और हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है और इसे ही नेशनल इनकम कहते हैं तो यह है राष्ट्रीय आय आप राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए चार चरणों से गुजरे हो तो मैंने आपको कहां से पढ़ाया यहां से देखोगे मैंने आपको बताया जीडीपी क्या होता है एक देश की सीमा में एक साल में बनने वाले सामान की पैसे में कीमत जीडीपी कहलाती है जीडीपी गिरने का मतलब आपको बताया कि उत्पादन कम हुआ है जिससे कि नौकरी कम होगी पैसा कम होगा जीडीपी बढ़ने का मतलब उत्पादन बढ़ा जिससे कि नौकरी बढ़ेंगी जीडीपी दो तरीके की नॉमिनल मतलब झूठी जीडीपी जिसमें महंगाई शामिल है जो वर्तमान रेट पर कैलकुलेट की जा रही है एक बेटा जीडीपी सच्ची रियल जीडीपी जो पुराने रेट यानी कि बेस ईयर पर कैलकुलेट हो रही है एक जीडीपी डिफ्लेटर जो महंगाई पर क्या बताता है बेटा यानी कि जीडीपी पर महंगाई को बताता है ये रेशियो होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का इंटू 100. आगे बताया मैंने एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहां नेट का मतलब शुद्ध या नेवल है मतलब घिसावट है तो जब जीडीपी में जो समान बना देश में उसमें से घिसावट को घटा दिया तो एनडीपी मिल गया फिर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है सकल का मतलब है टोटल मनी वैल्यू और बेटा राष्ट्रीय का मतलब विदेशी आय तो जीडीपी में जब विदेशी आय को शामिल करते हैं तो हमें मिलता है जीएनपी बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया आगे और लास्ट बेटा मैंने आपको बताया एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि शुद्ध का मतलब होता है डेप्रीशिएशन और राष्ट्रीय का मतलब होता है बेटा विदेशी आय तो जब भी आप जीडीपी में फॉरेन इनकम को जोड़ते हो और डेप्रीशिएशन को हटाते हो तो मामला बन जाता है बेटा दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट ये जो शनिवार आ रहा है ना आपका नेक्स्ट वाला शनिवार तो हर शनिवार को डल जाया करेगा टाइम से आप बिल्कुल परेशान ना हो ठीक है ना तो बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों की यहां तक अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे जो एन होता है एन एन का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट उसे बेटा दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से निकालते हैं एक होता है आपका एनएनपी एनएनपी ऑन एफसी फैक्टर कॉस्ट और एक होता है बेटा आपका एन एन पी ऑन मार्केट प्राइस एन एन पी ऑन एमपी एमपी का मतलब है बेटा मार्केट प्राइज में लिखे दे रहा हूं यहां पे क्या होता है मार्केट प्राइस और ये होता है प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट ठीक है ना भाई फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं साधन लागत या कारक लागत साधन लागत किसी सामान को बनने में कितनी लागत लगी है बेटा वो फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री का मूल्य मार्केट प्राइस कोई सामान कितने रेट में बाजार में बिक रहा है तो इसे कहा जाता है बाजार मूल्य क्या बोलते हैं बेटा बाजार मूल्य अब एनएनपी का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं एनएनपी क्या है शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या बोलते हैं बेटा इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो इसका मतलब हम जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं वो एक तो हम फैक्ट्री के मूल्य पर निकालते हैं और एक बाजार के मूल्य पर निकालते हैं सिंपल सी बात ये है ठीक है ना भाई अब देखो ध्यान से समझना है मान लो बेटा ये जो पानी की बोतल है ये बोतल है मान लो हमने दो सौ रुपया की खरीदी तो दो सौ रुपया से पहले बनके भी तो तैयार हुई होगी जान लो ये बेटा डेढ़ सौ में फैक्ट्री में बनके तैयार हुई ठीक है जब ये बाजार में बिचने जा रही है तो इस पर सरकार ने आकर कुछ टैक्स लगा दिए क्योंकि पचास रुपया टैक्स तो डेढ़ सौ और पचास कितने हो गए दो 200 दो सो में ये में बिक गई तो दो तो इसका मार्केट प्राइस है और डेढ़ सौ इसका फैक्ट्री का मूल्य है जितनी इसकी लागत है सिंपल सी बात है सर किसी के सर पर मत ट्राई करना बेटा सर फोड़ना थोड़ी ना है इससे नहीं फोड़ना नहीं है चीजों को समझना है तो मैं जो आपसे कह रहा हूं उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो अब देखो यहां समझो जब आप एन एन पी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं फैक्ट्री के मूल्य पर एन एन पी कैलकुलेट करते हैं तो बेटा आपको पता है कि जब फैक्ट्री के मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर तो बेटा वो क्या बन जाता है मार्केट प्राइस बन जाता है तो जब आप एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो आपको मार्केट प्राइस में से क्या घटाना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है ना भाई तो आपको क्या घटाना पड़ेगा एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों को घटा दो और बेटा सरकार क्या देती है आपको कुछ सामानों पर सब्सिडी देती है अगर किसी सामान पर सब्सिडी आपको मिली है तो सब्सिडी को क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा बात क्लियर है अगर नहीं समझ में आया है, तो मुझे एक बार और बताएं मैं दोबारा से बता दूंगा देखो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि मान लो अगर कोई वस्तु सौ रुपए में बनके तैयार हुई है फैक्ट्री में तो वो उसका फैक्टर कॉस्ट है सरकार ने इस पर बेटा क्या किया मान लो बीस रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए कर लगा दिया तो ये वस्तु कितने की बिक रही है 120 की बिक रही है ये क्या है मार्केट प्राइस है ठीक है ना भाई बात समझ में आ रही है तो अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्ट्री का मूल्य निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा मार्केट प्राइस माइनस टैक्स कर दूंगा अब मार्केट प्राइस कितने है 120 माइनस टैक्स कितने है 20 तो कितना हो गया सौ रुपये सौ रुपये ही तो था हमारा फैक्टर कॉस्ट यही तो निकल के आया तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम निकाल रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहां बेटा साधन लागत इसे कारक लागत भी कहते हैं ठीक है ना तो कारक लागत या साधन लागत पर यानी कि फैक्ट्री के मूल्य पर यही चीज क्या है यही चीज आपकी राष्ट्रीय आय है इसे ही नेशनल इनकम कहा जाता है तो पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वास्तविक राष्ट्रीय नेशनल इनकम क्या होती है नेशनल इनकम होती है फैक्ट्री के मूल्य पर निकाला गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं तो यहां तक इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें पता चला कि फैक्टर कॉस्ट भी निकलता है मेरी बात समझ रहे हैं तो जब भी हम मार्केट प्राइस में बाजार में बिकने वाली चीजों में से सरकार के टैक्स को हटा देते हैं और सरकार जो सब्सिडी देती है उसे जोड़ देते हैं तो हमें एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट मिलता है और एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट को ही बेटा नेशनल इनकम कहते हैं बात क्लियर है तिवारी जी थोड़ा शांति करो बेटा तिवारी जी ओ तिवारी बेटा लाला ओ मेरे दोस्त ओ मेरे प्रिय बाबू जा ठीक है ना चलो भाई बहुत बढ़िया अब देखो आगे थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास करना है अब अगर मैं बात करूं यहां थोड़ी सी चीजों को जो आप जानना चाहते हैं वो आती है पीसीआई पीसीआई सुना है पीसीआई बोलते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम क्या कहते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम बात समझ में आ रही है जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय क्या बोलते हैं बेटा प्रति व्यक्ति आय कहते हैं चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ठीक है क्या बोलते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम कहते हैं बहुत बढ़िया प्रति व्यक्ति आय क्या होती है देश के नागरिकों की औसत आय एवरेज इनकम तो ये क्या है प्यारे बच्चों ये एक प्रकार की औसत आय है कैसी आय है औसत आय है देश के सिटीजन्स की देश के नागरिकों की अच्छा प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं निकालने का फॉर्मूला पेपर में पूछ लिया जाता है तो बेटा देश की कुल जनसंख्या को पॉपुलेशन को जब देश की कुल जनसंख्या को नहीं देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को जब डिवाइड किया जाता है किससे डिवाइड करते हैं जनसंख्या से टोटल पॉपुलेशन से यानी कि कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आती है बच्चों हमारे पास निकल के आती है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बात क्लियर है तो एग्जाम में पूछेगा कि देश की औसत आय किसे कहते हैं इसमें अंबानी की भी आय शामिल है मेरी भी शामिल है एक रिक्शे वाले की भी शामिल है आपकी भी शामिल है सभी की आय को जोड़कर कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं भारत की वर्तमान में एक लाख से ज्यादा है पर कैपिटा इनकम बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया बात क्लियर हो रही है बेटा एक बार सभी थम्सअप करके बताएंगे तो ये नेशनल इनकम जो टॉपिक है आपका ये यहां खत्म हो जाता है समाप्त हो जाता है राष्ट्रीय आय की मैंने विधियां बता दी हैं आपको राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने कैलकुलेट किया ये वाली बात भी हमने डिस्कस कर ली है लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय को जो मापने का काम करने वाली नोडल एजेंसी है वो कौन सी है तो राष्ट्रीय आय का मापन कौन सी एजेंसी करती है जल्दी से बताएं राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है राष्ट्रीय आय का मापन करता है बेटा सी कौन करता है सीएसओ पेपर में बहुत पूछा जाता है सीएसओ का पूरा नाम क्या है तो बेटा सेंट्रल सेंट्रल स्टिस्टिक्स ऑफिस सेंट्रल स्टेस्टिक्स ऑफिस जिसे बोलते हैं केंद्रीय सांख्यकीय कार्यालय क्या बोलते हैं बेटा केंद्रीय सांख्य है, कार्यालय है। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों 1951 में, 1951 में इसका मुख्यालय कहां है हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका काम क्या होता है इसका काम होता है राष्ट्रीय आय जीडीपी ये सभी चीजें कैलकुलेट करना समझ रहा है तो कौन करता है सीएसओ का का काम है देश की राष्ट्रीय आय को मापना अब बच्चों आपसे कई बार यह वाली बात पूछी जाती है कि ये सी एस ओ जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है किस मंत्रालय के अंदर काम करती है तो मंत्रालय भी पूछा गया है तो बच्चों एम ओ एस पी आई ठीक है ना भाई एम ओ एस पी आई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन ठीक है ना तो ये बात ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये काम करती है केंद्रीय सांख्यकीय जो मंत्रालय होता है ना सांख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बहुत पूछा जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये प्रश्न दो से तीन बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो यहां तक आपने बातों को समझ लिया अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की आप मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ोगे इन्फ्लेशन पढ़ोगे ठीक है ना भाई ऐप पर पीडीएफ नहीं ऐप पर बेटा अभी सिर्फ योद्धा बैच के पीडीएफ डले हुए हैं बाकी के डल जाएंगे आप थोड़ा सा, थोड़ा सा सा पेशेंस करें ठीक है बताएं बैंकिंग पढ़ेंगे या इन्फ्लेशन पढ़ेंगे जो आप कहोगे वो पढ़ा देंगे जल्दी से आंसर आना चाहिए हाँ कौन सा पढ़ोगे आरबीआई करवा दो आरबीआई भी करवाएंगे अपनी मर्जी से पढ़ाएं अपनी मर्जी से पढ़ा देंगे चलो भाई चलो तो पहले इन्फ्लेशन पढ़ लेते हैं फिर बैंकिंग पढ़ लेंगे तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जानते हो ना आप इन्फ्लेशन बोलते हैं बेटा मुद्रा स्फीति क्या कहते हैं मुद्रा स्फीति थोड़ा सा देख लें फिर इसके बाद बैंकिंग डिस्कस करेंगे मुद्रा स्फीति को बेटा सरल भाषा में महंगाई कहते हैं महंगाई आपने कभी समझा है महंगाई क्या होती है महंगाई के विषय में जाना है कभी नहीं जाना तो आज जानोगे ठीक है महंगाई क्या है महंगाई डायन खाए जात है आपने सुना होगा महंगाई क्या है वस्तु और सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को बेटा हां बैंकिंग लाइसेंस मांगते हैं हां लाइसेंस भी दिलवाएंगे तुम्हें बैंकिंग का टेंशन ना ले तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे वस्तु और सेवाओं की वस्तु एवं सेवाओं की वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में उनके प्राइजेज में कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि यानी कि अगर वस्तु या सेवाओं की कीमत होने वाली लगातार वृद्धि लगातार कंटिन्यूस बढ़ रही है लगातार वृद्धि यदि वस्तु और सेवाओं के प्राइजेज लगातार इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं तो बेटा उसे क्या कहते हैं महंगाई कहते हैं मान लो कोई चीज चीनी मान लो चीनी मान लो दो में बेटा अगर तीस रुपए किलो थी ठीक है तीस नहीं थी इससे भी कम थी बीस ही होगी बेटा बीस रुपए पर के जी थी पर किलो थी इसके बाद प्यारे बच्चों दो हजार पंद्रह में बढ़कर बीच बीच में बढ़ती रही मान लो दो हजार पंद्रह में तीस रुपए पर के जी हो गई प्रति किलोग्राम हो गई फिर आज देखोगे आप दो हजार तेईस में तो लगभग कितनी है बेटा फोर्टी फाइव पैंतालीस पर के जी है पैंतालीस रुपए पर के जी अब आप क्या देख रहे हो चीनी तो बेटा एक ही किलो मिल रही है पहले भी एक किलो मिल रही थी 2015 में भी एक किलो मिल रही है और 2023 में भी एक किलो ही मिल रही है चीनी तो उतनी ही मिल रही है लेकिन बेटा आप देख रहे हो यहां बीस रुपए जा रहे थे यहां तीस रुपए जा रहे थे यहां पैंतालीस रुपए जा रहे हैं तो लगातार ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है आपको उतनी ही चीनी के लिए ठीक है ना तो बात समझ में आ रही है ना मुद्रा बड़ी है मुद्रा बढ़ी है अच्छा चलो मुद्रा भी बढ़ाएंगे लेकिन चीजों को पहले थोड़ा सा समझने का काम करेंगे चलो बच्चों बात क्लियर है यहां तक हां बहुत बढ़िया तो आपने देख रहे हो ना लगातार ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है पैसे की कीमत कम हो रही है क्योंकि ज्यादा पैसे देने से काम चल रहा है तो जब भी पेपर में आपसे पूछे कि महंगाई के समय मुद्रा की कीमत मुद्रा की परचेजिंग पावर क्रय शक्ति कैसी होती है तो मुद्रा स्फीति में महंगाई के समय मुद्रा स्फीति मतलब बेटा महंगाई मुद्रा स्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति मुद्रा की क्रय शक्ति क्रय शक्ति का मतलब होता है परचेजिंग पावर खरीदने की शक्ति मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है बिडा कम होती है कम कम होती है घट जाती है डिक्रीज होती है तो आप देख रहे हो ना क्यों कम हो रही है क्योंकि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उतने ही सामान के लिए जबकि वस्तु और सेवाओं की कीमतें वस्तु तथा सेवा की कीमत वस्तु तथा सेवा की जो कीमत है कीमत प्राइस है वस्तु और सेवाओं की कीमत में क्या होती है वृद्धि होती है वृद्धि यानी कि बढ़ती है वृद्धि होती है तो उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि प्राइस में और परचेजिंग पावर में कैसा संबंध होता है नकारात्मक संबंध होता है तो बच्चों ध्यान रखना है क्रय शक्ति किस किस चीज में क्रय शक्ति खरीदने की शक्ति पैसे को पैसे की खरीदने की शक्ति में और बच्चों तथा तथा क्रय शक्ति तथा कीमत में क्रय शक्ति तथा कीमत में नकारात्मक संबंध होता है नकारात्मक संबंध होता है नकारात्मक संबंध का मतलब क्या है यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है बात समझ में आ रहा है बात क्लियर हो गई है एक बार बताएं जल्दी से यदि बेटा महंगाई बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की कीमत में क्या होगी वृद्धि होगी और मुद्रा की कीमत में क्या होगी प्यारे बच्चों कमी आएगी क्योंकि ज्यादा पैसा हमें पे पे करना पड़ेगा क्लियर है तो इन दोनों में कैसा संबंध हुआ एक तो क्रय शक्ति खरीदने की पावर पैसे की और दूसरा वस्तु और सेवाओं की कीमत इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है नकारात्मक संबंध होता है क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही है सिंपल सी बात तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ चल रहा है अब देखो मैं बात करूं आपसे बेटा ये महंगाई जो होती है इन्फ्लेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है इन्फ्लेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है जी गुरु जी बताइए कौन से दो तरीके हैं एक तो होती है बेटा डिमांड पुल और एक होती है कॉस्ट पुश। तो महंगाई दो तरीके की एक होती है डिमांड पुल डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसे हिंदी में कहते हैं बेटा मांग जनित महंगाई मांग जनित मुद्रा स्फीति मांग जनित मुद्रा स्फीति और दूसरी वाली कौन सी होती है पेरे बच्चों बताएं जल्दी से दूसरी वाली होती है कॉस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश का मतलब लागत प्रेरित लागत बढ़ने से जो महंगाई बढ़े लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति, लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। अब देखो दोनों को ध्यान से समझना है अगर हमारे देश के अंदर देखो एक कंडीशन होती है कभी रह ही नहीं सकती जो कि देखो भाई सिंपल सी बात यह समझनी है कि अगर देश के अंदर मांग ज्यादा होगी डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी तो अगर देश के अंदर जो टोटल डिमांड है कुल मांग है यदि देश की टोटल डिमांड समग्र मांग कुल मांग ज्यादा होगी किससे टोटल सप्लाई से किससे बच्चों टोटल सप्लाई से कुल आपूर्ति से तो जो कंडीशन पैदा होगी वो महंगाई की कंडीशन को कहा जाएगा मांग जनित मुद्रा स्थिति मांग जनित मांग जनित मुद्रा मांग जनित मुद्रा स्फीति बात समझ में आ रही है थोड़ी सी जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना बच्चों कहने का मतलब क्या है कि यदि टोटल डिमांड अगर ज्यादा है यानी कि मान लो ऐसा है कि आप देखो कि बच्चों टमाटर की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई क्योंकि टमाटर की डिमांड ज्यादा थी और टमाटर की सप्लाई बेटा कम थी तो टमाटर इतना महंगा हो गया मेरी बात समझ रहे हैं तो जब भी किसी चीज की अगर मान लो किसी दुकानदार के पास दस टीवी है दस टीवी है और उन टीवी को खरीदने वाले केवल दो कस्टमर हैं तो दुकानदार चाहेगा कैसे ही ये टीवी बिक जाए कैसे ही कलेस कट है कम कीमत पे भी दे दूंगा सौ दो सौ रुपया कम में भी दे दूंगा कम प्रॉफिट कमा लूंगा बिक नहीं रहे अगर मान लो दुकानदार के पास दस टीवी और खरीदने वाले दो सौ लोग पहुंच जाए दो सौ कस्टमर पहुंच जाए ये दुकानदार कहेगा टीबी दस ही है खरीदेंगे तो मुझसे ही जाएंगे कहां तो बेक लो है बेक लो जितना मर्जी है तो यहां बेटा यहां जब डिमांड थी दो तो सप्लाई था दस तो चीजें सस्ती हो गई कस्टम दुकानदार चाह रहा है कम में बिक जाए जब बेटा डिमांड आपकी दो सौ है और सप्लाई आपकी दस है तो दुकानदार चाह रहा है कि मन मर्जी के पैसे लिए जाए मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो जब भी डिमांड ज्यादा होगी अब बेटा डिमांड कब बढ़ती है ज्यादा बेटा डिमांड आप कब करते हो बताओ मुझे डिमांड कब बढ़ती है तो डिमांड डिपेंड करती है मनी सप्लाई पर किस पर डिपेंड करती है बेटा मनी सप्लाई पर मनी सप्लाई बोलते हैं मुद्रा की आपूर्ति क्या बोलते हैं बेटा मुद्रा की आपूर्ति यानी कि जब आपकी जेब में जब देश के अंदर पैसा बढ़ता है तो आप डिमांड करते हैं यदि मेरे जेब में पैसा नहीं है पाँच सौ रुपया है केवल और मुझे महीने भर का खर्चा चलाना है तो क्या मैं डिमांड करूंगा कि मुझे बाइक चाहिए क्या मैं डिमांड करूंगा कि मुझे फोन चाहिए क्या मैं डिमांड करूंगा कि मुझे चार जीन्स चाहिए नहीं करूंगा ना भाई फाइव ईयर प्लान बेटा नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बात क्लियर है जो मैं आपको बता रहा हूं ये बात ध्यान रखनी है और एक एक चीज को समझने का प्रयास करना है तो अगर एक बात बताओ अगर सरकार को महंगाई को कंट्रोल करना है तो सरकार क्या सरकार पैसे को कंट्रोल करेगी पैसा कम होगा डिमांड कम होगी महंगाई कम होगी पैसा बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी महंगाई बढ़ जाएगी तो बेटा सरकार के लिए सबसे सटीक चीज क्या है महंगाई को रोकने के लिए बताएं जल्दी से पैसा तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाता है तो मौद्रिक नीति के द्वारा क्या कंट्रोल करता है पैसा देश के अंदर कितना पैसा है यही महंगाई बढ़ाता है यही महंगाई घटाता है तो क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे मरती है इसीलिए पैसे का रोल बहुत तगड़ा है जीवन में ठीक है ना तो इसीलिए तो बेटा देखा होगा ना आप बिना पैसे के कुछ नहीं है ये ये सब चीजें मुह माया प्रेम ये सब कुछ कुछ नहीं सिर्फ क्या पैसा पैसा होना जरूरी है तो बात यहां तक समझ में आ गई है सभी बच्चों को दूसरा मामला क्या है दूसरा है बेटा लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति बेटा लागत बढ़ने से लागत लागत मतलब कॉस्ट लागत बढ़ने से बढ़ने वाली महंगाई बढ़ने वाली लागत बढ़ने से बढ़ने वाली महंगाई बेटा जो लागत बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ रही है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लागत को बढ़ा देती हैं अब देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कुछ चीजें ठीक है जैसे कि आपने सुना होगा उत्पादन के चार कारक होते हैं एक तो होता है श्रम श्रम बोलते हैं लेबर के लिए अब अगर मान लो कोई मजदूर पहले तीन रुपए में काम कर रहा था उसने अपनी मजदूरी तीन से चार कर दी तो बेटा जो सामान को बनने की लागत थी वो भी बढ़ जाएगी श्रम के बाद एक होता है भूमि यानी कि लैंड जिसे कहते हैं भूमि जहां आपने अपनी कंपनी फैक्ट्री लगाई हुई है वहां का रेंट देते हो आप यदि उसका रेंट बढ़ेगा तो बेटा कहीं ना कहीं लागत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी मान लो बेटा इससे अलग भी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का होता है रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो श्रम होता है एक होता है बेटा पूंजी पूंजी बोलते हैं कैपिटल के लिए पूंजी तो पूंजी का मतलब मशीन वसीन जो आप खरीद रहे हो या फिर आप जो बेटा पैसा ले रहे हो उधार ब्याज पर वो भी उसकी भी कीमत बढ़ सकती है तो बेटा आपकी जमीन के रेट यानी कि आपकी जमीन का रेंट बढ़ सकता है लेबर अपनी मजदूरी बढ़ा सकती है पूंजी के अंदर आपका कच्चा माल महंगा हो सकता है परिवहन का खर्चा बढ़ सकता है ट्रांसपोर्टेशन का साथ के साथ जो आपका उद्यमी है उद्यमी से मतलब होता है एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो रिस्क लेकर मालिक जो है बेटा जो इस ऊधम को रन कर रहा है जो एंटरप्राइजेस को चला रहा है रिस्क ले रहा है वो अपना लाभ भी बढ़ा सकता है और अगर प्यारे बच्चों इन सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है कि लागत भी बढ़ेगी लागत भी बढ़ेगी मान लो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इधर देखो मान लो बेटा कोई ब्रेड का पैकेट आठ रुपए में बनके तैयार हो रहा है आठ रुपए क्या है इसकी कॉस्ट है लागत और बेटा वो दस रुपए में बिक रहा है तो ये क्या है ये मार्केट प्राइस है यानी कि दो रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सिंपल सी बात यदि अगर इस ब्रेड के पैकेट की जो कॉस्ट है वो लागत बढ़ने से चाहे गेहूं की कीमत बढ़ जाए जहां फैक्ट्री लगी है उसका रेंट बढ़ जाए बिजली का बिल बढ़ जाए आपका चाहे आपने जो मशीनें ली हैं उनकी कीमत बढ़ जाए तो ये कॉस्ट बढ़कर कितनी हो गई आठ से दस रुपए हो गई तो क्या अब भी दस का ही बेकेगा नहीं बेटा ये दस से बारह या तेरह रुपए का कर देगा तो ये कॉस्ट हुई तो ये मार्केट प्राइस बढ़ गया तो ये देख रहे हो आप 10 से 12 का बिक रहा है अब क्यों क्योंकि महंगाई बढ़ी है क्योंकि लागत बढ़ी है तो महंगाई दो तरीके से बढ़ जाती है बच्चों एक तो बढ़ जाती है आपकी डिमांड बढ़ने से डिमांड कब बढ़ती है जब आपका मनी सप्लाई पैसा बढ़ता है आपकी जेब में तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं ठीक है और दूसरी होती है कॉस्ट पुश लागत बढ़ने से बढ़ने वाली महंगाई तो महंगाई के दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं तो क्लियर हो गई है सभी बच्चों की तो एक बार थम्सअप करके मुझे बताएंगे कि सर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं क्लियर है भाई तो जल्दी से मुझे एक बार बता दें तो बच्चों एक इन्फ्लेशन की उल्टी चीज होती है डिफ्लेशन जैसे कहा जाता है प्यारे बच्चों डिफ्लेशन 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 के विषय में सुना होगा डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति है अपोजिट जिसे क्या बोलते हैं जिसे अप कहा जाता है अप ठीक ना वो क्या है वो मुद्रा स्फीति है ये मुद्रा अप स्फीति है बेटा ये उल्टी है ये इन्फ्लेशन का उल्टा होती है उल्टी है बेटा ये मुद्रा स्फीति की विपरीत स्थिति है मुद्रास्फीति की अपोजिट कंडीशन मुद्रास्फिति की विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं तो मुद्रा स्फिति की विपरीत स्थिति को प्यारे बच्चों मुद्रा अपस्फीति के नाम से जानते हैं यहां क्या होगा देखो महंगाई में वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं यहां वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार कम होती हैं तो बेटा वस्तु तथा सेवाओं की कीमतें सेवाओं का मूल्य वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य लगातार कंटिन्यूस लगातार कम होता है तो बच्चों यदि वस्तु और सेवाएं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लगातार डिक्रीज कर रहे हैं कोई चीज पहले बेटा पचास रुपए की थी पचास रुपए से घटकर पचास रुपए पर केजी मान लो आप यहां ठीक है या पचास रुपए का कोई एक पेन था वो घटकर फिर बेटा कितने का हो गया चालीस रुपए का हो गया ठीक है चालीस रुपए का एक पेन हो गया वह घटके फिर कितने का हो गया बीस रुपए का एक पेन हो गया बीस रुपए का एक पेन हो गया तो यहां क्या देख रहे हो पेन वही वाला है उतना ही है उतनी इंक सब चीज उतनी लेकिन बेटा उसकी कीमत लगातार घट रही है तो बेटा जहां पर कीमत लगातार घटे पचास अब चालीस और अब बीस तो यहां क्या देख रहे हो आप जो चीज पहले पचास में आ रही थी वो चीज अब बीस में आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है यानी कि अब आपको कम पैसा देना पड़ रहा है कम पैसा देने का मतलब आपके पैसे में जो पावर है वो बढ़ रही है पैसे की कीमत बढ़ रही है ठीक है ना भाई चलो भाई बहुत अच्छे चलो भाई देखो चीजों को समझने की कोशिश करनी है और पढ़ाई पे ध्यान देना है बाकी चीजों पे कम ध्यान देना है और धोगे तो ज्यादा बढ़िया है अब देखो यहां अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो मुद्रा यानी कि डिफ्लेशन के दौरान आप मुझे बताएं वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या होगी कमी तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन अपस्फिति में अपस्फिति में वस्तु तथा सेवाओं की कीमत वस्तु तथा सेवाओं की वस्तु तथा सेवाओं की कीमत क्या होती है बेटा कम होती है यानी कि यहां कीमत घटती है और प्यारे बच्चों मुद्रा की क्रय शक्ति मुद्रा की खरीदने की पावर मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है जल्दी से बताएंगे बढ़ती है या घटती है तो बच्चों ध्यान रखिएगा के समय वस्तु मतलब डिफ्लेशन मंदी बोलते हैं इसे मंदी कह सकते हैं आप हालांकि मंदी रिसेशन को कहा जाता है ठीक है ना तो प्यारे बच्चों मुद्रा की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर ऑफ मनी इसमें क्या होता है इंक्रीज होता है बढ़ती है वृद्धि होती है मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है बेटा बढ़ जाती है सिंपल सी बात यह है ठीक है ना क्योंकि हमें अब कम पैसा बीस रुपए में इतनी पावर है कि वो उस पेन को खरीद पाए यहां पचास रुपए में इतनी पावर थी मतलब यहां कम पैसे ही उस पेन को खरीद पा रहे हैं इसका मतलब मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है बात क्लियर है तो बताएंगे एक बार मुझे यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है जल्दी से बताएं जल्दी से जल्दी से देखो बच्चों अब एक मुझे छोटी सी चीज आप बताओ मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं एक मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति और एक मैंने आपको बताया भी डिफ्लेशन दोनों में अच्छा कौन सा है दोनों में अच्छी कौन सी है यानी कि बच्चों महंगाई अच्छी है या मंदी अच्छी है जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का चलो भाई बहुत बढ़िया तो बताएंगे बेटा ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है तो बच्चों अगर मैं बात करूं इनकी अच्छाई की तो बेटा ये मानो आप कुआ है और ये मानो बेटा खाई है अगर खाई में गिरे तो पता नहीं हड्डी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो ये तो खराब है ठीक है और कुएं में गिरोगे तो हड्डी वड्डी मिल सकती है चांस है थोड़ा सा तो बेटा इन्फ्लेशन अगर धीमी गति से बढ़े तो भैया थोड़ी थोड़ी तो हल्की हल्की मुद्रास्फीति तो कम महंगाई जो होती है कम महंगाई कम महंगाई अच्छी होती है कम महंगाई कैसी होती है बेटा, अच्छी ये चीज मैं आपको बता रहा हूं अगर महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है तो अच्छी है बात समझ में आ रहा है डिफ्लेशन में क्या दिक्कत आती है डिफ्लेशन में मंदी आती है मंदी कब आती है मंदी तब आती है देखो मंदी कब आएगी आपके पास मंदी तब आएगी जब डिमांड कम होगी डिमांड अब बेटा डिमांड कम होती है डिमांड कब कम होती है जब जनता के पास पैसा कम होता है अच्छा जब पैसा कम होगा और डिमांड कम होगी तो बेटा उत्पादन क्या होगा उत्पादन भी कम होगा अगर उत्पादन कम होगा तो लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा बेटा नौकरी क्या होगी नौकरी में कमी आएगी फिर लोगों के पास पैसे में भी कमी आएगी मेरी बात समझ रहे हो अब देखो महंगाई में क्या होगा अगर हल्की हल्की महंगाई होगी महंगाई कब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा होता है पैसा बढ़ता है तब महंगाई बढ़ती है क्योंकि पैसा बढ़ने से क्या बढ़ती है डिमांड बढ़ती है अगर बेटा डिमांड बढ़ रही है मांग बढ़ रही है मांग के बढ़ने से फिर जनता उत्पादन को बढ़ाती है कंपनी उत्पादन बढ़ाती है उत्पादन बढ़ने से क्या बढ़ती है नौकरी बढ़ती है नौकरी बढ़ने से क्या होती है लोगों की आय होती है आय होती है तो बेटा घर में राड नहीं होती नहीं तो घर में बेटा डेली राड ही होती है पैसे नहीं लाए तुम आज ऐसा कराए तुमने मेरा जीना हराम कर दिया तुम खाना तक नहीं खिला पाते अरे बेटा पैसा जीवन की एक आधारभूत इकाई है बिना पैसे के काम नहीं चलेगा हाँ <coughs> ये कह रहे हैं दोनों मैराथन में अर्थशास्त्र पूरा हो जाएगा न्यूनतम कितना प्रश्न देखो डिपेंड करता है एग्जाम में बेटा ठीक है और कसम खाके एग्जाम इधर पेपर नहीं बनाता है इकोनॉमिक्स अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके किसी एग्जाम में तो तीन से चार प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न का वेटेज रहता है है ठीक ना भाई तो ये यह बात यहां आपने समझी तो थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़े तो वो अच्छी मानी जाती है चलो भाई बहुत बढ़िया तो यहां तक आपने चीजों को समझा बहुत बढ़िया यहां तक समझ लिया है सच्ची सच्ची बताएं कोई दिक्कत किसी को मैंने आपको बताया कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है बेटा वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और महंगाई कब बढ़ती है या तो लागत बढ़ जाए या फिर बच्चे आपकी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो बेटा डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो गड़बड़ है ठीक है तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है ध्यान रखनी है एक मिनट रुकेंगे चलो भाई बहुत बढ़िया हां आसमान से टपके और खजूर पर अटके चलो भाई बेटा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा एक एक घंटे की क्लास जब आपका कोई भी एग्जाम आएगा ना उससे पहले मैं करंट रिलेटेड चीजों की जैसे जीडीपी का कितना परसेंट ग्रोथ का अनुमान लगाया इस तरीके की चीजें मैं आपको करा दूंगा ठीक है उसके लिए अभी कराऊंगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेटा तब तक चेंज हो जाएगा तो करंट रिलेटेड चीजों के लिए मैं आपको बिल्कुल अलग से बता दूंगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूं एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है डिस कभी सुना है सुन लो डिसन डिस इन्फ्लेशन को कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं विस्फीति कहा जाता है विस्फीति विस्फीति बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन मुद्रा विस्फीति या फिर इसे अवस्फीति भी बोलते हैं अवस्फीति विस्फीति या अब वो अपिस्फिति डिफ्लेशन ये डिस इन्फ्लेशन है तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं तो बच्चों ये जो आपकी अवस्फीति है ये क्या है ये मान लो एक जीरो लेवल है जीरो यानी कि यहां महंगाई नहीं है बिल्कुल भी अब बेटा अगर इस जीरो लेवल के प्राइस ऊपर जाएंगे इस जीरो लेवल के ऊपर कीमतें बढ़ेंगी ठीक है ना मान लो यहां तक बढ़ी कीमतें तो बेटा ऊपर कीमतें जा रही हैं जीरो के तो ये क्या है महंगाई है मुद्रा है महंगाई 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 बोले तो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन अरे मेरी बात आपके समझ में आ रही है मैं ग्राफ से बता रहा हूं आपको तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे वस्तु और सेवाओं की कीमतें जीरो के ऊपर जाती हैं तो वो क्या हो जाती है इन्फ्लेशन हो जाती है अब बेटा महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या करती है देश के अंदर से पैसे को कम करती है पैसा कम होगा तो महंगाई कम होगी तो बेटा महंगाई को कम करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है डिस तो बेटा महंगाई को कम कर रही है सरकार क्या कैसे कर रही है पैसे को घटाकर ठीक है तो महंगाई को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं डिस इनफ्लेशन कहा जाता है डिस ठीक है ना भाई तो बात समझ में आ रही है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़नी कीमत बढ़नी और उन कीमत बढ़नियों के रोकने की प्रक्रिया डिसइन्फ्लेशन उल्टा अरे बात समझ में आ रही है ना तो महंगाई को नियंत्रित कैसे करेगी सरकार कैसे करेगी बेटा अगर पैसा बढ़ रहा है बेटा मनी सप्लाई पैसे के बढ़ने से ही तो महंगाई बढ़ी थी अगर मनी सप्लाई ज्यादा है मनी सप्लाई अगर ज्यादा है पैसा ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी सरकार क्या काम करेगी ये जो पैसे नाम की समस्या है ये जो मनी सप्लाई है मनी सप्लाई को क्या कर देगी सरकार मनी सप्लाई को कम कर देगी कम कर देगी डिमांड कम हो जाएगी डिमांड कम होगी तो महंगाई कम होगी तो प्यारे बच्चों महंगाई को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही बच्चों क्या कहा जाता है यानी कि इसे कहा जाता है विस्फीति या अविस्फीति। ठीक है ना भाई तो बेटा सरकार जब इंटरफेयर करके क्या करती है मनी सप्लाई को कम करती है तो विस्फीति क्या है मुद्रा स्फीति को मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है नियंत्रित करने की नियंत्रित करने की प्रक्रिया ठीक है ना महंगाई को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं यानी कि आपका डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है आगे बात करूं तो एक और बहुत खतरनाक चीज है अभी बेटा जिसे बोलते हैं रिफ्लेशन सुना है कभी रिफ्लेशन ये पेपर में पूछे जाते हैं ना फिर आप कहते हो तो गुरु जी ये तो पढ़ो ही नाथो तो बेटा एक आता है आपका रिफ्लेशन अब आप कहोगे रिफ्लेशन क्या है ये बेटा मंदी को दूर करने की समस्या है इसे बोलते हैं मुद्रा संस्फिति मुद्रा संस्फिति ये क्या चीज होती है सर जी बेटा एक बात बताओ ये जीरो लेवल है जीरो लेवल अगर जीरो के नीचे कीमतें जाने लगें यहां के नीचे यहां के नीचे कीमतें जाने लगें कीमतें नीचे की तरफ जाने लगे ऐसे ये क्या स्थिति है मंदी की स्थिति तो इसे क्या बोलेंगे आप इसे बोलेंगे जी ये है डिफ्लेशन डिफ्लेशन कीमतें नीचे गिर रही हैं लगातार जिसे क्या बोलते हैं अपिस्फिति कहते हैं अपिस्फिति ठीक है ना भाई अच्छा कीमतें नीचे कब जाती हैं कीमतें तब जाती हैं जब बेटा डिमांड कम होती है डिमांड कम होती है डिमांड कम कब होती है बेटा यानी कि डिमांड कम होती है जिससे कि मंदी आ जाती है ठीक है अब क्या होगा अब सरकार की बुद्धि घूमेगी क्योंकि देश में मंदी को भी रखना सरकार नहीं चाहती है कि देश खुशहाल रहे हल्की हल्की महंगाई बढ़े तो बेटा इस मंदी को दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी पैसे को बढ़ाएगी देश के अंदर जिसे क्या कहा जाता है जिसे रिफ्लेशन कहा जाता है रिफ्लेशन 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 के माध्यम से क्या होगा देश के अंदर सरकार मनी सप्लाई को पैसे को बढ़ाएगी पैसा बढ़ेगा क्या बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा देश में ये मंदी जो है अपस्फिति जो है ये कम होगी तो बेटा देश में मंदी यानी कि अपस्फिति को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो बेटा अपस्फिति यानी कि जो मंदी की स्थिति है लगातार जो कीमतें कम हो रही हैं, अपस्फिति को दूर करने का प्रोसीजर जो है दूर करने की प्रक्रिया अपस्फिति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो आंसर बताएं। दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो बेटा अपस्फिति को रिफ्लेशन को दूर करने की प्रक्रिया को मुद्रा संस्फिति कहा जाता है बात क्लियर बेटा बिल्कुल दो मैराथन होंगी दो मैराथन में मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला आप कैसे मैं कसम खाऊं क्या ऐसे ही भरोसा कर लो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं पूरा पढ़ा रहा हूं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं जो पेपर में आता है और बताएं और क्या और कैसे तुम्हें तो प्रूफ दू मैं ठीक है आगे बात करूं प्यारे बच्चों एक होता हैटेंट वेरी इंपोर्टेंट बहुत पूछा जाता है सी के द्वारा स्टैग फ्लेशन स्टैग फ्लेशन एक इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसे बोलते हैं मुद्रा स्फीति जनित मंदी क्या बोलते हैं बेटा मुद्रा स्फीति जनित मंदी तो ये एक कंडीशन है जी जी गुरु जी ये भी कंडीशन है भाई तो इसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, बहुत गजब स्टैगफ्लेशन तो बच्चों इसे क्या कहते हैं मुद्रा स्फीति जनित मंदी या स्फीति गतिरोध भी कहा जाता है क्या बोलते हैं इसे बच्चों स्फिति गतिरोध भी इसे कहते हैं स्फिति गतिरोध ठीक है ना तो भैया गति में रोध आ जाना अब देखो है क्या यह एक इकोनॉमिक एक कंडीशन है यह एक आर्थिक समस्या है यानी कि आर्थिक स्थिति है यह अर्थव्यवस्था की यह अर्थव्यवस्था की एक स्थिति है कंडीशन है अब कैसी कंडीशन है वो समझना है जिसमें तीन चीजें एक साथ होती हैं तीन चीजें तीन काम होंगे तब कहा जाएगा कौन से तीन काम बेटा जब महंगाई यानी कि पहला काम पहला काम महंगाई मुद्रा स्फीति महंगाई बहुत ज्यादा हो मुद्रा स्फीति उच्च हो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है दूसरा नंबर क्या हो बच्चों? बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो बेरोजगारी दर उच्च हो लोग बेरोजगार ज्यादा हो और तीसरी कंडीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास निम्न हो जीडीपी का विकास कम हो उत्पादन कम हो आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों कम हो ये तीन चीजें जब अर्थव्यवस्था में एक साथ होती हैं तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है स्टैगफ्लेशन कहते हैं मेरी बात समझ रहे हो जब बेटा इन्फ्लेशन के रेट बहुत ज्यादा हो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट हाई हो अनएम्प्लॉयमेंट अनएंप्लॉयमेंट रेट क्या हो बच्चों? हाई हो ज्यादा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो अब ये तीन चीजें जब भी एक साथ देश में होंगी तो ऐसी सिचुएशन को स्टैग कहते हैं और यही बात पेपर में आपसे बार बार पूछी जाती है अब आगे बात करूं प्यारे बच्चों आपसे जो एक चीज बचती है यहां पे कि मुद्रा स्फीति के प्रभाव क्या है महंगाई के प्रभाव महंगाई में कौन फायदे में होता है बेटा और कौन महंगाई के समय बेटा नुकसान में होता है तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति के प्रभावों को भी एक बार देखना है तो बताएंगे स्फीति के प्रभाव कौन फायदे में रहेगा कौन नुकसान में मुद्रा स्फीति के प्रभाव ठीक है अब देखो जब महंगाई बढ़ती है तो बेटा किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है अलग अलग चीजें डेटा खत्म हो गया है डेटा ला देंगे कोई दिक्कत नहीं है डेटा भी लाएंगे बेटा हम डलवाएंगे डेटा का ले रहे हैं ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब बेटा देखो ध्यान से समझना है महंगाई के समय दो वर्ग बन जाते हैं एक होता है प्रॉफिट वाला वर्ग जिन्हें महंगाई से लाभ होता है प्रॉफिट होता है एक होता है नुकसान लॉस वाला वर्ग लॉस मतलब नुकसान वाला वर्ग जिन्हें महंगाई से नुकसान होता है अब देखो मैं बता रहा हूं एक होता है डेबर डेबर बोलते हैं बेटा ऋणी के लिए डेपचर जो पैसे उधार लेता है किसी से वो हमेशा बेटा महंगाई के समय फायदे में रहता है अगर मैंने किसी से एक लाख रुपया लिया है लगातार महंगाई बढ़ रही है तो मुझे फायदा है मैं जब दूंगा उस समय पैसे की कीमत आपको पता है महंगाई बढ़ने से कम होती है तो जब मैं पैसे वापस करूंगा तब तक उनकी कीमत कम हो गई होगी ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो बेटा ऋणी किसमें रहता है फायदे में नुकसान में कौन रहता है क्रेडिटर 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 मतलब ऋणदाता कौन बेटा ऋणदाता ऋणदाता किसमें होता है बेटा ये आपका लॉस में होता है नुकसान में होता है बात क्लियर एक अगर मैं बात करूं बेटा प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर जो उत्पादक है कोई सामान बना रहा है प्रोड्यूसर उत्पादक हमेशा फायदे में होता है मान लो मैं बेटा ब्रेड बना रहा हूं तो अगर गेहूं महंगा मिलेगा तो मैं ब्रेड महंगा बेकूंगा मैं थोड़ी ना नुकसान में रहूंगा उत्पादक हमेशा फायदे में रहता है लेकिन बच्चों कंज्यूमर जो सामान खरीदता है कंज्यूमर बोलते हैं उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता हमेशा नुकसान में रहता है मेरी बात समझ रहे हैं उत्पादक फायदे में उपभोक्ता नुकसान में बात क्लियर अब बेटा आपसे अगर पेपर में पूछे कि, कि किसान कब फायदे में रहेगा यानी कि बच्चों महंगाई के समय या मंदी के समय तो बेटा महंगाई के समय किसान को फायदा होता है तो महंगाई बढ़ने से किसान यानी कि हमारे फार्मर भाई साहब फार्मर फार्मर बेटा महंगाई के समय किसान को फायदा होता है जबकि मंदी के समय किसान को नुकसान होता है याद रखना है चलो भाई सर मेरे फ्रेंड यही हैं सब बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया ऐसे ही तुम बेटा आराम से फ्रेंड फ्रेंड खेलो और पेपर में इकोनॉमिक्स तुम्हारे साथ खेल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ये खेलना विलना होता रहना चाहिए ठीक है बच्चों बात क्लियर हो रही है तो यहां पर आपने चीजों को समझा अगर मैं बात करूं ट्रेडर की व्यापारी की जो व्यापार करते हैं अगर मैं कोई चीज ट्रेड कर रहा हूं दस रुपए की खरीद रहा हूं मैं कोई भैंस ला रहा हूं बेटा पचास हजार की मैं साठ हजार की बेचूंगा मंदी की बेचूंगा तो ट्रेडर जो होते हैं बेटा व्यापारी जो होते हैं व्यापारी हमेशा फायदे में रहते हैं अगर मैं आपसे पूछू बेटा फिक्स इनकम ग्रुप जिनकी इनकम फिक्स होती है जैसे कि किसी को पेंशन मिल रही है फिक्स इनकम ग्रुप फिक्स इनकम ग्रुप निश्चित आय वर्ग जिनकी आय फिक्स रहती है जैसे कोई जॉब कर रहा है तो बेटा उसे बीस हजार रुपए मिल रहे हैं तो बेटा नि, निश्चित है उनकी आय महंगाई बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा तो बचत कम कर पाएंगे ये नुकसान में रहते हैं निश्चित आय वर्ग जैसे कि पेंशन लेने वाले सरकारी स्कूल के मास्टर हुए ठीक है ऐसा थोड़ी ना महंगाई बढ़ती सरकार बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा देती है ऐसा नहीं होता है साथ के साथ अगर आपसे पूछे कि बच्चे बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है बचत 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 पर नकारात्मक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा अलग से अच्छा एक बात बताओ महंगाई के दौरान बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे ही लिखे ले रहा हूं ये अलग से इंपोर्टेंट चीजें हैं दो दो चीजों को बताऊंगा एक तो टैक्स और एक बचत सेविंग्स देखो टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है महंगाई के दौरान टैक्स बढ़ते हैं या घटते हैं दो जल्दी से आंसर करो बढ़ते हैं या घटते हैं टैक्स सरकार टैक्स बढ़ाती है घटाती है महंगाई में और दूसरी चीज यह है कि सेविंग जो बचत है आपकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बेटा एक बात बताओ जब महंगाई बढ़ेगी तो आपका खर्चा बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा तो बचत में कमी होगी बचत कम होती है इस पर बेटा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है नेगेटिव इफेक्ट होता है नेगेटिव बात समझ में आ रहा है बचत बढ़ेगी नहीं बेटा एक कह रहे हैं सर किसान तो लॉस में होता है ऐसे देखो तो अच्छा देखो मेरी बात देखो आप देखो किसान अगर महंगाई के दौरान अपनी फसल को बेचेगा तो उसकी फसल महंगी बिकेगी सस्ती बिकेगी महंगी बिकेगी तो इसीलिए किसान महंगाई के समय फायदे में रहता है मंदी के समय नुकसान में रहता है यह बात ध्यान रखनी है और ये बात आप यहां इकोनॉमिक्स की दृष्टि से सोचिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पेपर में गलत कराओगे अब बच्चों टैक्स के विषय में बात करूं तो टैक्स को सरकार बढ़ाती है सरकार वृद्धि करती है टैक्स में क्यों करती है बेटा अच्छा महंगाई बढ़ क्यों रही है महंगाई बढ़ इसलिए रही है कि जनता पर बेटा पैसा ज्यादा है पैसा बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है अरे यही तो कारण होता है ना मोस्टली कारण क्या है पैसा मनी सप्लाई बढ़ने से महंगाई बढ़ी क्योंकि डिमांड बढ़ी तो सरकार क्या चाहेगी कि जनता का पैसा किसके पास जाए सरकार के पास जाए अगर सरकार टैक्स को बढ़ाएगी तो जनता का ज्यादा पैसा कहां जाएगा सरकार के पास अरे टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा जाएगा ना भाई शिवानी धामा कह रही है भूख लग रही है अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा भूख लग रही है तो सामने रखो खाने पीने की चीजें और आनंद लो पढ़ना तो है ही ना तो ये बात आपके समझ में आई टैक्सेस क्या करती है सरकार बेटा इंक्रीज करती है बढ़ाती है जिससे कि जनता का ज्यादा पैसा सरकार के पास पहुंचे अब एक लास्ट टॉपिक यहां पे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बस बैंकिंग डिस्कस करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट है मुद्रा स्फीति का मापन मुद्रा स्फीति का मापन तो महंगाई के मापन के लिए प्यारे बच्चों दो इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है भारत में इंडेक्स इंडेक्स बोले तो दो प्रकार के सूचकांक आपको देखने को मिलते हैं एक है प्यारे बच्चों डब्ल्यू कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है और एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स चलो भाई बहुत बढ़िया सर जी आज ज्योग्राफी की क्लास ओ भाई यार आज संडे है मेरे बच्चे कल आएगी ज्योग्राफी की क्लास ठीक है ना बच्चों क्या होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का आपका सीपीआई जिसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ठीक है ना भाई इसे देखो आरबीआई कैलकुलेट करता है इस पर महंगाई कंज्यूमर को कितनी चीजें महंगी मिल रही हैं ठीक है ना तो ये बात ध्यान रखिए 2014 में ऐसे आरबीआई ने अपनाया था तो कंज्यूमर के बेसिस पे महंगाई को मापा जाता है और यहां होलसेल के रेट पर महंगाई को मापा जाता है तो दो प्रकार के इंडेक्सेस बेटा यूज किए जाते हैं भारत में महंगाई को कंट्रोल मतलब कैलकुलेट करने के लिए बात क्लियर है बेटा आपसे पूछेगा भारत में महंगाई को किस पे मापते हैं तो आप बताओगे डब्लू पी अब तो दोनों पर ही कैलकुलेट किए जाने लगा है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्लू का पूरा नाम पूछ सकता है सीपीआई का पूरा नाम पूछ सकता है इसे कब अडॉप्ट किया गया था ये बात पूछी जा सकती है इसका आधार वर्ष आपसे बेस ईयर किस आधार पर महंगाई को मापते हैं तो इसका आधार वर्ष क्या है आधार वर्ष बेटा दो को रखा गया है ठीक है ना ध्यान रखिएगा और इसका जो आधार वर्ष है बेटा दो हजार है बारह ठीक है ना होलसेल प्राइस इंडेक्स का यह पूछी जा सकती है बातें कुछ भी पूछ सकता है याद रखना है ठीक तो है तो यह है बेटा आपका महंगाई का टॉपिक खत्म हो गया है आगे आपके एग्जाम से पहले मैं आपको जो लेटेस्ट के एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करा दूंगा तो बिल्कुल आप चिंता ना करें एक पॉइंट और नोट करना है इस चैप्टर में लास्ट जिसे बोलते हैं फिलिप्स वक्र क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों फिलिप्स वक्र फिलिप्स कर्व क्या बोलते हैं फिलिप्स कर्व सुना है कभी तो बच्चों फिलिप्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने कर्व बताया था वक्र बनाया था वक्र आपको नहीं बताना है पेपर में पूछता है कि फिलिप्स वक्र किसके बीच रिलेशन को बताता है तो यह मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन यह मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है रिलेशन को बताता है संबंध बताता है बात क्लियर है कौन बताता है फिलिप्स कर्म यह बताता है कि जब महंगाई बढ़ती है जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है मुद्रा स्फीति जानते ना महंगाई इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेटा क्या होता है बेरोजगारी कम होती है अनएम्प्लॉयमेंट अनएंप्लॉयमेंट में क्या आता है बेटा कमी आती है यानी कि बच्चों बेरोजगारी में कमी आती है बेरोजगारी क्या होती है बेटा कम होती है और जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है अब ऐसा क्यों है प्यारे बच्चों ये कैसा संबंध है बताएं मुझे एक का बढ़ना तो बेटा इसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशन यानी कि उल्टा संबंध है यह कैसा संबंध है इनके बीच में इनवर्स रिलेशन को बताता है इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं बेटा आपका उल्टा संबंध उल्टा संबंध ठीक है ना तो ये इनवर्स रिलेशन को बताता है उल्टे संबंध को बताता है चलो भाई बहुत बढ़िया हां कबूतर नहीं उड़ाए हां कबूतर भी उड़ेंगे बेटा सारी चीजें उड़ेंगी टेंशन ना लो ठीक है ना भाई बात समझ में आ रहा है तो आपसे पूछेगा फिलिप्स कर्व किन के बीच रिलेशन बताता है इन्फ्लेशन और अनएंप्लॉयमेंट के बीच ठीक है कैसा रिलेशन बताता है इनवर्स यानी कि उल्टा बताता है इस रिलेशन को नकारात्मक भी बोलते हैं क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है आगे बात करूं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैंकिंग यहां तक क्लियर है यह कर्व बहुत ही इंपोर्टेंट है हाँ बेटा तभी तो बता रहे हैं कि यह कर्व इंपोर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है बस करिए सर नहीं बेटा एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा अभी और वो चैप्टर है बैंकिंग आपका ठीक है ना भाई तो कौन सा है बैंकिंग क्योंकि अगली क्लास में फिर पूरी इकोनॉमी खत्म नहीं हो पाएगी दिक्कत ये है तो इसीलिए ये चैप्टर और थोड़ा है जिसे आप खत्म कर लो एक से डेढ़ घंटे में निपटा लेंगे चलो भाई बैंक क्या है बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है एक संस्था है और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग से बेटा प्रश्न आपका आता ही आता है ठीक है अब मुझे बताओ बैंक क्या है बेटा बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन बैंक एक क्या है बेटा संस्था है आप जानते हैं बैंक बेटा क्या करता है बैंक जो काम करता है तो बैंक के कार्य को ही क्या कहा जाता है बैंकिंग कहते हैं बैंक के कार्य को बैंक की कार्य प्रणाली को क्या कहते हैं बच्चों कार्य प्रणाली मतलब जो काम है उसका बैंक की कार्य प्रणाली को क्या कहते हैं बेटा बैंकिंग कहते हैं जो बैंक काम करता है अब आपको गुरु जी बैंक का काम क्या है बैंक का काम है बेटा आपको ऋण देना ऋण आपको पैसा चाहिए तो ऋण कौन देगा बैंक देगा और आपकी जमा जमा का मतलब आपके पास पैसा है घर में रखा हुआ है तो आपका पैसा जमा कर ले अब अगर वो आपको ऋण दे रहा है तो अगर आपको ऋण दे रहा है तो बदले में आपको क्या लेगा ब्याज लेगा आपको ब्याज देनी पड़ेगी अगर आप अपना पैसा जमा कर रहे हो बैंक के पास तो बदले में आपको क्या मिलेगी ब्याज मिलेगी सिंपल सी बात यह है तो बैंक एक ब्रोकर की तरह होता है एक दलाल की तरह होता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया दिल्ली पुलिस में कितना क्वेश्चन आएगा 500 प्रश्न आएगा बेटा यहीं से आएगा इससे ही है? एक बात बताओ दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो या फिर बेटा ऐसे ही झोला उठा के ऐसे ही चल दिए कमेंट करने अरे भाई एक बात बताओ यार दिल्ली पुलिस का पेपर एक महीने बाद है भाई साहब को यही नहीं पता कहां से क्या आता है यार ये तो लॉजिक होना चाहिए ऐसा पेपर नहीं निकलेगा बेटा हवा में तीर चलाने से पहले पता होना चाहिए कि कहां, कितने पेपर में कितने प्रश्न आते हैं और मैं छह बार तो इस क्लास में बोल चुका हूं कि इकोनॉमी के आपके चार से छह के बीच प्रश्न आते ही आते हैं लेकिन नहीं भाई साहब को चैन नहीं है बताओ अलग अलग बताओ कान में बताओ जाके चलो कोई दिक्कत नहीं अब चीजों को समझे हाँ सेंसिस भी करा देंगे आप टेंशन ना लीजिएगा तो यहां पर बात समझ में आ गई देखो बच्चों अगर मैं बात करूं बैंकिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हिस्ट्री जानते हैं ना इतिहास हिस्ट्री देखो भारत में पहले महाजन सेठ काम करते थे पैसा लेना देने का फिर भारत में बैंकिंग की मॉडर्न बैंकिंग की स्टार्ट हुई और पहला बैंक खुला था फर्स्ट बैंक इंडिया में फर्स्ट बैंक भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या नाम था बेटा बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह अंग्रेजों ने खुला था बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खुला था 1770 में कलकत्ता में कलकत्ता वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में ठीक है तो भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान पेपर में पूछा गया है याद रखिएगा ठीक है बैंक ज्यादा लंबे समय नहीं चल पाया क्योंकि यह अंग्रेजों ने खोला था अंग्रेजों पे भरोसा नहीं था भारतीयों का शुरुआती दौर में तो दिक्कत पैदा हो गई ठीक है ना फिर इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों फिर अंग्रेजों ने यह बैंक बंद हो गया तो फिर बेटा तीन प्रेसिडेंसी बैंक खोले तीन प्रेसिडेंसी बैंक ओपन किए देखो जहां गवर्नर बैठता था उस जगह को कहा जाता था प्रेसिडेंसी और सबसे पहले भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने कब्जा किया था वो किस पे किया था बंगाल पर कब्जा किया था कहां कब्जा किया था बेटा बंगाल वाले रीजन पर तो इसे कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी पहला बैंक खुला बैंक ऑफ बंगाल कहा बंगाल प्रेसिडेंसी में फिर मद्रास यानी कि फिर मुंबई बेटा तो बैंक ऑफ बॉम्बे दूसरे नंबर पर यहां कब्जा हुआ तीसरे नंबर पर मद्रास से नहीं तो बैंक ऑफ मद्रास तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए बैंक ऑफ बंगाल अठारह छह में ठीक है ना भाई तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक यहां पर अंग्रेजों ने भारत में ओपन किए जिसमें एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, फिर इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे तो 1840 में फिर इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर अठारह में ये तीनों बैंक अपना काम करते रहे अपनी अपनी मुद्राएं जारी करते थे देश के अंदर भारतीयों की जरूरतों को पूरा करते थे और पैसा छापने का, का काम बाकी सभी काम बेटा इन्हीं बैंकों का हुआ करता था फिर क्या हुआ आता है समय बेटा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला 1800 सॉरी 1914 से लेकर और 1918 तक यहां पहला युद्ध चला जब भी विश्व युद्ध चलता है दुनिया की हालत खराब हो जाती है अभी देख रहे हो ना आप वहां इसराइल फिलिस्तीन में आपस में बमबारी हो रही है रूस यूक्रेन को मार रहा है रूक्रेन यूक्रेन रूस को मार रहा है बेटा इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर जाता है ठीक है ना तो बेटा पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया की हालत खराब थी भारतीयों ने इन बैंकों से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया इन बैंकों की स्थिति बिगड़ने लगी जब भी बैंकों की स्थिति बिगड़ने लगती है तो इन बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है अंग्रेजों ने भी सेम चीज वही की कि इन तीनों बैंकों का विलय पहले विश्व युद्ध के बाद करने की नौबत आ गई और बच्चों 1921 में कब बच्चों 1921 में इन तीनों का क्या कर दिया गया विलय कर दिया गया आपस में मर्ज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या नाम रख दिया बेटा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों 1921 1921 में 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम करता रहा काम करता रहा इसके बाद भारत आजाद हुआ और एक जुलाई उन्नीस में एक जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया राष्ट्रीयकरण कर दिया गया राष्ट्रीयकरण बोले तो नेशनलाइजेशन सरकार ने इसे प्राइवेट से सरकारी बना दिया गया और इसका जो नया नाम रखा गया वो रखा गया एस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जो आप आज आप एस देखते हैं वो प्यारे बच्चों पहले उसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और ये तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के बना था बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया भैया चाइना है चाइना चाइना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो बच्चों बात क्लियर यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे इन्हें मर्ज कर करा के मामला यहां पर सेट किया गया इसके बाद में बात करूं प्यारे बच्चों एक बैंक खुला था जिसका नाम है अवध इलाहाबाद बैंक ठीक है ना तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी आपकी ठीक है ना वो एक चलो पहले अवध कॉमर्शियल बैंक लिख लो वो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो इलाहाबाद बैंक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि वो मामला खत्म हो गया है तो बच्चों ध्यान रखिएगा अवध कॉमर्शियल बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक तो अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई मुझे एक बार कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा अवध कॉमर्शियल बैंक खुला था अठारह में इसके बारे में खास बात क्या है इसका मैनेजमेंट किसने संभाला खुला था फैजाबाद यूपी के अंदर फैजाबाद यूपी के अंदर ओपन किया गया था ठीक है ना भाई इसका जो पूरा मामला था वो किसने संभाला भारतीयों ने तो भारतीयों के प्रबंधन में संचालित यानी कि बच्चों फर्स्ट बैंक मैनेज बाई इंडियंस ऐसा कौन सा पहला बैंक था जिसे इंडियंस ने मैनेज किया फर्स्ट बैंक मैनेज बाई इंडियंस ठीक है ना ऐसा पहला बैंक जिसे इंडियंस ने मैनेज किया वो कौन सा है बेटा अवध कमर्शियल बैंक ठीक तो है भाई बात क्लियर हो रहा है तो इसका मैनेजमेंट भारतीयों ने संभाला था जो आपका अवध कॉमर्शियल बैंक है इसके बाद मैं बात करूं एक बैंक है बेटा जिसका नाम है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक क्या खास बात है कब स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी अट्ठारह में अठारह में जैसे आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से दयाल सिंह और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे दयाल सिंह दयाल सिंह तथा लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय तो दयाल सिंह और लाला लाजपत राय द्वारा इसे स्थापित किया गया ठीक है ना और स्टार्टिंग इस में इसे कहा खोला गया था प्यारे बच्चों तो इसका मुख्यालय लाहौर में था वर्तमान में पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां है तो बच्चों दिल्ली के अंदर है पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय और ध्यान रखिएगा जाता है इसे ठीक है ना पीएनबी वाज द फर्स्ट बैंक टू बी फुल्ली मैनेज बाई इंडियंस तो बच्चे फर्स्ट इंडियन बैंक किसे कहा जाता है फर्स्ट इंडियन बैंक पहला भारतीय बैंक किसे कहा जाता है क्योंकि इसे कंप्लीट मैनेज करने वाले भारतीय थे पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक को कहा जाता है लेकिन पहला बैंक जिसे भारतीयों ने मैनेज किया वो कौन सा था अवध कॉमर्शियल बैंक ठीक है लेकिन प्यारे बच्चों बात एक और आती है एक बैंक खुला था 1911 में जिसका नाम है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो इसकी स्थापना 1911 में हुई और इसमें सब कुछ भारतीयों का था ठीक है ना और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम अगर कोई मुझे बता दे तो मैं मानूंगा कि भैया वो बड़ा इंटेलिजेंट बालक है ठीक है जिसके पहले अध्यक्ष बने थे फ्रोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता का नाम आपने सुना हो फिरोज शाह मेहता लेकिन बच्चों संस्थापक नहीं है फिरोज शाह मेहता इसके पहले अध्यक्ष थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ठीक है ना भाई चलो बहुत बढ़िया सीईओ फिरोज शाह मेहता चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत गजब तो बेटा नाम क्या है उनका उनका नाम था सोराबजी पोच खाना वाला इसके संस्थापक क्या नाम है शोराबजी पोच खाना वाला पोच खाना वाला पोच खाना वाला भैया देखो इसमें पैसा भी इंडियंस का स्थापना भी इंडियंस अध्यक्ष भी इंडियन मैनेज भी इंडियन कर रहे हैं तो इसे पहला स्वदेशी बैंक कहा जाता है प्रथम पूर्ण स्वदेशी बैंक किसे कहा जाता है तो पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा था बच्चों आंसर क्या आएगा आपका तो आंसर आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बात क्लियर है बहुत इंपॉर्टेंट बात है पेपर में पूछा गया है क्या पोच करने वाला ओ भैया नाम है इनका जी पोच खाने वाला ऐसा पोचा लगाने वाला नहीं है तो चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लिया करो हाँ बहुत बढ़िया कह रहे हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता दीजिए दादाजी हमने स्टार्टिंग में बताया था आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में बता देंगे ठीक है ओके दादाजी ये पोछा लगाने वाले नहीं है पहली बात ये पोच खाना वाला नाम है उनका चलो बहुत बढ़िया अब देखो बात करते हैं प्यारे बच्चों बात आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आर नाम तो सुने ही हो गए को बोलते हैं बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का पापा है यानी कि इसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है सेंट्रल बैंक को आप हिंदी में भारत का केंद्रीय बैंक कह सकते हैं भारत का केंद्रीय बैंक बैंकों का पापा भारत का केंद्रीय बैंक बिटा आप इसे बोल सकते हैं किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को यानी कि बैंकों पर लगाम कसले के लिए आरबीआई को स्थापित किया गया आरबीआई की स्थापना जो हुई थी बच्चों सजेशन पर हुई थी सलाह पर हुई थी किसकी सलाह पर एक समिति बनी थी 1926 में जिसे बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन क्या बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर सलाह पर इस हिल्टन यंग कमीशन को कई बार रॉयल कमीशन भी कहा जाता है तो भूलना नहीं है क्या बोलते हैं बिड्डा रॉयल कमीशन भी कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बच्चों आरबीआई एक्ट आया था आरबीआई एक्ट आरबीआई का अपना कानून बनाया गया 1934 में तो आरबीआई एक्ट कब आया था पेपर में पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा 1934 में ठीक है ना सर एक्सिम बैंक तो बता दो क्या छोड़ दिया बेटा एक्सिम बैंक बताऊंगा एक्सिम एक स्पेशल बैंक है अभी मैं स्पेशल बैंक थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं आपको यह बैंक मैंने खत्म कर दिए लेकिन नहीं शांति थोड़ी ना है शांति करो थोड़ा सा प्रशांत जी एक्सिम बैंक भी बताएंगे मेरे दोस्त ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बताएंगे यार एक एक चीज बताएंगे थोड़ा पेशेंस एक क्रम होता है पढ़ने का ठीक है ना भाई आरबीआई उन्नीस के आधार पर के तहत लिख लो के तहत आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों बताएंगे एक अप्रैल 1935 में एक अप्रैल 1935 में हुई थी एक अप्रैल 1935 में हुई ठीक है यह बात क्लियर बेटा जब यह स्थापित हुआ तो पांच करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुआ था पांच करोड़ रुपए लगाए थे और प्राइवेट बैंक था पांच करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ पूंजी के साथ पैसे के साथ ठीक है ना और ये कैसा बैंक था ये एक पहले प्राइवेट बैंक था प्राइवेट बैंक स्टार्टिंग में आरबीआई क्या था प्राइवेट बैंक था याद रखना है जब आरबीआई की स्थापना हुई तो बेटा इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1935 से लेके और 1937 तक दो साल तक बेटा कहां रहा कोलकाता में रहा कोलकाता कलकत्ता में दो साल तक हेडक्वार्टर रहा 1937 के बाद 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहां लाया गया मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया तो अभी प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है मुंबई में दो साल तक कहां रहा है कोलकाता में बात क्लियर है तो याद रखना है 1937 में इसे ट्रांसफर करके मुंबई लाया गया था चलो बहुत सारी चीजें मैं कह रहा हूं कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड वही चीजें बताऊंगा जो पेपर में आती हैं ठीक है चीके? चलो भाई बहुत बढ़िया अब बेटा क्या होता है देखो सरकार भारत आजाद हो गया उन्नीस में भारत सरकार चाहती थी कि देश का विकास हो देश का विकास कौन करेंगे बैंक करेंगे क्योंकि वो गांव गांव गाँग तक जाए गांव के जाते नहीं थे बैंक सुनते नहीं थे क्योंकि आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक था तो बैंक ने सबसे पहले मतलब सरकार ने सबसे पहले बेटा आर आरबीआई की गुद्दी पकड़ी गुद्दी का मतलब गर्दन क्योंकि भाई सबसे पहले तू हमारे कब्जे में आ जा और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो आपसे पेपर में पूछा जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ नेशनलाइजेशन कब हुआ तो बताएंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था बेटा एक जनवरी उन्नीस में एक जनवरी उन्नीस में ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो बेटा जो पहले आरबीआई प्राइवेट था अब वो सरकारी हो गया है सरकार ने इसे कूट दिया ठीक से अब तो हमारी बात मानेगा भाई अपनी अपनी नहीं चलाएगा ठीक है ना भाई तो जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ राष्ट्रीयकरण के बाद जो है पहले प्राइवेट था फिर ये क्या हो गया सरकारी हो गया जिस चीज का भी राष्ट्रीयकरण हो जाता है बेटा वो क्या हो जाती है सरकारी हो जाती है अगर आपका राष्ट्रीयकरण कर दे सरकार तो आप भी सरकारी ठीक है ना भाई बात क्लियर हो रही है अब अगर मैं बात करूं बच्चों फिर क्या हुआ फिर बेटा सरकार एक एक्ट एक लेके आई जिसे बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट तो पेपर में पूछा जाता है इसका पहले नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट वैसे आपसे पूछेगा तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट ही देता है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट बैंकिंग विनिमय अधिमन क्या बोलते हैं हिंदी में बैंकिंग बैंकिंग विनियमन अधिनियम यानी कि बैंकों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कानून और पास किया और यह भी उन्नीस में आया था और पेपर में पूछता है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा उन्नीस में ही बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था नाबार्ड क्या है नाबार्ड बेटा हमारा पड़ोसी है अभी पढ़ाएंगे बेटा नाबार्ड जब अभी आरबीआई के बारे में ही पूछ लो जो पढ़ा रहा हूं नहीं हमें तो थोड़ा आगे पहुंचना है अरे भैया आगे चले जाना ना चलो भाई बात क्लियर हो रहा है हाँ सात बजे तक खत्म नहीं सात तक तो नहीं होगी भाई बताओ जल्दी से एक बार आगे बात करूं प्यारे बच्चों आरबीआई का एक होता है बच्चों जिसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई का निदेशक मंडल आरबीआई को जितना भी कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई का निदेशक मंडल करता है कौन करता है बच्चों आरबीआई का निदेशक मंडल अब पेपर में क्या पूछा जाता है आरबीआई का निदेशक मंडल में कितने लोग शामिल होते हैं इक्कीस सदस्य होते हैं अब आपसे पूछेगा आरबीआई के निदेशक मंडल में जो 21 लोग होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है तो बेटा इनका जो कार्यकाल होता है बेसिकली वो चार वर्ष का होता है निदेशक मंडल का चार वर्ष ठीक है तो ये पेपर में पूछे गए प्रश्न है जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सदस्य कितने होते हैं इक्कीस सदस्य इसमें एक कौन होता है एक होता है आरबीआई का गवर्नर आरबीआई गवर्नर अगर मैं बात करूं बेटा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे जल्दी से बताएंगे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे पहले फर्स्ट सर ऑसबोन स्मिथ सर ऑसबोन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे ठीक है आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन थे तो सर जेम्स टेलर सेकंड नंबर पे, सर जेम्स टेलर ठीक है ना भाई आगे बात करूं तो नेक्स्ट तीसरे नंबर पे कौन थे तो तीसरे नंबर के थे सी डी देशमुख सी डी देशमुख सी डी देशमुख बेटा पहले भारतीय गवर्नर भी है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर भारतीय गवर्नर तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे हैं सी डी देशमुख साहब और बच्चों आरबीआई के पच्चीसवे नंबर के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं पच्चीसवे नंबर के हैं वर्तमान गवर्नर नाम क्या है शक्ति कांता दास शक्ति कांता दास प्रेजेंट में आरबीआई के बेटा क्या है गवर्नर है समझ में आ रही है बहुत बढ़िया पहले इंडियन गवर्नर कौन थे सीडी देशमुख भाई साहब ये रितेश देशमुख के चक्चा हैं और बेटा पहले कौन थे ऑस्बॉन स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है आगे बात करूं पहले बच्चों यहां आपसे तो एक तो होता है निदेशक मंडल में आरबीआई का गवर्नर बाकी बच्चों चार क्या होते हैं डिप्टी गवर्नर उप गवर्नर जिन्हें बोलते हैं चार कौन होते हैं डिप्टी गवर्नर चार कौन होते हैं डिप्टी गवर्नर चार होते हैं बेटा डिप्टी गवर्नर जिन्हें उप गवर्नर भी कहा जाता है जिन्हें क्या बोलते हैं उप गवर्नर डिप्टी गवर्नर को हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक कह रहे हैं चौबीसवें गवर्नर कौन थे 24वें तो हमारे बालक ही बता देंगे जल्दी से बताओ बेटा 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे भारत के मतलब आरबीआई के अब चार गवर्नर कौन कौन है आप चार डिप्टी गवर्नर का नाम बताओगे अभी प्रेजेंट में कौन है एक है बेटा टी रविशंकर टी रविशंकर पूछ लेता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको टी रविशंकर एक दूसरे हैं प्यारे बच्चों जिनका नाम है डॉक्टर एम जी पात्रा डॉक्टर एम जी पात्रा एक आरबीआई के तीसरे जो हैं प्यारे बच्चो इनका नाम है एम राजेश्वर एम राजेश्वर राव और चौथे जो अभी चेंज हुए हैं जिनका नाम है श्वामी नाथन, श्री स्वामीनाथन श्री स्वामीनाथन जे ये चार बेटा डिप्टी गवर्नर हैं तो अगर मैं बात करूं हाँ उर्जित पटेल होंगे हाँ उर्जित आर पटेल अब देखो इधर देखो उर्जित पटेल उर्जित पटेल कर रहे हैं उर्जित पटेल दो दो आंसर आ रहे हैं हा बिल्कुल अब देखो मेरी बात समझो इन 21 लोगों में से एक आरबीआई गवर्नर हो गया चार डिप्टी गवर्नर हो गए और, और भी लोग होते हैं जैसे कि मैं बात करूं आपसे चार होते हैं प्यारे बच्चों आपके गवर्नमेंट सरकार द्वारा नामित नदस्य दस दस सरकार नामित करती है हालांकि ने लिखना मत आप कोई काम की चीज नहीं है आपके और प्यारे बच्चों चार जो लोकल बोर्ड होते हैं आरबीआई के स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं स्थानीय बोर्ड की तरफ से डायरेक्टर आते हैं और दो प्यारे बच्चों फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो आप पांच में दस जोड़ोगे पंद्रह और चार उन्नीस और दो इक्कीस टोटल मिला के इक्कीस हो जाते हैं लेकिन इनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये दस लोगों को सरकार नॉमिनेट करती है चार स्थानीय बोर्ड से होते हैं और दो फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय की तरफ से आते हैं बात क्लियर ये सिंपल सिंपल सी ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां से आगे आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंटिंग ईयर क्या है जल्दी से बताएं अकाउंटिंग ईयर पहले अलग थी पहले थी बच्चों जुलाई से जून एक जुलाई से तीस जून लेकिन अब बदल दी है तो जो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है एक अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वही आर की क्या है बेटा अभी प्रेजेंट में अकाउंटिंग ईयर है लेखा वर्ष है इसमें आर अपना हिसाब किताब लगाता है प्रेजेंट में आर का सिंबल भी पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह क्या है तो आर का सिंबल क्या है कौन सा जानवर है क्या है आर का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा प्रतीक चिन्ह तो बच्चों आरबीआई का प्रतीक चिन्ह में एक तो आपका ताड़ का पेड़ पाल्म ट्री ताड का पेड़ ताड़ का पेड़ और साथ में सामने क्या है रॉयल बंगाल टाइगर ठीक है ना भाई ताड़ के पेड़ के साथ में बंगाल टाइगर यानी कि भैया बाघ है बाघ और पाल्म ट्री ये इसके प्रतीक पे है चलो भाई बात क्लियर यहां तक भी इतनी बात क्लियर है इतनी बच्चे कोई भी डाउट हो आपको यहां तक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में प्रश्न यहां से बनता है बार बार बनता है दिल्ली पुलिस में पचपन आ रहा है हो जाएगा मेरा हां बेटा मैं कसम खाता हूं अभी धरिच अरे मेहनत कर ले पचपन पे ना होने का है भाई समय है अभी बेटा जो मैराथन क्लास मैं आपके लिए चलवा रहा हूं ना जीएस बूस्टर की जीएस अकेली दिल्ली पुलिस में कितने नंबर की आती है पचास नंबर पचास क्वेश्चन अगर आप इन मैराथन को भी कर लेते हो तो जीएस में बहुत फायदा मिलने वाला है सिंपल सी बात यह है बाकी दिन रात एक कर दो अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा अब बात करता हूं बच्चों आपसे नेक्स्ट टॉपिक की और वो होगा फंक्शंस ऑफ आरबीआई ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंक्शन है एक बेटा हमारे घर में भी फंक्शन होते हैं जैसे मुंडन का फंक्शन का फंक्शन दादाजी की है? बिल्कुल बहुत बढ़िया स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1955 में तो बेटा अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं और वही फंक्शन हमें घर वाले नहीं पढ़ने आरबीआई के कुछ काम है जिसे कार्य कहते हैं बेटा कार्य आरबीआई के काम आरबीआई काम भी करता है हाँ बेटा कई सारे काम है आरबीआई के ठीक है ना तो यहां लिख लो आरबीआई के कार्य ठीक है तो थोड़ा सा देखेंगे एक बार मैं आपको दिखा दूं पहले थोड़ा सा फिर एक बार थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से काम आरबीआई करता है चलो भाई इधर देख ले इधर इच फंक्शन ऑफ आरबीआई आरबीआई का ये प्रतीक चिन्ह भी यहां आपको दिख रहा होगा हम्म जिब बात तो बेटा इधर देखोगे ये आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या करता है मैनेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेटा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना मैनेज करना ये काम है बैंकर टू द गवर्नमेंट सरकार के बैंक के रूप में काम करना ठीक है ना जो इंपोर्टेंट है ठीक है ना डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी जो जा, जाली नोट चल रहे हैं ना उन्हें डिटेक्ट करने का काम रेगुलेट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हमारे वित्तीय सिस्टम को रेगुलेट करना मॉनिटरी अथॉरिटी मौद्रिक नीति बनाना इशूइंग ऑफ करेंसी इशूअर ऑफ करेंसी पेपर करेंसी जारी करना रेगुलेट्स एंड पेमेंट ऑफ सेटलमेंट यानी कि बच्चे पेमेंट्स को सेटल करना और रेगुलेट करना ठीक है डेवलपमेंट फंक्शंस करना ठीक है देश में विकास के कार्य बैंकों का बैंक बैंकों का पप्पा ये सभी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं लेकिन मैं इसमें से जो आपको बताऊंगा वो आपके काम के बहुत कम चीजें हैं, ठीक है ना चलो भाई बहुत बढ़िया खाता खुलवा सकते हैं बेटा तुम्हारा खाता मैं खोलूंगा मेरे पास बैंक है बहुत तगड़ा आप मुझे बताओ पैसे कितने कितने हैं आई एम न्यू स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है देखो सभी के समझ में आएंगी चीजें इसमें कोई दिक्कत नहीं हमने दिखा दिया है लेकिन आपको जो काम सुनने हैं वो मैं बताऊंगा इधर ठीक है ना भाई देखो आरबीआई का काम क्या है? एक बेटा नोटों को जारी करना मुद्रा जारी करना यानी कि नोट जारी करना नोट जारी करना क्या करना बेटा नर नोट जारी करना नोट जारी करना किसका काम आरबीआई का काम, का काम. करेंसी जारी करना अब बच्चों देखो ध्यान से समझना है अब पेपर में पूछता है देखो एक रुपए का नोट जो एक रुपए का जो नोट होता है एक रुपए का नोट एक रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं हस्ताक्षर किसके होते हैं पेपर में पूछा जाता है हस्ताक्षर एक रुपए के नोट पर सिग्नेचर कौन करता है तो बेटा वित्त सचिव करता है फाइनेंस था सेक्रेटरी वित्त सचिव वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और एक रुपए से बड़े जो नोट होते हैं रुपए से बड़े जितने भी नोट होते हैं जितने भी बड़े नोट होंगे उन पर हस्ताक्षर कौन करता है उन पर हस्ताक्षर करने का काम है आरबीआई गवर्नर गवर्नर का, गवर्नर का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बात क्लियर हो रही है तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को ठीक है ना भाई बात क्लियर हो रही है बेटा अब बेटा आरबीआई जो हमारे देश में पैसा वैसा जारी करता है उसके लिए बच्चों मिनिमम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली तो बेटा आरबीआई नोट जारी करने के लिए क्या अपनाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है यानी कि अपने पास कुछ पैसा रिजर्व करके रखता है और वो कितना पैसा होता है मिनिमम 200 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व रखेगा इस 200 करोड़ में से प्यारे बच्चों 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है गोल्ड मतलब बेटा सोना और बच्चों पिचासी करोड़ रुपए का क्या होता है पिचासी करोड़ की फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा होती है क्या होती है विदेशी मुद्रा और ये बात ध्यान रखनी है आपको बहुत काम की है पेपर में पूछी जाती है तो आरबीआई बेटा क्या करता है मुद्रा नोट जारी करता है तो इसे बोल सकते हो आप इशूइंग इशूइंग ऑफ करेंसी करेंसी इशू करना किसका काम है आरबीआई का तो यहां तक बात क्लियर है सभी बच्चों की तो बेटा 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी रखेगा अपने पास वो लिखता है ना आरबीआई के मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं अदाकार है आरबीआई यानी कि बेटा आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो ठीक है चलो बच्चों बात क्लियर हो गई तो पहला काम तो हो गया ये वाला कि भैया वो नोट जारी कर रहा है ठीक है यहां तक क्लियर है किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बता सकते हैं अब अगर मैं बात करूं यहां सर जी युगांडा की करेंसी कौन सी है बेटा युगांडा करेंसी हमें ध्यान नहीं है अभी ध्यान आएगी हम बताएंगे जरूर ठीक है यहां तक क्लियर बेटा किसी का कोई दिक्कत रोज बेटा ये मैराथन क्लास है सैटरडे संडे चलती है आपकी दूसरा क्या है बच्चों आरबीआई बैंकों का बैंक भी है दूसरा काम बैंकर्स बैंक कहा जाता है बैंकर्स बैंक यानी कि आरबीआई को क्या बोलते हैं बैंकों का बैंक यानी कि बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं गुरु जी क्योंकि बैंकों को जो बच्चे जरूरत पड़ती है ना पैसे वैसे की वो अपना अपना हिसाब किताब किसके साथ यानी कि बैंकों का खाता आरबीआई के पास होता है सिंपल सी बात यह है तो बैंकों का खाता अगर आरबीआई के पास है तो जरूरत पड़ने पे पैसे देना बैंकों को लाइसेंस अलॉट करना और बैंकों को सीआरआर एसएलआर वगैरह मेंटेन करने को कहना तो बच्चों इन सभी चीजों को ध्यान रखना है ठीक है चलो बहुत बढ़िया तीसरा काम कौन सा है आरबीआई का बैंकर्स टू द गवर्नमेंट बैंकर टू द बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी कि बेटा ये सरकार का भी बैंक है सरकार के बैंक के रूप में काम करता है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना कार्य करना ठीक है ना भाई सरकार के बैंक भैया सरकार को पैसा चाहिए या फिर सरकार को कहीं और से पैसा चाहिए तो पैसा लेने अब वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए तो सरकार थोड़ी ना जाएगी आरबीआई जाएगा तो आरबीआई एक प्रतिनिधि के तौर पे जाता है ठीक है ना बच्चों बात क्लियर है आगे बात करूं तो ये सरकार का बैंक है बैंकों का बैंक है करेंसी जारी करता है तीसरा चौथा काम कौन सा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन विदेशी मुद्रा बेटा व्यापार करने के लिए क्या चाहिए विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा का प्रबंधक प्रबंधन करना मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेटा विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा कौन करता है यही करता है आरबीआई अगर बेटा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा व्यापार नहीं हो पाएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण करना उसे कितना पैसा बचा है क्या बचा है क्या एक्सेंस रेट है, सारी कौन देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना भाई बहुत बढ़िया एक कह रहे हैं आपकी क्लास ऐप पर क्यों नहीं है बताओ हमें जवाब दो इस बात का अरे भाई साहब हम तुम्हें फ्री पढ़ा रहे हैं हम तुमसे कुछ नहीं ले रहे हम पीडीएफ भी दे रहे हैं भाई साहब आप हमें समय तो दे सकते हो है? भाई साहब हमारी गलती है हमें क्षमा कर दो हमसे गलती हो गई गुरु जी गुरु जी बस करो गुरु जी हम सच्ची में है? गुरु जी गुरु जी थोड़ा सा पेशेंस गुरु जी हम ये काम करवा देंगे पक्का करवा देंगे प्रॉमिस प्रॉमिस ठीक है ना चलो भाई बहुत बढ़िया और आप जानते हैं एक बेटा एक एक्ट है जो विदेशी विनिमय से संबंधित है फेरा पहले आया था फेरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ठीक है ना फेरा तो फेरा कब आया था फेरा एक्ट पहले तो फेरा आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1973 में उन्नीस में ये विदेशी विनिमय से जुड़ा हुआ कि कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं कानून है तो फेरा कब आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फिर इसे खत्म कर दिया गया फेरा को फेरा के स्थान पे लाया गया फेमा फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट ये कब आया था 1999 में उन्नीस सौ निन्यानवे तो फेरा के स्थान पे अब फेमा काम करता है ठीक है ना तो फेमा कब आया था उन्नीस सौ में बात क्लियर है बेटा अब आगे बात करूं प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका विदेशी विनिमय की पता चल गई साथ के साथ ये क्या करता है ये साख का नियंत्रण भी करता है ठीक है ना भाई क्या करता है बेटा साख का नियंत्रण साख का नियंत्रण करना किसका काम है साख का नियंत्रण समझो एक तरीके से पैसे से कि देश में कितना पैसा होना चाहिए कंट्रोल करता है साख का नियंत्रण तो कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रेडिट को कंट्रोल करना साख को नियंत्रित करना यह भी इसी का ठीक है ना भाई बात क्लियर है जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारे काम है एक काम और इंपॉर्टेंट है इसका नंबर छह मौद्रिक नीति बनाना फॉर्मुलेट मॉनिटरी पॉलिसी ये काम आपको याद रखने हैं यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं मौद्रिक नीति बनाना फॉर्मुलेट मॉनिटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको ठीक है ना तो यहां तक बात समझ में आई है देखो भाई पहला काम क्या है करंसी नोट जारी करना इशूइंग ऑफ करंसी दूसरा काम क्या है बैंकों का बैंक है तीसरा काम सरकार का बैंक है चौथा काम विदेशी मुद्रा को आ, मतलब रेगुलेट करता है पांचवा काम साख का नियंत्रण पैसे को कंट्रोल करता है छठा काम मौद्रिक नीति बनाना जिससे कि महंगाई कंट्रोल हो ठीक है ना भाई तो महंगाई यानी कि मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के लिए मुद्रा स्फीति महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई के नियंत्रण के लिए क्या बनाता है मौद्रिक नीति और बेटा एक चीज यहां नोट कर लो कि बेटा जनता का यह पैसा जमा नहीं करता है जनता का जनता का खाता इसमें नहीं होता जनता का खाता नहीं होता है कहां नहीं होता है आरबीआई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई में जनता का कोई खाता बेटा नहीं होता आप कितने भी पैसे वाले आप अंबानी क्यों ना है लेकिन आपका कोई खाता बेटा इसमें नहीं होगा याद रखना है चलो बहुत क्लियर बहुत क्लियर मामला चलो अब देखो बात करते हैं बेटा मौद्रिक नीति की इसमें बैंकों के खाते होते हैं सरकार के खाते होते हैं मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति इज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है ध्यान रखिएगा पूछा जाता है बार बार पेपर में तो पहले मौद्रिक नीति की ही कमर तोड़ लेते हैं मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति अच्छा मौद्रिक नीति बनाता कौन है कौन बनाता है अभी पीछे बताया है मौद्रिक नीति कौन बनात है आरबीआई बनात है आरबीआई के अंदर भी एक कमेटी होती है मौद्रिक नीति समिति जिसे बोलते हैं कौन होती है मौद्रिक नीति समिति मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी जिसे एमपीसी कहा जाता है MPC के अंदर छह हैं, जिसमें से तीन होते हैं आरबीआई की तरफ से और बेटा तीन होते हैं सरकार की तरफ से केंद्र सरकार भेजती है तीन लोगों को MPC का अध्यक्ष कौन होता है पेपर में पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई गवर्नर कौन होता है बेटा आरबीआई गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हाथ क्लियर बहुत बढ़िया बैंक रेट बैंक रेट बैंक रेट, रेट बेटा बैंक रेट से आगे भी बताओ कुछ अभी बैंक रेट ही बताओ कैसा काम चलेगा ठीक है अब मौद्रिक नीति बनाता आरबीआई है तो क्यों बनाता है क्यों गया है आरबीआई नहीं बेटा देश में वित्तीय मूल्य स्थिरता प्राइस स्टेबल रहे मूल्य स्थिरता के लिए बेटा प्राइस स्टेबल रहे महंगाई कंट्रोल में रहे मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करना महंगाई को कंट्रोल मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रहे महंगाई कंट्रोल में रहे कंट्रोल के बाहर ना जाए थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे प्यारे बच्चों साथ के साथ देश का आर्थिक विकास हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो आर्थिक विकास देश हमारा विकास करे ये उद्देश्य होते हैं मोटिव होते हैं मौद्रिक नीति बनाने के कि देश में प्राइस स्टेबल रहे ज्यादा ना बढ़े प्राइस गड़बड़ हो जाएगी ज्यादा कम भी ना जाए ठीक है बात क्लियर हो रही है पढ़ाई करने का जादुई तरीका बता दो बहुत बढ़िया बेटा पढ़ाई करने का जादुई तरीका तो यही है कि कर पढ़ाई करो ही मत इससे कई सारे फायदे होते हैं आदमी के दिमाग में टेंशन नहीं रहती आप पेपर देने जाओगे जब भी टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो तो टेंशन किस चीज की जादुई तरीका यही है जो पढ़ता है टेंशन उसे ही होती है अच्छा पेपर खराब होगा टेंशन कैसे होगी जो पढ़ के जा रहा है कि क्या पता क्या आ जाए तो ना पढ़ के गया उसे कहेगी टेंशन प्रशांत कह रहे हैं मुझे ऑफलाइन पढ़ना है आपसे प्लीज मेरे बच्चे मैं ऑफलाइन वैसे पढ़ाता तो नहीं हूं लेकिन तुम कह रहे हो तो आ जाओ पढ़ेंगे ऑफलाइन पढ़ेंगे आ जाओ आ जाओ दोनों भैया भैया पढ़ेंगे सर जी टेंशन बहुत ज्यादा है हाँ बेटा टेंशन की तो बात है जीडी का टेस्ट बेटा अगले आने वाले सैटरडे में जीडी का टेस्ट मिल जाएगा आपको आप निश्चिंत रहें पूरा प्रोग्राम सेट हो गया है सुन भी लो अब हां बेटा सुन ली गुड़िया बिल्कुल सुन ली अनामिका मिश्रा आज क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया देखो क्या बात है बहुत ही खतरनाक आदमी है आप में से कुछ तो पीडीएफ हाँ, कहां मिलेगा देखो अब तक दस बार तो बता चुका हूं मैं मुझे लगता है कि पढ़ाने से ज्यादा आपके क्वेश्चन का आंसर ज्यादा होना चाहिए एक बच्चा कह रहा है पानी चाय की तरह पी रहे हो बताओ ये भी एक टेंशन की बात है अरे बेटा वो गर्म पानी है गला खराब हो रहा है इसलिए ऐसा है चलो बहुत बढ़िया ऐसे ही बीच बीच में आनंद लेते रहा करो अब बेटा महंगाई को कंट्रोल करना है आप जानते हैं महंगाई कब कंट्रोल होगी जब बेटा पैसा कंट्रोल होगा पैसा बोले तो क्यों पैसा पैसा करती है मनी सप्लाई पर टारगेट करना है यदि मनी सप्लाई को घिसका दें कम कर दें तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि महंगाई का कारण ही पैसा है अरे मैंने आपको बताया था या नहीं जल्दी से बताएं चलो बेटा अब देखो यहां ध्यान से समझना है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के कुछ टूल्स हैं टूल्स जानते हैं ना हथियार हैं बेटा हथियार हथियारों के थ्रू करता है आरबीआई महंगाई पर नियंत्रण कुछ टूल्स यानी कि उपकरणों के माध्यम से करता है ठीक है पहला टूल जो होता है बेटा आरबीआई का वो होता है बैंक रेट नंबर एक मैं आपको समझाऊंगा आप समझोगे बैंक रेट बैंक रेट को बैंक दर कहते हैं अंग्रेजी में ध्यान रखना है हिंदी में नहीं पूछा जाता है ठीक है ना भाई बात समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब देखो चीजों को समझने का प्रयास करें आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी चलो भाई मुद्रा स्थिति कम होगी देखो भाई कितने तगड़े बालक है हमारे बहुत बढ़िया हाँ बच्चों इधर देख लो अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों बैंक रेट बैंक रेट एक ब्याज की दर है रेट का मतलब होता है दर मतलब ब्याज बेटा और अभी बैंक रेट कितना चल रहा है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट अच्छा बैंक रेट कैसी ब्याज की दर है तो बेटा बैंक रेट ऐसी ब्याज की दर है जिस पर आरबीआई पैसा देता है किसे देता है कॉमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक जिनमें हमारे खाते होते हैं उन्हें और ये कॉमर्शियल बैंक किसे पैसा देते हैं ये देते हैं कल्लू भाई को ये कल्लू भाई कस्टमर हैं हमारे पड़ोसी हैं इसलिए हमें इनका नाम लेना अच्छा लगता है पड़ोसियों के ऊपर बात करेंगे ठीक है बच्चों तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर जिस दर पर दर किसकी ब्याज की दर बेटा जिस दर पर कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म मतलब बेटा लंबे समय के लिए उसे ही क्या बोलते हैं उसे बेटा बैंक रेट कहते हैं पेपर में क्या पूछेगा आरबीआई जिस दर पर लंबे समय को वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं बैंक रेट कहते हैं इतनी बात ध्यान रखनी है ठीक है जी भाई अब एक बात बताओ यदि आरबीआई इस ब्याज को बढ़ाएगा तो इन्हें महंगा पैसा मिलेगा अच्छा कॉमर्शियल बैंक किसे पैसा देते हैं जनता को पैसा देते हैं अब बेटा कालू भाई को पैसा अगर यहां अगर यह चल रहा है 7.675% uh, तो यहां ये यह आगे 12 परसेंट पर देगा कम से कम इसे भी तो प्रॉफिट चाहिए ना बीच में अगर आरबीआई बेटा बैंक रेट को बढ़ा दे तो कॉमर्शियल बैंकों को महंगी ब्याज पे पैसा मिलेगा जनता आगे लेना पसंद नहीं करेगी कालो भाई कहेंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो हम नहीं लेते आपसे तो कैसे महंगाई कंट्रोल होगी यदि बेटा बैंक रेट बढ़ता है यदि बेटा बैंक रेट क्या होता है बैंक रेट बेटा अगर बढ़ती है बढ़ती आरबीआई बढ़ाता है तो क्या होगा यानी कि इससे प्यारे बच्चों लोन क्या होंगे महंगे हो जाएंगे ठीक है ना लोन ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलेंगे तो बेटा लोन क्या होंगे सीधी सी बात लोन महंगा होगा लोन महंगा होगा कालू भाई क्या कहेंगे बैंक से हम नहीं ले रहे भाई तुम्हारा पैसा लोन महंगे होंगे कालू भाई मना कर देंगे अपना पैसा अपने पास रखो इससे क्या होगी मनी सप्लाई क्या होगी बेटा कम होगी मनी सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब देश में महंगाई कम होगी सिंपल सी बात होगी या नहीं चलो भाई बहुत बढ़िया अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे अगर बैंक रेट को आरबीआई क्या कर दे कम कर दे कम कर दिया फिर क्या होगा भैया ये ब्याज की दर घटा दी तो इसका मतलब इसे सस्ता लोन मिल रहा है या आगे जनता में सस्ता लेगा कालू भाई कह देंगे दे दो लोन कोई दिक्कत नहीं है पैसा ही पैसा होना चाहिए लोन सस्ता हो जाएगा लोन सस्ता होगा जनता लोन ही लोन लेगी जनता लोन लेगी जनता के पास क्या पहुंचेगा मनी सप्लाई पैसा पहुंचेगा और जनता के पास जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी जनता की जेब में पैसा हुआ जनता ने महंगाई बढ़ा दी बात समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया है। अगर क्लियर हो तो एक बार थम्सअप कर दें फटाक से जल्दी से सर सी आर आर एस एल आर का मतलब क्या होता है देखो भाई साहब अभी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ाएंगे थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है ठीक है ना भाई कालू भाई बड़े गरीब आदमी है लोन मांगना चाहते हैं लोन लेना चाहते हैं तो आपने समझा बैंक रेट को दूसरा होता है बेटा जिसे बोलते हैं आपका रेपो रेट रेपो रेट रेपो रेट इंटरेस्ट का वो रेट है अभी प्रेजेंट में रेपो रेट कितना चल रहा है तो रेपो रेट चल रहा है थोड़ा सा कम होता है बैंक रेट से सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है ना वो सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है रेपो रेट भी वही ब्याज की दर है जिस पर आरबीआई पैसे देता है किसको कॉमर्शियल बैंकों को और कॉमर्शियल बैंक किसे देते हैं कालू भाई को तो दोनों में सेम मामला है बेटा अब बेटा ये जो पैसा दिया जाता है एक इंटरेस्ट रेट है ब्याज की दर है ये दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म बोले तो थोड़े समय के लिए बात क्लियर है यहां तक चलो बहुत बढ़िया अगर थोड़े समय के लिए पैसा जा रहा है कॉमर्शियल बैंक के पास थोड़ा समय कितना गुरु जी पंद्रह दिन के लिए पैसा चाहिए थोड़े दिन की जरूरत है ठीक है तो उसे कहते हैं आपका शॉर्ट टर्म अगर मैं बात करूं आरबीआई यदि बेटा रेपो रेट को आरबीआई क्या करे अगर रेपो रेट को बढ़ा दे रेपो रेट को बढ़ा दे तो सिंपल सी बात क्या होगी रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक आगे पैसा महंगी ब्याज पे देंगे यानी कि लोन क्या हो जाएंगे लोन महंगे हो जाएंगे महंगे का मतलब ज्यादा ब्याज पे मिलेंगे कालू भाई फट मना कर देंगे नहीं चाहिए पैसा इसका मतलब मनी सप्लाई कम होगी अगर मनी सप्लाई पैसा कम हो रहा है देश के अंदर तो सिंपल सी बात है कि महंगाई कम हो रही है तो सेम वाली कंडीशन यदि आर यदि आरबीआई रेपो रेट ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे तो मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा रेपो रेट कम होती है लोन सस्ते होंगे उल्टा हो जाएगा लोन सस्ते होंगे तो जनता लोन ही लोन मांगेगी मनी सप्लाई क्या होगी मनी सप्लाई मनी सप्लाई बढ़ जाएगी जिससे कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी बात क्लियर एक बार मुझे जल्दी से थमसअप करके बताएं ठीक है ना भाई बात क्लियर हो रही है बेटा जब पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी इधर उधर भटकते नजर आओगे इसलिए अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो प्रेम पूर्वक चीजों को समझने पे ध्यान दीजिए नहीं तो पेपर में कबूतर उड़ जाएंगे ये बैंकिंग वाला चैप्टर बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर तो बात समझ में आ रही है मेरे सिकंदर आगे बात करें नंबर तीन नंबर तीन होता है बेटा जिसे बोलते हैं रिवर्स रेपोरेट रिवर्स का मतलब उल्टा रिवर्स रेपो रेट अभी तक आरबीआई पैसे दे रहा था कॉमर्शियल बैंकों को तो कॉमर्शियल बैंक भी तो कहेंगे हमें भी तो मौका दो कि हम आरबीआई में कभी अपना पैसा जमा कर सकें बेटा ठीक है तो प्यारे बच्चों रिवर्स रेपो रेट उल्टी ब्याज की दर है उल्टी कैसी यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा भी तो आरबीआई के पास जमा कराने की थोड़ी सी ताकत रखते हैं ना तो वह ब्याज की दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक जरूरत पड़ने पर अपना पैसा इधर दे दें किधर आरबीआई को दे दें ठीक है ना तो बच्चों उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट और प्रेजेंट में चल रहा है रिवर्स रेपो रेट 3.35 परसेंट यह चेंज होता रहता है ये बात ध्यान रखना है जीवन भर के लिए नहीं है रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट ये कम ज्यादा होंगे तभी देश में महंगाई कंट्रोल होती है अब अगर मैं बात करूं यहां पर अरे बच्चों रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा अगर बेटा रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है तो कॉमर्शियल बैंक चाहते हैं है, जनता में पैसा बांटने की बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा दें जिससे कि ठीक ठाक ब्याज मिल रही है कोई सिरदर्दी भी नहीं है और अगर बेटा रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो कॉमर्शियल बैंक चाहते हैं कि आरबीआई तो कम ब्याज दे रहा है जनता में ही बांटो पैसे को तो ये सोच बन जाती है एक ठीक है अब अगर मैं बात करूं यहां थोड़ी सी चीजों की जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्यारे बच्चों यहां मैं आपसे ये कहूं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दे कम कर दे अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा बेटा कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक चाहेंगे कि जनता में ज्यादा पैसा बटे जनता में ज्यादा पैसा बटेगा तो क्या होगा मनी सप्लाई बढ़ेगी क्या बढ़ेगी बेटा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ये चीजें पूछी जाती हैं पेपर में मनी सप्लाई बढ़ेगी अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो बेटा इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट आएगा इनफ्लेशन मुद्रा स्फीति बढ़ेगी पैसा बढ़ते महंगाई बढ़ेगी अब बेटा उल्टा कर लो अगर आरबीआई रिवर्स रिवर्स रेपो रेपो रेट रेट को को बढ़ा दे दे ये ब्याज की दर बढ़ा के 10 कर बैंक चाहेंगे आरबीआई को, को जनता मत बांटो जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी मनी सप्लाई बेटा कम हो जाएगी सिंपल सी बात मनी सप्लाई कम होगी मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या होगी प्यारे बच्चों इनफ्लेशन भी कम होगी अगर पैसा कम महंगाई कम पैसा ज्यादा महंगाई ज्यादा बात खत्म तो बात क्लियर हो तो एक बार सब ये वाला अंगूठा करके भेज दिया करो क्लियर है जी, क्लियर है। ठीक है ना भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात क्लियर हो रही है बेटा नेक्स्ट बात करेंट नेक्स्ट।, नेक्स्ट आता है आपका जिसे बोलते हैं छी आर आर CRR बहुत पूछा जाता है वेरी इंपोर्टेंट हालांकि पूरी मौद्रिक नीति इंपोर्टेंट है जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो इसे बेटा नगद नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो बेटा यहां नाम से ही क्लियर है नगद नगद का मतलब कैश में होना चाहिए आरक्षित का मतलब रिजर्व करके रखना है रेशियो का मतलब अनुपात अभी कितना चल रहा है सी आर आर तो बेटा अभी चल रहा है फोर पॉइंट फाइव परसेंट चार दशमलव पांच प्रतिशत आरबीआई बताए क्या कहता है आरबीआई कहता है कि भाई एक काम करो जैसे कि पापा आपके नौकरी करते हैं बीस हजार रुपये कमाते हैं मही महीने में मम्मी दो हज़ार का नोट चुपचाप से मार देती हैं कोरा वाला लेकिन दो हज़ार का नोट अभी बंद हो गया है तो वो क्या चीज़ है प्यारे बच्चों वो है प्यारे बच्चों सी आर आर यानी कि कैश के रूप में मम्मी के पास जमा है पैसा अगर पापा को कभी दिक्कत आने लगे पैसे ना हो जेब में तो मम्मी वो दो हज़ार का नोट वापस कर देते हैं ऐसा होता है नहीं होता है ज़रूरत पड़ने पे वो अलग बात है फिर दो हज़ार के चार हज़ार लेंगे अगली बार टैक्स बहुत तगड़ा है मम्मी का होता है नहीं होता है बेटा सेम कंडीशन क्या है कि आरबीआई कहता है आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको जो भी पैसा आपके पास मिल रहा है आप उसमें से कुछ पैसा कैश में मेरे पास सिक्योरिटी तौर पे जमा करा दो जरूरत पड़ेगी मैं वापस दे दूंगा लेकिन करवाना जरूरी है तो ये होता है सीआरआर तो बेटा सभी बैंकों को जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं अपनी एक जमा आरबीआई के पास रखनी होती है इस पर ब्याज व्याज नहीं मिलता है ठीक ना ये रखनी है सिक्योरिटी अमाउंट और ये ये पैसा किसमें रखना होता है कैश में रखना होता है कैश में, में नगदी में रखना होता है कैश के रूप में डेली मेंटेन करते हैं सीआरआर एसएलआर तो बैंकों को अपनी जमा का एक अनुपात जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना जिनमें हमारे खाते हैं कॉमर्शियल बैंकों को अपनी जमा का अपनी डिपोजिट का अपनी जमा का एक अनुपात एक रेशियो जमा का अनुपात लिख लो सीधा सीधा सा अब मान लो अभी कितना चल रहा है साढ़े चार परसेंट तो साढ़े चार परसेंट अनुपात आरबीआई के पास आरबीआई के पास जमा कराना आवश्यक है अनिवार्य है जमा करना आरबीआई के पास ये बेटा आरबीआई के पास कैश के रूप में और लिख लेना कैश के रूप में कैश के रूप में जमा करना अनिवार्य है अनिवार्य है यानि कि RBI क्या करेगा बेटा? कैश के रूप में बैंकों से एक रेशियो अपने पास मंगा लेगा। अब मान लो क्योंकि जमा कराने होंगे ठीक है भाई बाकी के पैसे जो बचे इसके पास कितने पिछानवे दशमलव पांच रुपए इनको क्या कर सकता है इनको ये लोन के रूप में बांट सकता है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है थोड़ी सी तो बच्चों अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा दे तो ज्यादा पैसा किसके पास रखना पड़ेगा आरबीआई के पास तो लोन कम बांट पाएंगे तो सीआरआर का भी प्रभाव पड़ता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और वो कैसे पड़ता है ये मैं आपको यहां बताए दे रहा हूं यदि सीआरआर रेट बढ़ेगा कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो बेटा ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा अधिक पैसा कहां जाएगा अधिक पैसा ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जाएगा RBI के पास ज़्यादा आएगा तो लोन कम हो जाएगा लोन कम होगा तो बेटा क्या होगा मनी सप्लाई मनी सप्लाई कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम होते ही आप जानते हो कि महंगाई भी कम होगी यदि आरबीआई सीआरआर को कम कर दे कैश रिजर्व रेशियो को तो बेटा कम पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा कम पैसा किसके पास जाएगा आरबीआई के पास यदि कम पैसा आरबीआई के पास जाएगा तो मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी ज्यादा लोन बांट पाएंगे समझ में आई बात या नहीं आई जल्दी से एक बार थम्सअप करके बताओ फिर अगला डिस्कस करें एस एल आर सी आर आर का मतलब है केस के रूप में सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक अमाउंट आरबीआई के पास जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी बात समझ में आ गई है अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो कॉमर्शियल बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पर अधिक पैसा आरबीआई के पास जाएगा तो लोन कम बांट पाएंगे जिससे मनी सप्लाई कम होगी और महंगाई भी कम होगी बात समझ रहे चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गजब 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 एकदम चलो बहुत अच्छे आगे बात करें प्यारे बच्चों एस एल आर नेक्स्ट नंबर आता है एस एल आर जल्दी से बताएंगे एस एल आर एस एल आर का पूरा नाम ही बता दो आप पहले तो मुझे फिर मैं आगे, आगे आपसे बात करूं थोड़ा सा चलो भाई बहुत बढ़िया हाँ बेटा एस एल आर भी होता है हम कहां कह रहे हैं एस एल आर नहीं होता है होता है स्टेचुटरी स्टेचु लरी नहीं होता है स्टैचूटरी होता है भाई श्रेया दुबे गुड़िया लिख तो ठीक रही है ठीक है ना तो क्या हो रहा है स्टेचुटरी स्टेचुटरी लिक्विडिटी स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ठीक है ना भाई क्या होता है बेटा स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो अब ये हिंदी में क्या होता है स्टेच्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक यानी कि कानूनी वैधानिक अब देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है अर्थशास्त्र में तरलता तरलता तरल वो चीज है जिसमें खरीदने की शक्ति है अनुपात का मतलब होता है रेशियो अनुपात तो वैधानिक तरलता अनुपात आरबीआई कहता है कि भैया जितना भी पैसा है ना आप उसे लोन के रूप में नहीं दे सकते आपको कुछ पैसा मेरे पास रखना पड़ेगा वो तो सी आर है लेकिन कुछ पैसा आपको अपने पास भी रखना पड़ेगा और ये एस रेट है वर्तमान में अठारह परसेंट कि आपकी दैनिक जरूरतें भी पूरी होती रहें तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये क्या है एस तो एस जो है ना एस एल आर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एस जो है ये कॉमर्शियल बैंकों को अपने ही पास जमा रखना होता है अपने पास तो अपने कुल पैसे का 18% परसेंट कॉमर्शियल बैंक अपने पास जमा रखना अनिवार्य है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे बेटा हम एस एल आर स्टेचुटरी लिक्विडिटी ये कैश के रूप में हो सकता है नगदी के रूप में ये प्यारे बच्चों स्वर्ण के रूप में हो सकता है स्वर्ण जानते हैं ना गोल्ड के रूप में रख सकते हो आप ऑप्शन है या गोल्ड या फिर आप बच्चे किसी प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हो प्रतिभूति बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी सिक्योरिटी के रूप में बात समझ में आ रही है तो बच्चों कॉमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा का एक रेशियो अपने ही पास कैश गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा रखना होता है जिसे हम एस कहते हैं तो सीआरआर कैश के रूप में आरबीआई के पास और एस बेटा कॉमर्शियल बैंकों को अपने धोरे ही रखना है अपने पास रखना है अपने पास भैया अपने पास रखोगे सारा पैसा लोन में नहीं दोगे आरबीआई की गाइडलाइन है ठीक है तो बच्चों बैंक अपनी कुल जमा का एक रेशियो एक अनुपात अपने पास ही कैश गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में जमा रखते हैं जिसे एसएलआर कहते हैं ठीक है तो यहां परिभाषा भी लिख दे रहे हैं कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल एनडीटीएल ठीक है ना एनडीटीएल मतलब टोटल जमा अपनी कुल जमा का एक अनुपात एक अनुपात अपने पास अपने पास कैश गोल्ड तथा सिक्योरिटी सिक्योरिटी के रूप में जमा रखना जमा रखना अनिवार्य है जरूरी है भैया काम नहीं चलेगा तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो प्यारे बच्चों सी आर आर एस एल आर को मेंटेन करते हैं पर डे मेंटेन करते हैं बात क्लियर है तो यहां तक अगर सीआरआर एस एल आर अगर समझ में आया हो तो मुझे बताएं यही काम की चीज है बेटा फाइव ईयर प्लान करवाऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा वो बड़ा टॉपिक है वो टाइप करा के कराऊंगा ठीक है तो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी सभी की अच्छा एक बात बताओ आर बी आई यदि एस एल आर रेट बढ़ा दे एस एल आर को बढ़ाएगा तो क्या होगा मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आरबीआई एस बढ़ाता है तो बैंकों को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा लोन कम बांट पाएंगे तो इससे क्या होगा मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा शॉर्ट में बताएं जल्दी से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर आरबीआई एसएलआर को घटा दे तो क्या होगा मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा जल्दी से बताएं क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये तो हल्का सा आइडिया लगाओ अगर एसएलआर बढ़ता है ज्यादा पैसा अपने पास रखेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि कम लोन बांट पाएगा और बेटा कम करता है ऐसे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ये छोटी सी बात भी साइड में आपने लिख ली है अब एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है यहीं पर फिर पेपर में आप इधर उधर तांकना झांकना बंद कर दोगे एक होता है एमएसएफ आपका एमएसएफ नेक्स्ट और लास्ट एमएसएफ तो बेटा एमएसएफ को कहते हैं मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ठीक है ना भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एम एस एफ एक कह रहे मनी सप्लाई हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा ठीक जा रहे हो ठीक जा रहे हो मार्जिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ठीक है ना ये एस नहीं सी आएगा फैसिलिटी जिसे बोलते हैं सीमांत स्थाई सुविधा सीमांत स्थाई सुविधा अब ये क्या होता है बेटा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि मान लो किसी बैंक को यदि बेटा एक दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए ठीक है ना तो बच्चों उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं एक दिन की एक दिन के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए पैसे की पूर्ति के लिए यह लिया जाता है ठीक है ना एक टर्म है तो बेटा शॉर्ट टर्म बहुत तो अगर कॉमर्शियल बैंक बेटा से आर से शॉर्ट टर्म अचानक की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा उधार ले तो बेटा यह कितने समय के लिए होता है मैक्सिमम 24 घंटे में पैसा वापस करना होता है जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं यह बच्चे अचानक की जरूरत को पूरा करता है और यह बैंक रेट के बराबर होता है किसके बराबर होता है बैंक रेट के बराबर इंटरेस्ट होता है इसमें बैंक रेट के बराबर अब बैंक रेट कितना चल रहा है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट होगा किसी बैंक की अचानक की जरूरत को पूरा करने के लिए किस पे लिया जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अच्छा एक बार रिवाइज कर लें यहां बताओ जल्दी से मैंने नंबर बताया था एक बैंक रेट बैंक रेट क्या है बैंक रेट वह ब्याज की दर है जिस पर प्यारे बच्चों क्या होता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है और वो भी कैसे देता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए देता है दूसरा बताया था आपको मैंने रेट। तो शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा रेपो रेट रेपो रेट वह ब्याज की दर है जिस पर आरबीआई पैसे उधार देता है कॉमर्शियल बैंकों को देता है लेकिन बच्चों शॉर्ट टर्म पंद्रह दिन के लिए देता है तीसरा बताया था मैंने आपको रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज की दर है जिस पर बेटा आरबीआई नहीं देता यहां कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं तीसरा बताया था मैंने सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो वह अनुपात जिसे कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास कैश के रूप में नगदी के रूप में जमा करना आवश्यक है तो ये चौथा था पांचवा क्या था एस एल आर के बाद मैंने आपको बताया सी आर आर एस एल आर और फिर था आपका हाँ एस एल आर स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात जिसमें कॉमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा का एक हिस्सा अपने पास जमा रखते हैं ये कैश के रूप में हो सकता है गोल्ड के रूप में हो सकता है या किसी सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति के रूप में हो सकता है और नंबर छह मैंने आपको बताया था एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थाई सुविधा जब बेटा आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक केवल 24 घंटा के लिए अचानक जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा उधार ले तो वो एम एस एफ होता है और भैया ये मैंने शॉर्ट में एक पेज पे बता दिया सीबी अपने पास रखे तो वो बच्चों आपका एस है अगर कॉमर्शियल बैंक कैश के रूप में आरबीआई के पास सिक्योरिटी अमाउंट जमा करे तो उसे बच्चों सीआर कहते हैं बैंक रेट रेपो रेट दोनों एक जैसे हैं मतलब जाता पैसा आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक है लेकिन टाइम ड्यूरेशन का अंतर आता है ठीक है बात क्लियर हो गई तो मौद्रिक नीति भी आपकी खत्म खत्म खम हो गई खम हो गई चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक कह रहे हैं परसेंटेज भी बता दो अरे भैया परसेंटेज एक सेकंड काम है ये बदलती भी रहती है बैंक रेट कितना था मैंने आपको बताया था सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इससे थोड़ा सा कम सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट क्या है रेपो रेट है जे कितना था तीन दशमलव सात पाँच परसेंट जे कितना था सी आर आर फोर पॉइंट फोर पॉइंट बताओ एक बार ये फोर पॉइंट फाइव परसेंट आई थिंक हाँ फोर पॉइंट फाइव परसेंट एस एल आर अट्ठारह परसेंट और ये आपका एम एस एफ मैंने आपको बताया बैंक रेट के बराबर सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट जे का है जे जे प्रेजेंट की रेट है चलो बात क्लियर हो रही है बिल्कुल उत्तम भाई चाय पियो आनंद लो आनंद लो जीवन के आनंद है चाय के साथ आंखों में दर्द हो रहा है अब हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ बहुत बढ़िया चलो ठीक है ना सारी चीजें बहुत बढ़िया गजब एकदम आगे थोड़ी सी चीजें और हाँ मस्त मजा आ रहा है मजा आना चाहिए मजा नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी तो देखो सारी चीजें क्लियर तब होंगी जब आप चीजों को समझेंगे और क्लास में इंटरेस्ट आपको आना चाहिए क्योंकि कोई भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं है हमेशा मैं बताने को तैयार हूं अब अगर मैं बात करूं यहां बेटा कुछ स्पेशल बैंक डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल बैंक स्पेशल बैंक स्पेशल बैंक ऐसे बैंक जो स्पेशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बने हैं आप एक बच्चा कह भी रहा था कि प्यारे बच्चों नाबार्ड को बताओ आप नाबार्ड नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सरकार ने एक बैंक बनाया भैया हमें कृषि और ग्रामीण विकास करना है गांव का विकास तो ये सरकारी बैंक है प्रॉपर नाबार्ड ध्यान रखिएगा गांव और कृषि तो राष्ट्रीय पूरा नाम होता है हिंदी का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तो गांव के विकास से जुड़ी हुई कोई भी योजना आती है कृषि से जुड़ी हुई तो सरकार की कौन उसे देखता है नाबार्ड देखता है ठीक है ना भाई तो ये सबसे बड़ा और ऊंचा बैंक है तो ग्रामीण विकास कृषि एवं ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था मानी जाती है कृषि तथा ग्रामीण विकास की ग्रामीण विकास की ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था है ठीक है ना भाई इसकी स्थापना कब हुई थी 12 जुलाई उन्नीस सौ में शिव रामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर शिव रामन समिति की सिफारिश पर शिव रामन समिति की सलाह पर इसे स्टेब्लिश किया गया था इसका हेडक्वार्टर कहां है तो इसका मुख्यालय मुंबई में है अब बेटा इसका काम क्या है तो काम इसके नाम से क्लियर है कि ये ग्रामीण विकास और कृषि के लिए काम करने वाला बैंक है बात क्लियर है तो एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं जो मैंने आपको बताया इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भारत सरकार का निन्यानवे परसेंट भाग यानी कि हिस्सा निन्यानवे परसेंट हिस्सा इसमें किसका है इंडियन गवर्नमेंट का है भारत सरकार का है तो ये एक सरकारी बैंक है लेकिन स्पेशल बैंक है कृषि के डेवलपमेंट के लिए बात क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया गजब एकदम सर अब रहने दीजिए ना थोड़ी देर की बात हो रहा है बेटा फिर रहने देंगे काहे को टेंशन लेते हैं आगे बात करूं दूसरा दूसरा नंबर आता है बेटा आर आर बी रीजनल रूरल बैंक रीजनल रूरल रीजनल रूरल बैंक जिन्हें बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या बोलते हैं बेटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो आरआरबीज़ की स्थापना कब हुई थी बच्चों तो इनकी स्थापना हुई थी गांधी जी के बर्थडे पर दो अक्टूबर 1975 में तो 1975 में आर को बनाया गया अब यह नाम क्लियर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था इनकी स्थापना का उद्देश्य था बच्चे गांव में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना गांव में ग्रामीण क्षेत्र में गांव में बैंकिंग सुविधा देना क्योंकि गांव तक बैंक नहीं जाते थे पहले बड़े बड़े बैंकिंग सुविधा देना गांव में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना इनका उद्देश्य था और 1975 में जो पहला बैंक खुला था आर आरबी फर्स्ट बैंक उसका नाम था बेटा प्राथमा बैंक क्या नाम था प्राथमा बैंक पहला ये कहां खुला था यूपी के मुरादाबाद में यूपी के मुरादाबाद के अंदर खोला गया था पहले बच्चों इसमें होता क्या है अभी प्रेजेंट में वर्तमान में वर्तमान में 43 थ्री तैतालीस आरआरबी कार्यत है रीजनल रूरल बैंक ठीक है बच्चों सिक्किम और गोवा में एक भी आरआरबी नहीं है तो सिक्किम व गोवा दो बिना आरआरबी वाले यहां पर एक भी आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेटा नहीं है याद रखिएगा और आरआरबीज की स्थापना जो हुई थी वो नरसिंहम समिति की रिकमेंडेशन पर हुई थी नरसिंहम समिति की सलाह पर नरसिंहम समिति की शलहा पर इन्हें स्थापित किया गया था बात क्लियर हो रहा है बेटा फादर आर जोग्राफी बहुत बढ़िया तुम्हारी अंग्रेजी को देखकर पुष्पिंदर भाई दिल मेरा पिघल गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं चलो बहुत बढ़िया तो यहां पर समझ में आ रही है बातें ठीक है ना बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक अच्छा अगर पूछे कि आरआरबी एक्ट कब आया था रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम तो आरआरबी एक्ट भी लिखे दे रहा हूं मैं वो अगले साल आया था आरआरबी एक्ट आया था उन्नीस में 1976 में याद रखने वाली बात है आगे बात करूं बेटा आरआरबीज का मालिक कौन होता है यानी कि इनकी संरचना कैसी होती है स्ट्रक्चर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना तो बेटा इनमें तीन लोग पैसा लगाते हैं तीन लोग कौन कौन तीन लोग होते हैं एक तो होती है केंद्र सरकार सेंटर गवर्नमेंट पेपर में पूछता है केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है पचास परसेंट पैसा देती है केंद्र सरकार एक होती है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है पंद्रह परसेंट बाकी एक होते हैं प्रायोजक बैंक प्रायोजक बैंक प्रायोजक बैंक जिनका हिस्सा होता है 35% परसेंट थर्टी परसेंट अब प्रायोजक को क्या कहा जाता है कहा जाता है है ठीक ना क्या बोलते हैं बेटा स्पॉन्शर अब स्पॉन्सर का मतलब क्या है जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं ना वही स्पॉन्सर होते हैं कैसे बैंक होते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक पेपर में पूछता है कि आपसे प्रायोजक बैंक कौन से होते हैं तो राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि आपके एस का राष्ट्रीयकरण हुआ था पीएनबी का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये स्पॉन्सर बैंक है अपना पैसा लगाते हैं अगर कोई आरआरबी खुलता है किसी स्टेट में तो ठीक है ना भाई बात समझ में आ रही है तो आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एक तो होती है सेंटर गवर्नमेंट जो अपना पैसा देती है पचास परसेंट स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा देती है पंद्रह एक होते हैं स्पॉन्शर बैंक जो पैसा देते हैं पैंतीस परसेंट बैंक कौन से होते हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं जैसे कि एस बी जैसे आपने सुना होगा टाटा आईपीएल टाटा आईपीएल आईपीएल कौन है स्पॉन्सर है यानी कि तभी टाटा वाली पूरी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है बात समझ में आ रहा है तो ये चीजें बहुत जरूरी है सर जी एस का कब हुआ था मैं भूल गई हूं एक जनवरी उन्नीस में हुआ था प्यारे बच्चों श्रेया दुबे और प्यारे बच्चों आप जानते हैं बाकी का एक बार और मैं रिवाइज करवा दूंगा अच्छा एक बैंक होता है आपका जिसे बोलते हैं आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जल्दी से बताएं स्थापना कब हुई हेडक्वार्टर का है सिंपल सी बात ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक है विकास बैंक बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में 1964 में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए उद्योगों के विकास के लिए इसका हेडक्वार्टर कहां था तो मुंबई के अंदर मुंबई के अंदर ये प्रेजेंट में एक बच्चों आपका मैं बात करूं तो ये एक कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट में डाल दिया है इसे आरबीआई ने इस समय और एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया है ठीक है ना तो ध्यान रखना है पेपर में पूछा जाता है एक होता है आपका सिडबी तो सिडबी ये तो बड़ी उद्योगों के विकास के लिए था फिर सिडबी खोला गया सिडबी सिडबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो सिडबी का पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो छोटे उद्योगों के विकास के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो प्यारे बच्चों स्मॉल इंडस्ट्रीज लघु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जल्दी से बताएं कब खोला गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तो बेटा स्थापना कब हुई थी आईडीबीआई की तो ये तो उन्नीस में इसकी स्थापना कब हुई थी 2 अप्रैल 1990 में 2 अप्रैल 1990 में ये छोटे उद्योगों के विकास के लिए इसका हेडक्वार्टर कहां है लखनऊ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ यूपी में इसका मुख्यालय पेपर में बहुत पूछा जाता है चलो हां बेटा सभी प्रायोजक बैंक देते हैं पैंतीस परसेंट पैसा ये शर्त है संरचना ही ऐसी स्ट्रक्चर ऐसा है इनका बेटा आगे आता है एन एच बी नेशनल हाउसिंग बैंक जल्दी से बताएं ये आवास के लिए लोन देते हैं आवास की देखरेख ये भी स्पेशल बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक पेपर में पूछा जात है राष्ट्रीय आवास बैंक स्पेशल बैंक पढ़ रहे हैं बताएं स्थापना बताएगा कोई बच्चा एनएचबी की स्थापना कब हुई थी ये बता दो आप मुझे इसका हेडक्वार्टर मैं बताए दे रहा हूं आपको दिल्ली में है एनएचबी का हेडक्वार्टर राष्ट्रीय आवास बैंक का इसकी स्थापना कब हुई थी ठीक है 1988 1988 में NHB नेशनल हाउसिंग बैंक तो जैसे आवास से जुड़ी हुई कोई सरकार की योजना आएगी तो उसे कौन देखेगा ठीक है ना भाई तो ये आवास को लोन देने वाली या देखरेख करने वाली सबसे ऊंची संस्था है नेशनल हाउसिंग बैंक हिंदी में पढ़ाओ बेटा ये पेपर में पूछा जाता है ना आपसे पूछेगा तो हिंदी, हिंदी में लिखा है अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां तक आपने देख लिया छोटे उद्योगों के लिए सिडवी था बड़े उद्योगों के लिए आईडीबीआई आई था अभी एक बच्चे का प्रश्न था कि प्यारे बच्चों इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात अगर कोई सामान करना होता है तो उसकी देखरेख कौन करता है एक्सिम बैंक करता है ठीक है ना भाई तो एक्सिम बैंक नेक्स्ट लिखोगे एक्सिम बैंक पेपर में कई बार पूछा जाता है एक्सिम बैंक का पूरा नाम पूछ लेता है तो इसे बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ये आयात और निर्यात को देखरेख करने वाला सर्वोच्च बैंक है आयात निर्यात बैंक बोलते हैं आयात निर्यात बैंक बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1988 में 1988 में सॉरी 1982 सॉरी गलती से बोल दिया मैंने 1982 जब नाबार्ड खुला था तभी आपका एग्ज़िम बैंक खुला था इसकी जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ मुंबई में कम से कम दसियों बार यह भी प्रश्न बनाए ये सभी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ये एग्जाम में बहुत आने वाले हैं हाँ उन्नीस सौ बयासी बेटा ठीक है ना तो एक्सिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए खोला गया बात क्लियर आगे बात करूं एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है प्यारे बच्चों इरडा इरडा आई आर डी ए आई इरडा बोल देते हैं वैसे पूरा नाम आई आर डी आई इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो प्यारे बच्चों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस का मतलब होता है बेटा बीमा तो इसे बोलते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण भारतीय बीमा विनियामक बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण पेपर में आएगा तो घुमा देगा दिमाग को आपसे पूछेगा भारत में जैसे बेटा आरबीआई का काम बैंकों को कंट्रोल करना है एक कह रहे हैं सर मनी सप्लाई का हिंदी क्या है बेटा मनी सप्लाई का हिंदी हमने बताए थे शायद आप गौर नहीं दिए मुद्रा का प्रवाह या मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा की आपूर्ति देश के अंदर कितना पैसा है ये मनी सप्लाई कहलाता है ठीक है ना तो मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा है देश के अंदर ये है मनी सप्लाई ठीक है ना भाई चलो बहुत बढ़िया गजब एकदम तो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका काम क्या है इरडा का अगर पूछे तो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करना इंश्योरेंस सेक्टर को बीमा कंपनियों को कंट्रोल करना बीमा क्षेत्र का नियंत्रण तो बीमा क्षेत्र में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है बीमा क्षेत्र का नियमन करना रेगुलेट करना इसकी स्थापना कब हुई थी जल्दी से बताएंगे 1999 में उन्नीस सौ में, में इसकी स्थापना हुई इसका हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद में बहुत है हैदराबाद में ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एल क्या है फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक बीमा कंपनी है तो एल को भी कौन कंट्रोल करता है आई आर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीवन बीमा निगम जीवन बीमा निगम अगर आपसे पूछे एल का एलआईसी की स्थापना कब हुई बेटा तो एल की स्थापना हुई थी एक सितंबर उन्नीस में एक सितंबर फर्स्ट सेप्टेंबर एल आई सी का हेडक्वार्टर कहा है? मुंबई के अंदर है मुंबई में ठीक है ना या फिर एल आई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो एल कई सारी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके ही बनाई गई थी उन्नीस में नाइनटीन में उन्नीस अच्छा सर बहस करो बेटा बहस थोड़ी ना करते हैं सर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए नीतू कह रही है बहस करो बेटा नहीं बहस नहीं करेंगे हम आप बच्चे हो हमारे पांच मिनट का काम और रह गया है बाकी पांच मिनट और बस ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया तो एक बार बताओ पांच मिनट तो टिक जाओगे ये चैप्टर तो फिनिश कर दें चलो बहुत बढ़िया फिर बाकी चीजें अगली क्लास में पूरी हो जाएंगी कोई जरूरी चीज नहीं बचेगी ठीक है बच्चों तो अब बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण आप जानते हैं बेटा राष्ट्रीयकरण को कहते हैं नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन देखो राष्ट्रीयकरण होता क्या है राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक में बदल जाता है प्राइवेट से गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक पब्लिक का मतलब होता है बेटा सरकारी प्राइवेट का मतलब होता है निजी निजी क्षेत्र की कोई संस्था अगर सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में बदल जाए तो वही राष्ट्रीयकरण है प्राइवेट से सरकारी हो जाना इसके लिए जरूरी है कि सरकार का पैसा इसमें मोर देन 50 परसेंट यानी कि इक्यावन परसेंट पैसा किसका होना चाहिए इसमें सरकार का सरकार का जो शेयर है हिस्सा है वो कितना होना चाहिए बेटा मोर देन 50 परसेंट यानी कि 51 परसेंट तभी राष्ट्रीयकरण माना जाएगा देखो भाई भारत में राष्ट्रीयकरण जो हुआ पहली बार बेटा वो कब हुआ था पहली पहली बार पहला बैंक कौन सा था फर्स्ट टाइम तो एक जनवरी उन्नीस में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई लेकिन आरबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं माना जाता क्योंकि ये देश का सेंट्रल बैंक है दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था प्यारे बच्चों एक जुलाई उन्नीस में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप समझ में आ रहा है तो ये तो सिंगल सिंगल राष्ट्रीयकरण हुए थे एक एक बैंक के लेकिन इसके बाद प्यारे बच्चों दो बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया दो बार दो बार एक बार बेटा चौदह बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए चौदह बैंक चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1969 में ठीक है ना भाई और ऐसे चौदह बैंक जिनके पास जिनकी कैपिटल जिनका पैसा जिनकी कैपिटल पचास करोड़ से ज्यादा थी जिनकी कैपिटल पचास करोड़ से अधिक थी अब इस समय पीएम कौन थी पीएम थी इस समय इंदिरा गांधी कौन थी बेटा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इस समय की प्रधानमंत्री थी अब पेपर में पूछा जाता है चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ उन्नीस में ऐसे चौदह बैंक जिनका पैसा पचास करोड़ से ज्यादा है उन्हें प्राइवेट से सरकारी बना दिया एक कह रहे हैं सर एल आईसी आई बेटा एल तुम्हारे जीवन का बीमा करने के लिए एक बीमा कंपनी खोली गई थी एल इसलिए आई बीमा करने को एल आई सी कोई रोटी बनाने के लिए थोड़ी ना आई आगे बात करूं बेटा छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण छह बैंक नेशनलाइज किए गए 1980 में 1980 में, में। ठीक है और प्यारे बच्चों ऐसे छह बैंक जिनके पास कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा की थी 200 करोड़ की जिनके पास पूंजी थी ऐसे तो ये शर्त रखी गई थी कि जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा की पूंजी होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी बेटा इंदिरा गांधी थी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी कौन थी बेटा इस समय की पीएम रही है, ये बात आपको रखना है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये दो बार में आपने समझ लिया कि टोटल कितना हुआ अब देखो यहां ध्यान से समझना है जो मैं आपको इनके नाम बताने वाला हूं कि, कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है ठीक है जहां दिख जाएगा पूरा पेपर लगा हुआ है ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको तो कई बार पूछ लेता है देखो यहां बताया गया है कि 1969 में 14 बैंक्स विद डिपॉजिट्स अब 15 करोड़ वर नेशनलाइज यानी कि जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी ऐसे 14 बैंकों को 1969 में नेशनलाइज किया गया नाइनटीन में सिक्स बैंक विथ डिपोजिट अब टू करोड़ वर नेशनलाइज ऐसे चौदह बैंक ऐसे छह बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी उन छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया यहां बताया गया कि 19 जुलाई उन्नीस में जो बैंक आपके थे कितने चौदह वो कौन कौन से बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये प्राइवेट से सरकारी ये सभी पहले प्राइवेट थे लेकिन बाद में सरकार ने सभी सरकारी कर दिए इसमें बिडा एक इलाहाबाद बैंक था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ महाराष्ट्र केनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देना बैंक इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब नेशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1969 में सिंडिकेट बैंक यूनियन बैंक यूनियन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और बेटा जो बैंक पंद्रह अप्रैल उन्नीस में राष्ट्रीयकृत हुए उसमें आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक बेटा ये आपके छह बैंक ऐसे थे जिनका राष्ट्रीयकरण 1980 1980 में कर दिया गया ठीक है यहां तक बात क्लियर है अगर मैं पूछूं आपसे वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की या वर्तमान में पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है बताएं मुझे वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं तो बेटा आंसर आना चाहिए बारह बाकी कहां गए बाकी मर्ज कर दिए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये सरकारी भी हैं क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद चीजें सरकार के हाथ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तो सार्वजनिक सरकारी बैंकों की संख्या भी कितनी है बारह अगर पूछे सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है प्रेजेंट में सरकारी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी सेक्टर का बैंक है बेटा बेटा एस एस का टेस्ट इस सैटरडे से मिलना है, स्टार्ट हो जाएगा निश्चिंत हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें ठीक है यहां तक बात क्लियर है अब देखो भाई बैंक जो है आपस में मर्ज किए गए हैं बैंकों का विलय यह छोटा सा टॉपिक है दो मिनट का बस बैंकों का विलय बैंकों का विलय बैंक आपस में मर्ज हुए बैंकों का पहला विलय कब हुआ एक एक अप्रैल 2017 में एक अप्रैल 2017 में यहां क्या हुआ एस के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पांच सहयोगी बैंक एसबीआई के पांच एसोसिएट बैंक थे पांच सहयोगी बैंक तथा बीएमबी भारतीय महिला बैंक नाम है इसका बीएमबी का नाम है भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया तो पेपर में पूछेगा भारतीय महिला बैंक का विलय कब कब कहां किया गया तो बच्चों ये 2017 में एसबीआई में मिला दिए गए ये पांच खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गया ये SBI में मिला दिए गए बात खत्म हो गई अब आगे बात करूं प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है एक अप्रैल 2019 हजार उन्नीस एक अप्रैल 2019 क्या हुआ विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया कौन से तथा देना बैंक ये दोनों बैंक बिटा क्या हो गए खत्म हो गए इनका जो विलय हुआ वो किसमें हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय कर दिया गया ये भी दोनों बिचारे खत्म हो गए बिचारे बिचारे बैंक भी बिचारे होते हैं क्या तो ये दोनों भी बिटा क्या हो गए खत्म हो गए अब आगे बात करूं प्यारे बच्चों दस बड़े बैंकों का विलय और किया गया एक अप्रैल 2020 में दस बैंकों का विलय दस बैंकों का विलय किया गया कब किया गया एक अप्रैल 2020 में चलो जी ये भी पढ़वा दो गुरु जी अब इसमें क्या है बच्चों एक ओबीसी बैंक था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और प्यारे बच्चों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये जो दो बैंक हैं इन दोनों बैंकों का विलय किसमें कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में पीएनबी में पेपर में पूछेगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई दोनों बैंक किसमें मिला दिए गए पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक एक बैंक था प्यारे बच्चों सिंडिकेट बैंक सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया तो यह केनरा बैंक में केनरा बैंक केनरा बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया तो ये बैंक खत्म ये बैंक खत्म ये बैंक खत्म अब आपके तीन बैंक और बचे एक था आंध्रा और एक था कॉरपोरेशन बैंक तो आंध्रा इनका जल्दी से बताएंगे आंध्रा बैंक प्यारे बच्चों और एक था कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन बैंक इन दोनों का विलय एक में हुआ और प्यारे बच्चों अलाहाबाद बैंक अलाहाबाद बैंक अलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया इंडियन बैंक के अंदर हो गया तो यह भी खत्म इलाहाबाद बैंक नहीं रहे ये दोनों भी खत्म लेकिन इनका विलय हुआ उस बैंक का नाम बताएं तो होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया तो कहने का मतलब क्या है यह बैंक क्या हो गए खत्म हो गए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए सरकार ने इनका विलय कर दिया इन्हें मर्ज कर दिया ठीक है ना भाई बहुत बढ़िया इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास बेटा इसी सप्ताह में बीच में शाम के टाइम लगाऊंगा सात बजे से किसी दिन ठीक है ना तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे भी कंप्लीट करा दूंगा अगर मैं आपसे कहूं तो जितना भी आपको चीजें क्लास में मिलती हैं उसमें से मैंने छांट के इंपोर्टेंट चीजें आप तक डिलीवर करने का प्रयास किया है और ये क्लास आपके पेपर में आपको क्वेश्चन दिलवाएगी ये निश्चिंत है क्योंकि इसमें आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है वो क्लास का और इम्पोर्टेंट और बेटा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है अगर आपको क्लास में पढ़ के सच में अगर कोई फायदा लगा हो और पेपर के बाद ही पता चलेगा वो तो कितना फायदा लगता है ठीक है ना तो आपको बिल्कुल आनंद आया होगा ठीक है गुड जर्नी गुड जर्नी कह रहे हैं भाई कि मेहनत कर रहे हैं हम देखो मेहनत आपके लिए करते हैं आप कामयाब हो आपकी सफलता में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा कामयाब होता है कि हाँ सर आपके पढ़ने की वजह से मेरी पढ़ाई में मुझे मदद मिली है जिसके कारण मैं यहाँ सफल हो पाया हूँ ठीक है ना सी आई एस एफ आई टी बी पी ड्राइवर के लिए हाँ फायदा मिलेगा अगर बेटा जी एस पूछा जाता है तो जी एस में ये जी एस बूस्टर सीरीज आप किसी भी एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस एस सी का कोई भी एग्जाम देख रहे हैं आप तो वहां आपको बहुत फायदा मिलेगा आप एक बार पढ़ के देखो यानी कि वो कंटेंट हमने देने का प्रयास किया है जो पेपर में सीधा सीधा हिट करता है ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया कंप्यूटर के लिए बेटा कंप्यूटर के लिए मैं एक बार देखूंगा मुझे थोड़ा आप समय दीजिएगा कोशिश करूंगा कि मैं भाई आपके लिए कंप्यूटर के लिए भी करा सकूं ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया पेड क्लास कब से बेटा अभी देखो फ्री क्लास चल रही है सारी तो आप फ्री क्लासेस का लुप्त लो पेड जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा अभी वैसे पेड वेड का कोई बैच आ नहीं रहा है तो जो चीजें फ्री मिल रही हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करो ठीक है बच्चों? आशा करता हूं कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आनंद आया होगा तो लगभग आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है आ, मतलब आपका जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको कवर कराया इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है ये चीजें डिस्कस की इसके बाद मैंने आपको और भी कई सारी चीजें बताई जैसे कि पूरा का पूरा बैंकिंग खत्म करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है तो बैंकिंग में स्पेशल बैंक मौद्रिक नीति खत्म हो गई हमारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरबीआई खत्म कर लिया तो ये सभी टॉपिक हमारे खत्म हो गए अगली क्लास में मैं रिमेनिंग पोर्शन यानी कि जो सेकेंड मैराथन क्लास होगी उसमें बजट हो गया आपका फाइव ईयर प्लान वाली चीजें हो गई आपकी ये सभी चीजें जो भी जरूरी जरूरी होंगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो सारी चीजें अगली क्लास में खत्म करा देंगे ऐप का नाम क्या है ऐप का नाम भी वही है जो चैनल का नाम है टारगेट विद अंकित के नाम से बेटा आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है बच्चों बहुत बढ़िया ये वाली क्लास की पीडीएफ आपको टारगेट विद अंकित टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी वहां डाउनलोड मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं डाउनलोड तो होगा आपके फोन में ठीक है बच्चो लव यू टेक केयर बाय बाय बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए आज की क्लास यहीं तक सभी साथियों को नमस्कार जय हिंद बाय बाय